जैसे मुझे लिख के याद करने की आदत मेरी कभी नहीं रही है, हाँ तो जब भी मैं लिख के याद करती थी तो मुझे लगता था कि जितनी देर में मैं एक आंसर लिख ली उतनी देर में मैं अपने चार आंसर्स याद कर लूंगी। यार वो उस समय आपको बहुत ही एक टीडियस टास्क लगेगा, बट आप उस चीज को समझिए, उस चीज की इंपॉर्टेंस है कि जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं और आपकी एंट्री होने वाली, वो होता है ना कि आप आखिरी समय में क्या पढ़ लें, तो जब आपको सारी इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक से एक ही जगह दिख जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बेयर प्रोविजन पढ़ लिया बट क्योंकि केस लॉ वहां लिखा नहीं था तो वो छूट गया और अब वही चीज क्वेश्चन में आ गई। जब आप बेयर एक्ट खोलोगे, अच्छा बेयर प्रोविजन भी वही लिखा है, लैंडमार्क केस भी वही लिखा है, कभी होता है जजेस का नाम पूछ लेते हैं वो भी वही लिखा है, डिसेंटिंग ओपिनियन पूछ लिया वो भी वही लिखा है, तो आप भले पढ़ने आप सेक्शन जाओ बट आसपास सारी सब कुछ इंफॉर्मेशन आपका लिखी है आपकी वही न, हाँ वही रिवाइज हो जाएगा। आप वही मतलब ये है कि आप जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह एक्यूमुलेट तो कर लें, जी आप उसको बहुत ज्यादा, यानी कि कहीं कुछ ये लिख लिया, बिल्कुल कहीं कुछ नोट्स ये हैं, तो आप डिफरेंट इस तरह करोगे तो लास्ट मोमेंट पर आपको रिवीजन करने में हाँ डिफिकल्टी होगी, आप बेहतर तरीके से रिवीजन नहीं कर राइट। पाएंगे। भले ही आपको लैंडमार्क केस पता है बट आपको सेक्शन में कंफ्यूजन था, आप सेक्शन देखने गए आपकी नजर ऑटोमेटिकली लैंडमार्क हाँ केस पे पड़ी जाएगी, तो वो एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश हो जाएगा आपकी हाँ मेमोरी तो में। इस तरह की जो आपका फाउंडेशन है वो बेसिक्स है, वो बेयर एक्ट है, उससे अलावा जो और नॉलेज है, जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसको आप गैदर करें, चाहे आप बुक से, किसी और इंटरनेट के बिल्कुल ऑनलाइन सोर्सेज से, और आप बेयर एक्ट के पास ही उसको लिख लें। लिखें जैसे आप प्रोविजन रिवाइज करेंगे तो प्रोविजन नंबर, कंटेंट और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आप एक साथ उसका वही, वो रिविजन आपकी कर सकते हैं। होलिस्टिक प्रिपरेशन ऐसे चलती रही। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक फॉर जुडिशरी। जैसा कि किसी भी मंजिल का एक सफर होता है और उस सफर की एक कहानी होती है, और आज जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो कहानी है मिस दुर्गा उपाध्याय की, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज 2021 का जो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें 47th रैंक सिक्योर की है। तो आइए बातचीत करते हैं मिस दुर्गा उपाध्याय से। तो दुर्गा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आर व्यूअर्स। मेरा नाम ध्रुतिका उपाध्याय है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने हाल ही में कंडक्टेड मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन 2021 में ऑल इंडिया रैंक 47 अचीव करी है। राइट। तो दुर्गा, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मेरी फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, मेरे फादर डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय, मेरी मदर डॉक्टर गीता उपाध्याय, दोनों ही लोग नवोदय विद्यालय समिति से रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और मेरी एक बड़ी बहन है, शी इज मैरिड नाउ। ऑल राइट। तो जैसा कि आपने बताया कि आप भोपाल से बिलोंग करती हैं, तो आपकी स्कूलिंग भोपाल से ही हुई है? नहीं, जब मैं मेरा जब स्कूल का मेरी एजुकेशन हो रही थी उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स नवोदय विद्यालय समिति में ही काम करते थे, तो जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती थी मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई है। तो 10th तक की मेरी एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुरी से हुई, फिर उसके बाद क्योंकि मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना था, मुझे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना था, तो 11th 12th की मेरी एजुकेशन है वो ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल ग्वालियर से कम्प्लीट हुई है। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका नॉन लीगल बैकग्राउंड है ना, तो सबसे एक बड़ा सवाल आता है कि हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं या फिर हमारी फैमिली में, हमारा फैमिली कोई भी मेंबर किसी प्रोफेशन में रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारा रुझान उस प्रोफेशन की तरफ रहता है। तो आपका तो कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, नहीं। तो लॉ एज अ कैरियर ऑप्शन आपको कहाँ से आया कि ये एक बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकता है? जी, जैसे कि आपने बोला कि नेचुरली एक इंक्लिनेशन होता है कि आपने जो प्रोफेशन अपनी फैमिली में देखा है आप उसके तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होते हैं, बट आई गेस मेरे केस में इसका ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा एकेडमिक्स में देखा है और इवन मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ तो सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब हैं, तो क्योंकि मैंने वो लाइफ को इतना क्लोजली ऑब्जर्व करा है तो मेरे अंदर बचपन से एक ये क्लैरिटी थी कि मुझे एकेडमिक्स डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रोफेशन में तो नहीं जाना, एक वो नेचुरली हो जाता है आप उसको इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हो। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे इन तीनों प्रोफेशन से कुछ हटके करना है, एक डिफरेंट प्रोफेशन में जाना है, बट मैं क्लियर नहीं थी कि वो प्रोफेशन कौन सा ठीक होगा। है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मेरे एल्डर ब्रदर हैं पुनीत चंसौरिया, उन्होंने मुझे बताया, उस टाइम पे वो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ क्लैट के बारे में उनको पता था, तो ही इंट्रोड्यूस मी टू दिस फील्ड की लॉ एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और उसके लिए क्लैट करके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उस टाइम पे मैंने बस सुना था, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट कि क्लैट का क्या पैटर्न है, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, उसके बाद कैसा वो एग्जाम होता है, तो वो जो एक लीगल रीजनिंग वाला पार्ट था आई गेस वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तो ऐसे करके मैं लॉ एज अ करियर ऑप्शन से इंट्रोड्यूस हुई थी।
फिर उसके बाद तो जब क्लैट का एग्जाम दिया तो वो आगे की एक पूरी डिफरेंट जर्नी तो है आपने बेसिकली एक एलिमिनेशन मेथड फॉलो किया जी है ना, तो बिल्कुल मतलब आपने ये है कि जो हमारा जो नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है, जो फैमिली का प्रोफेशन रहता है, आप बिल्कुल अपोजिट गए उससे कि ये तो नहीं करना है, आपने हाँ कुछ आई और गेस इट करना है। वर्क्स बोथ वेज कि लोगों को कभी वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता हाँ, है। कभी कभी नहीं भी लगता है ना, तो हाँ आपका जो लेटर पार्ट था आपके केस में, जी ठीक है। तो अब इसमें जो दुर्तिका ने एक बात का जिक्र किया है कि क्लैट नाम से एक एग्जाम होता है, तो बेसिकली क्लैट एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो आप जैसे सुनते आते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसी तरह क्लैट जो एग्जाम होता है वो लॉ कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो दुर्तिका, आपने क्लैट जो एग्जाम दिया तो उसमें आप सक्सेसफुल हुई और उसके जी बाद आपको कॉलेज अलॉटरी हुआ है ना। जी तो आप अपनी कॉलेज का नाम, ग्रेजुएशन के बारे में बताएं। जी जब मैं क्लास 12th में ग्वालियर में अपना स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट करी थी, मैंने उस टाइम भी 2015 में क्लैट एक बार अटेम्प्ट करा था। तो उसमें मुझे जो कॉलेजेस मिले थे वहाँ पे थोड़ा ये था कि हॉस्टल का कुछ प्रॉब्लम था, हॉस्टल्स अलॉटमेंट नहीं हो रहे थे इनिशियली, तो मैंने वो वाला अटेम्प्ट अपना जाने दिया, मैंने वो ज्वाइन नहीं करा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन आई टुक अ ड्रॉप, मैंने कोचिंग करी एक साल डेडिकेटेडली सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर करा, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मैंने फिर वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और अपना 5 साल का BLLB ऑनर्स का कोर्स वहाँ से परसू करा ठीक है, हिदायतुल्ला नेशनल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जी रायपुर से। रायपुर से जी ऑल राइट। तो जैसा कि आपने एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था कॉलेज में? आपको क्या लगता है कि क्या वो स्किल्स थी जो आपने डेवलप की जी है ना, और आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। पर्सनली जैसे इनिशियली मैंने बताया मेरा इस बैकग्राउंड से कोई नहीं है, तो ये कम्प्लीटली एक बोलते हैं ना कि एकदम नई डिफरेंट दुनिया फील्ड टाइप थी। का था, हाँ कि हाँ सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, कहीं का मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या चीज़ कैसे होती है। बट आई गेस जब व्हेन आई लुक बैक एट माय जर्नी ऑफ दोज 5 ईयर्स, तो मुझे रियलाइज होता है कि लॉ बहुत, मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि लॉ एक बहुत एम्पावरिंग फील्ड है। जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने मेडिकल करा होता या इंजीनियरिंग या कोई भी और प्रोफेशन में मैं गई होती, शायद मुझे इतना एम्पावर्ड फील नहीं होता। एंड आई गेस इट इज बिकॉज कि वो एक जो अवेयरनेस जो लॉ आपको एज अ प्रोफेशन देता है, वो चीज़ बहुत मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सबको रहता है एक्सपेक्टेड कि अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं होते हैं। तो आई नहीं गेस रहते। वो चीज़ मुझे लॉ के प्रोफेशन ने दी है, और जर्नी लॉ स्कूल की बहुत अच्छी रही है, क्योंकि आप बहुत ही डाइवर्स क्राउड से आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हो। एज अ पर्सन मैंने बहुत अपने आप को डेवलप होते हुए देखा है वहाँ पे, जो भी एक्सपीरियंस है चाहे वो अकेडमिक्स के हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हो। तो आई गेस एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको जो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, भले ही आप उसमें एक्सेल करो या ना करो, बट जस्ट कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उन चीज़ों को इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इट हेल्प्स इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी इट डेवलपमेंट ओपन्स मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज। हाँ ठीक है, तो जैसे कि आपने एक जिक्र किया कि हम कहीं ना कहीं जो लॉ का सिग्निफिकेंस है, आज भी उसको उतना इम्पोर्टेंस, उसका नहीं उतना सिग्निफिकेंस लॉ को नहीं देते सिग्निफिकेंट नहीं समझते हैं ना। जी उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हम बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है सोसाइटी में उसको देख पाते हैं, कि देखते जी मेडिकल का देख पाते हैं कि डॉक्टर्स हैं, जी इंजीनियर्स हैं अगर इंजीनियरिंग फील्ड की जी बात करें, लेकिन लॉ का कहीं हमें लगता है कि लॉ में तो एक लॉ को लेके कहीं इस तरह की कोई धारणा रहती है कि लॉ में क्या ही ऐसा कुछ पढ़ने को है, मतलब जी लॉ में ऐसा कि यहाँ कुछ टेक्निकल बातें हैं, लॉ में कोई क्या पढ़ता होगा। लेकिन मतलब जैसा कि आपने बताया, मैं उसी बात पे कुछ कहना चाहूंगा कि जिस तरह सोसाइटी का एक फ्रेमवर्क होता है ना, हर एक हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उस हर एक ऑर्गन का अपना एक इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है। है, उसी तरह से जो जितनी भी ये प्रोफेशंस हैं उन प्रोफेशंस का अपना एक इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है। है। तो अब सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वो एक बेहतर तरीके से उसका चले है ना, उसकी जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर रहे कंट्री में, जी उसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट चाहिए जी है ना। तो इस जी बारे जैसा में कि आपने बोला कि हम लोग जितना इम्पोर्टेंस मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को देते हैं, उतना शायद अभी लॉ की फील्ड में नहीं है। तो इस पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने 10th के बाद, तो मतलब आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट अकेडमिकली, तो 10th में भी मेरा अच्छा CGPA था। तो जब मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है, तो थोड़ा सा ऑपोजिशन आया फैमिली की तरफ से कि नहीं, मतलब भले ही आपको बाद में लॉ परसू करना है आप करो, बट एटलीस्ट 12th तो आप साइंस बैकग्राउंड से करो।
तो वहां पे उस टाइम पे मैंने काफी मतलब अपने लिए एक स्टैंड लिया था कि नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज ही लेना है। फिर मैंने जैसे बताया मेरे बड़े भाई जो है पुनीत चंद सॉरी, उन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट करा था, उन्होंने सारे मतलब मेरे घर वालों को समझाया कि नहीं बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। फिर जब मैंने क्लैट का एग्जाम दिया तो ये चीज तो थी कि एक नई फील्ड है, बट वो एक नोशन होता है ना सोसाइटी में कि अरे वकालत वो करता है जो कुछ नहीं कर पाता फिर वो वकालत कर लेता है, तो ये वाले चीज आई गेस अब वो चीज इम्प्रूव हो रही है, बट उस टाइम पे बहुत ऐसा डोमिनेंट तरीके में देखने में मिलती थी, एक कन्वेंशनल एक अप्रोच रहती अप्रोच है किसी भी रहती थी। प्रोफेशन के हाँ लिए। जैसे कि छोटे से हाँ हमारे दिमाग में वो चीज डाल दी जाती है कि या तो डॉक्टर या इंजीनियर, लड़की है तो मेजरली डॉक्टर डॉक्टर। में बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। हाँ, वो एक सोच रहती है, तो कहीं हाँ ना कहीं और आपको उस धारणा को ऑब्जेक्ट कहें, प्रोटेस्ट कहें, या फिर हाँ उसको तोड़ना था, आपको ब्रेक तोड़ करना था। जी। और इवन क्लैट के टाइम पे भी जब मैं रायपुर से अपने घर आती जाती थी और मैं मिलते हैं लोग आपको जर्नी में, तो मैं बताती थी क्योंकि कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना परसू कर रही हूँ, तो लोगों को ये भी नहीं एट टाइम्स पता होता था कि अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती है, क्या होता है वहाँ पे, आप कौन से करियर प्रोफेशन के लिए वो चीज़ होती है, तो उतनी अवेयरनेस अभी तक भी नहीं थी। बट अब जैसा मैं देख रही हूँ, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, बट अब जैसा मैं देखती हूँ ज़्यादा लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आई गेट्स इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप, धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस आ रही है। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी ग्रेजुएशन हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी से हुई, तो ड्यूरिंग कॉलेज, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आपको सबसे पहली बार जो थॉट आया कि यार कि जज बनना जी है ना, मतलब आपको ऐसा नहीं पता था कि प्रिपरेशन कहाँ कैसे क्या करनी है, बस हाँ आपको बस थॉट आया कि कि जज जज बनना है, बनना है। हाँ तो उस थॉट की इंस्पिरेशन क्या थी? जी, तो जैसा मैंने बताया जब मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे लॉ करना है, तो कमिंग फ्रॉम अ नॉन लीगल बैकग्राउंड जो दो डोमिनेंट एक इमेज बनती है ना आपके दिमाग में जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो मुझे ये पता था कि हाँ लॉ करते हैं तो ये दो तो पता है कि भाई वकील बन सकते हैं और जज बन सकते हैं, इनका तो पता था, तो वो थॉट हमेशा से था कि अच्छा हाँ एक ये रास्ता तो मेरे लिए खुलेगा। बट क्योंकि मैं प्रोफेशन में मतलब बिल्कुल नई थी तो मैं सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहती थी। जब मैं एनएलयू में गई तो वहाँ पे एक कॉर्पोरेट कल्चर मिला कि ज्यादातर लोग हैं जो लॉ फर्म्स में जा रहे हैं या अपना लॉ फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, लिटिगेशन में जा रहे हैं, तो मुझे भी था। और एक वो जो लॉ फर्म वाली लाइफ होती है थोड़ी फैसिनेटिंग लगती है, आप मेट्रो सिटीज में रहोगे, अच्छी सैलरी, ये सारी चीजें, तो मेरा भी स्टार्टिंग में था मतलब ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा से था कि अच्छा ये एग्जाम होता है बहुत चार्मिंग जॉब है और सरकारी नौकरी का तो अपना वो रहते ही है, तो बट मुझे था कि जब मैंने आसपास के अपने लोगों को देखा तो मैं भी थोड़ा कहीं कॉरपोरेट की तरफ इंक्लाइंड हो गई थी। बट जब मैंने लॉ स्कूल के टाइम में अपनी इंटर्नशिप्स करी तो वो एक थोड़ा मिक्स्ड बैग टाइप का है, उसमें लिटिगेशन इंटर्नशिप्स भी हैं, कॉरपोरेट इंटर्नशिप्स भी हैं, जुडिशियल क्लर्कशिप्स भी हैं। तो जब मैंने अपनी पहली दूसरी लॉ फर्म की जब इंटर्नशिप करी थी तो मुझे ये क्लैरिटी आ गई थी कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मे बी इट केम फ्रॉम एक उस जगह से ये चीज आई कि मैंने हमेशा अपनी फैमिली में मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में, तो एक वो जो लाइफ होती है ना वो 9 to 5 वाली जॉब मुझे अच्छी लगती है कि आपका शेड्यूल्ड है सब कुछ, ऑर्गेनाइज्ड है, पता है आपको कब छुट्टी है कब नहीं, ये सारी चीजें मुझे वो अच्छा लगता था। तो जब एटलीस्ट मुझे ये क्लैरिटी आई कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, फिर अब मैंने देखा कि अच्छा, एंड आई गेस वो क्लैरिटी मतलब बोलते हैं ना कि आपको क्लियर होने से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी हुई आपको क्या नहीं करना है, मतलब फिर यहाँ भी जो करना है वो तो आपने आप फिगर आउट कर ही लोगे, बट एटलीस्ट क्योंकि अगर ये क्लैरिटी मुझ में नहीं होती तो मेरे मन में हमेशा वो चीज रह जाती कि कि ये भी बेहतर हो शायद अगर सकता मैं है, लॉ फर्म में वो ज्यादा जाती बेहतर तो मुझे रहता। और अच्छा लगता और हाँ, मैं मेरा हमेशा से मन उस चीज में जाने का था। बट जब मैंने कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करी तो मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि अच्छा मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, और इक्वली गुड प्रोफेशन है, आप चाहे लॉ फर्म ज्वाइन करो लिटिगेशन करो, बट इट्स जस्ट कि सबना सबकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है लाइफ की, प्रायोरिटी, उनको कैसी लाइफ एक चाहिए, नेचर होता है, एक नेचर जीने का एक होता है तरीका सर। होता है, तो मतलब एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपने यहाँ भी एक एलिमिनेशन जो मेथड मेथड अपनाया है, एंड आई फॉलो गेस किया मेरे लिए हमेशा लाइफ में ये वाली चीज हमेशा बहुत अच्छे तरीके से वर्क करी है कि मुझे ये पता चल जाता था कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या फिर नहीं मैं वो करना। फिगर आउट कर लेती थी कि मुझे क्या करना है। इसी तरह जब मैंने अपने थर्ड ईयर का मेरा 5th सेमेस्टर हो चुका था तो मैंने एक जुडिशियल क्लर्कशिप करी एक डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर, तो जुडिशियल क्लर्कशिप काइंड ऑफ, कि हम जो भी जज होता है उसको एसोसिएट करते हैं, है ना, जी लीगल एसोसिएट, आप असिस्टेंट कह सकते हो हाँ आप। असिस्ट करते हैं उनको। तो जब मैंने उनकी लाइफ देखी तो मुझे वो चीज अच्छी लगी क्योंकि एक वो रहता, और मेरे मन में ये भी था कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लोग यूपीएससी में भी जाते हैं और एक
ऑल टुगेदर एक डिफरेंट करियर में ही चले जाते हैं लॉ परसू करने के साथ ही, बट मुझे हमेशा था कि मुझे कोर लॉ की फील्ड में ही रहना है, और आई गेस जुडिशियल सर्विसेज से बेटर ऑप्शन वो मुझे नहीं, कोई भी दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था इतना क्लोजली लॉ से एसोसिएटेड रहने का. तो ये भी चीज़ थी मेरे दिमाग में जब मैंने उनका देखा कि अच्छा कोर्ट में फंक्शनिंग कैसी होती है, उनकी क्या लाइफस्टाइल होती है, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी. बट जो एक वो रहता है ना, एक वो पॉइंट जहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हो कि बस अब मुझे ये यही करना करना है। है, वो चीज़ ये थी कि जब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखा कि जब लोग आते हैं और उनका जो एक विश्वास है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के टुवर्ड्स, वो बोलते हैं ना कि जब सब आपने सारा, लास्ट होप आपकी, हाँ लास्ट आखिरी होप, होप। कि आपने सारे अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, तब आप बोलते हो कि अच्छा मैं तुमको कोर्ट में देखूंगा. तो आई वो जो सी यू इन ट्रस्ट है, कोर्ट। हाँ वो जो ट्रस्ट है लोगों का, तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा. और मेरे मन में आया कि मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से अपने आप को एसोसिएट करना है जहाँ पे, मतलब वह है ना कि लोग अभी भी समझते हैं कि अब ऐसा नहीं रह गया कि किसी पे भरोसा कर सको, या हाँ, आपको मतलब लोग किसी लेट डाउन नहीं करते हैं. हाँ तो कहीं एक ना। ऐसे सोसाइटी में और एक ऐसे एनवायरनमेंट में अगर एक चीज है जो लोगों को अभी भी होपफुल रखती है कि भाई हमारे साथ सही या गलत है, हमको न्याय तो कोर्ट से तो मिल ही जाएगा, कहीं से मिले ना मिले, तो वो चीज मुझे बहुत सच। अच्छी लगी कि मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है. तो आई गेस वो एक फाइनल पॉइंट था जहाँ पे मैंने सोच लिया कि कि अब अब तो ये डिसाइड हो गया है. कि जज ही बनना हाँ है ना। फिर उसके बाद मैंने एक सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर भी इंटर्नशिप करी, तो खैर उनके लाइफस्टाइल में, और एक जो आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब एक जुडिशरी में काम हाँ करते हो उनके लाइफस्टाइल में तो एक बहुत अंतर रहता है. बट आई गेस जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ ये कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जज का भी देखा और फिर जो एक हाईएस्ट पॉइंट जो आप रीच कर सकते हो इस प्रोफेशन में, मैंने वो भी देखा. तो मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, अगर कभी मुझे मौका मिलता है आगे इस पोजीशन तक भी जाने का, तो भी मैं इस लाइफस्टाइल से कंफर्टेबल हूँ और मुझे अच्छा ही लगेगा अगर मुझे मौका ये मिलता है. तो आई गेस वो एक था डिटर्मिनेशन का पॉइंट कि अब मुझे इसी में करना है, अब बस आगे ये सोचना था कि कब शुरू करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये चीज. तो जैसे द्वारिका ने जो पूरा अपना जो इस थॉट प्रोसेस के पीछे के जो रीजंस थे वो अभी शेयर किए, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये सामने निकल गई कि हम जब भी चूज करते हैं ना प्रोफेशन, कि हमें इस प्रोफेशन में जाना है, इसमें नहीं जाना है, तो हम क्या है कि जो होता है ना कि हियर से दूसरों की बात को सुन के अपना एक डिसीजन बना लेते हैं कि यार उसने कहा कि कॉर्पोरेट जॉब्स अच्छी नहीं है, लीगल फॉर्म्स में ये इस तरह का टॉक्सिक वर्किंग नेचर रहता है ना, तो उसको सोच के हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये जॉब तो अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। देखिए दुर्गा ने एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये बताई, आप मतलब जो शेयर की हम लोग के साथ हूँ, वो ये है कि आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए, है ना। जिस अगर आपको किसी ने कुछ बोला है कि ये प्रोफेशन ऐसा है ऐसा नहीं है, तो आप जब तक आप अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं लोगे उसमें, तब तक आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। रियलिटी इन द सेंस कि किसी भी जो वर्क का जो नेचर होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्सन के लिए जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं वो बेहतर रहेंगे, किसी के लिए जुडिशरी बेहतर है और किसी के लिए लिटिगेशन बेहतर है। तो मतलब इससे सीधी सी एक बात निकल के आती है कि आपको जो अपने लिए बेहतर लगता है, जो आपके नेचर को सूट करता है, आप उस हिसाब से अपना प्रोफेशन चुने। बिल्कुल, आप खुद एक्सपीरियंस करिए कि व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू, क्योंकि हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस हैं और अपने पर्क्स हैं. आप देखिए आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए और आपका जो पर्सनालिटी है वो किस प्रोफेशन सूट कर रहा है सूट कर आपकी रहा है। पर्सनालिटी को. आपको अपने अकॉर्डिंग तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, वो तो आप फेस करोगे, बट उसके पहले आप देखिए कि कौन सा प्रोफेशन है जो आपके पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा सूट कर रहा है. आई गेस अगर आप इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे अपना प्रोफेशन, तो आप उन चैलेंजेस को, वो आपको फिर चैलेंजेस नहीं लगेंगे, आप उन चैलेंजेस को भी अच्छे, अपना बेस्ट दे के उनको व्हेन फेस योर करने पैशन की कोशिश करें, बिकम योर प्रोफेशन, प्रोफेशन. वो वाली हाँ बात है। वही तो बात है, आपको वो कहीं ना कहीं वो डिसीजन खुद के लिए लेना लेना पड़ेगा. और पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एट टाइम्स होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वरीड होते हैं हमारे लिए कि अगर आप कुछ नया करना चाहो तो उनको डर रहता है कि भाई फेलियर का सामना ना करना पड़े. बट अगर आपने अपने मन में बना लिया है, तो आई गेस आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए उस चीज में, भले ही आपको, क्योंकि बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा मुश्किल अपने घर पे ही अपने लिए लड़ना होता है, अपने क्लोज वन से आप अपने अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट बाहर जाने की में दुनिया से डरते हैं. लड़ना उतना लड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल अपनों नहीं से है, लड़ना बहुत मुश्किल ज्यादा होता मुश्किल है. है। तो बट अगर आप डिटरमाइंड हो, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी है और कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो आई गेस आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. तो इस बात को आप जो भी व्यूअर्स हैं इस बात देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं या फिर जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइफ में अपना कोई प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। तो ये तो रही बात थॉट प्रोसेस की कि हम कैसे इस डिसीजन पे पहुंचे कि जज बनना है। अब उसके बाद आती है कि जज बनना है तो प्रोसेस स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट, आप उसका सबसे पहला मेरा इसमें एक सवाल आएगा कि एक एक मिथ है ना कि जो हम बना के चलते हैं कि इस जो भी प्रिपरेशन है उसमें इतना टाइम लगेगा, है ना, एक टाइम ड्यूरेशन हम डिसाइड करके चलते हैं कि इतना टाइम तो लगेगा ही। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना, बताएं कि आप
आपको क्या लगता है कि एक जो टाइम पीरियड है, एक वो कितना टाइम पीरियड है जो जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सफिशियंट होता है कि हाँ इतना टाइम पीरियड अगर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्जाम में डेडिकेट किया, इस प्रिपरेशन में, तो आपकी प्रिपरेशन एक बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी? तो इस बात पे मैं ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब आपको पता है कि मेरा जो एक ग्रेजुएशन, सेकेंड, इसमें क्या होता है कि तुम रिपीट कर दिया था गलती से, क्या चीज़, मेरा जो होता ना हो जाएगी और ये सब, ये रिपीट हो गया था तुमसे, ऐसा लिपसिंग हो गई थी, मैं बोल रहा था ना इसलिए। अच्छा, कि आप भी बोल रहे हो साइमल्टेनियसली, मैं भी हाँ बोल रही हूँ। हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, है ना, समझ गई। हाँ 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 ठीक तो, है ना, आप दोबारा 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 बोलो, हाँ मैं पूछ चुप रहा हूँ। हाँ, रहूँगी। तो जैसा कि आपने, आपका ये फाइनल जैसा कि आपका ये फाइनल डिसीजन हो गया कि अब जज बनना है ना, तो अब जज बनना है तो उसकी एक प्रोसेस है, एक प्रिपरेशन है, तो उस प्रिपरेशन के बारे में जानने से पहले मैं एक, मेरा एक सवाल है कि एक हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक जनरल एक थॉट रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इतना टाइम पीरियड तो इस प्रिपरेशन में लगेगा आपको, है ना? तो आप, आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है कि अगर इतने समय, इतना समय आपने इस प्रिपरेशन में दिया विथ प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, तो आपकी एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी? क्या ड्यूरेशन लगता है आपको वो? तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2021 में कंप्लीट हुआ था, और उस टाइम तक कोविड और लॉकडाउन ये सब चीज़ें आ चुकी थी। तो ये डिसीजन मेरा कि अब मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ये मैंने अपने 5th ईयर में लिया, ईयर 2020 में। और उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। सबसे पहले एक काम कर दो कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसमें अपना ड्यूरेशन बता दो कि मेरे हिसाब से इतनी ड्यूरेशन कोई प्रिपरेशन करेगा, फिर आते हैं कि तुमने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कैसे की। करी, ठीक है। तो ये चीज में मतलब मेरा बहुत वैसा वाला सीन रहे ना कि प्री आ गया तो प्री दे दो, मेंस आ गया, कि तुम मतलब एक एक्सपीरियंस बना सकते, एक ओवरऑल पीरियड की, अगर मैंने मैंने कहा कि अच्छा एक कंसिस्टेंटली अप्रॉक्सीमेट, कंसिस्टेंटली हाँ। अगर हम कोई ऑब्स्टिकल तो बीच में नहीं उसमें मैं आया, अपना जो कोचिंग की पढ़ाई वाला ड्यूरेशन है वो काउंट करूँ या सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी का बताऊँ? दोनों का तुम तो एक ओवरऑल अपना आइडिया बना दो कि यार इतना पीरियड अगर आपने कोई ब्रेक नहीं आया, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ दिया कि 6 से 8 महीने, 8 से 10 महीने, तो आप कंप्लीटली, आप प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट, कंसिस्टेंटली देना डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, वो बताना हमें एक पीरियड। एक वो नहीं होता कि देखो बीच में कभी रुका, वो तो एक हो गया एक हाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी सरकम, एक्सट्रॉडिनरी, एक नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, है ठीक है ना? ठीक है, रिपीट करता हूँ इसको। जी। तो जैसा कि आपने फाइनल डिसीजन लेनी है कि आपको जज बनना है, अब जज बनना है तो उसके लिए प्रोसेस है, प्रॉपर प्रिपरेशन की जाती है, तो आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसके बारे में जानने से पहले मेरा एक सवाल है कि एक हमारे, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में इतना समय तो कम से कम लगेगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि अगर इतना समय अगर हम इस प्रिपरेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ दें तो हमारी एक प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्या लगता है वो कितना ड्यूरेशन होता है? अगर मैं इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे हिसाब से अराउंड 8 to 10 months, अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो 8 to 10 months का टाइम आपके लिए सफिशियंट होता है। उस 8 to 10 months में आप अपना एटलीस्ट एक बार पूरा सिलेबस इन डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बस आपका रिविजन का काम रहता है, जो कि आपको उसके बाद का टाइम, बट 8 to 10 months इज अ सफिशियंट टाइम कि आप अगर एक एक चीज को भी अच्छे से टाइम देके भी पढ़ेंगे तो भी 8 to 10 months में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो कंप्लीट, जाएगा जी। ऑलराइट। अब आते हैं आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए, उन सारी बातों पर आप एक एक करके हम बात करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन ईयर 2021 में कंप्लीट हुआ था, और उस टाइम तक कोविड और लॉकडाउन ये सब सिनारियोज आ चुके थे पिक्चर में। तो मैंने अपने 5th ईयर में, मतलब 2020 में, मैंने ये डिसाइड करा कि अब मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे अब ऐसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड था तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे, और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं अपने घर से बाहर जाके इस चीज़ के लिए, जैसे एक ट्रेडिशनल सेंस में हम लोग कोचिंग करते हैं ना, वो ऑप्शन मेरे पास नहीं था। तो मैंने एक्सप्लोर करा कि क्या क्या ऑनलाइन ऑप्शन है, अपने कुछ सीनियर्स से बात करी जो इस एग्जाम की पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर मुझे पता चला कि जहाँ से मैंने अपने क्लैट की कोचिंग करी थी उस एग्जाम उस कोचिंग से, तो वो लोग एक मतलब मुझे पता चला कि वो लोग अब जुडिशरी के फील्ड में भी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो सिंस ये था कि एक वो ट्रस्ट फैक्टर था उनके साथ कि यहाँ से, और उस टाइम पे बहुत सारे जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं भी
वो ऑनलाइन कोर्स नहीं ऑफर कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही डिलेमा वाली लॉकडाउन। सिचुएशन थी कि कब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम वापस ऑफलाइन चले जाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि एक जब वो ट्रस्ट फैक्टर मुझे मिला जहाँ से, तो मैंने वहाँ पे एनरोल करा। 1 साल की मेरी कोचिंग उस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट हुई, तो 5th ईयर भी मेरा चल रहा था कॉलेज का, और साथ ही साथ मेरी ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही थी इस एग्जामिनेशन के लिए। जब वो कोचिंग खत्म हुई, मेरा ग्रेजुएशन हुआ HNLU से, उसके बाद मैंने, मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना ही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक अकेडमिकली स्ट्रांग बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तो एक वो नेचुरल इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। तो मैंने दोबारा से क्लैट LLM का एग्जाम दिया, बट क्योंकि मैं एक NLIU भोपाल में मतलब सीट सिक्योर नहीं कर पाई, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं भोपाल के ही किसी कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करूंगी, क्योंकि उस टाइम तक मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, तो मैं अपने होम टाउन से बाहर जाके वो चीज परस्यू नहीं करना चाह रही थी। तो जैसे कि आपने बताया कि क्लैट आपने पोस्ट जी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जिस के तरह लिए, का अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम होता जी है उसी तरह से पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन, LLM की डिग्री होती है जी लीगल जी एरेना में, है ना? हाँ ठीक है, तो आपने उसके लिए आपने ऑप्ट किया। जी। ठीक। तो जब मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का, क्योंकि मेरी कोचिंग खत्म हो चुकी थी, तो मैं साथ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रही थी, और एक सेल्फ स्टडी भी मेरी कंटिन्यूड थी। एंड आई फील कि कोचिंग आपके लिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर आपका कोई एक पर्टिकुलर मेंटर है जो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकते हैं, वो एक आपको एक रेगुलैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पढ़ाई में। बट आई गेस जो कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ स्टडी करके आएगा, एक वो रहता है ना जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो कि अच्छा मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, और अगर कुछ नहीं भी आएगा तो वो फिर किसी से नहीं बनेगा, मैंने इतनी तैयारी करी है। तो वो ये जो कॉन्फिडेंस है बहुत जरूरी होता है, एंड आई गेस वो सिर्फ एक सेल्फ स्टडी की जो प्रिपरेशन होती है ना, वही चीज आपको ये कॉन्फिडेंस दिला सकती है। तो 1 साल की कोचिंग खत्म होने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर रही थी, और साथ ही में सेल्फ स्टडी भी अपनी कंसिस्टेंटली मैंने जारी रखी थी, तो जैसा कि आपने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के जो फाइनल ईयर से स्टार्ट करी स्टार्ट थी। कर दी थी, ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो चुका था कि आपको जज बनना है और आपने उसी दिशा में अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर स्टार्ट दी कर थी। दी ठीक है, तो आपने ऑनलाइन कोचिंग की और उसके बाद फिर आपने उसको आगे कंटिन्यू रख के आपने ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए भी नहीं, और कोचिंग खत्म होने के बाद मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी सेल्फ घर पे ही स्टडी रह की के। है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मतलब आप यहाँ से ये बात समझ आती है कि जो एक अप्रोच रहती है ना स्टूडेंट्स की, जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके दिमाग में रहता है कि क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, तो आपका कहना ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की आपको हेल्प लेनी है ना, तो आप उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प लीजिए और साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी बिल्कुल दूसरे के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना डिसीजन ना लें इस बारे में, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? क्योंकि आप, हाँ हाँ बताएं। क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंसेस अलग, एक ही एग्जामिनेशन है बट जितने कैंडिडेट उसमें बैठ रहे हैं सबका अपना एक अलग ना अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, और मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ स्टडी का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। वो तो आपको आप करनी कितनी भी पड़ेगी। अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बट जब तक आप वो चीज़ वापस आके खुद से पढ़ेंगे नहीं, उसको 10 बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो जो क्लैरिटी आपके दिमाग में जो उसकी पर्टिकुलर टॉपिक की या सब्जेक्ट की आएगी, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी दिला सकती है। जैसे कि मेरे पास कोई मेंटर था नहीं, मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे इस इतना डिटेल में इस पूरे प्रोसेस के बारे में गाइड कर सके, तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली। बट आपके पास मेंटर है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उनका जो रोल है आपकी प्रिपरेशन और सक्सेस में, वो एक एक्सटेंट तक रहता है। उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी का पार्ट रहता है जो आपको आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हैं। तो दृतिका ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है जो आप सभी को सुननी चाहिए, वो ये बात है कि अभी क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, उसका जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो अप्रोच है वो स्पून फीडिंग अप्रोच कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है एस्पिरेंट्स के अंदर, इफ आई बिल्कुल एम नॉट रॉन्ग, है बिल्कुल ना? तो उसमें क्या होता है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सारी समझ लेते हैं, सारी बातें समझ लो, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो सेल्फ स्टडी, उस बात जो भी हमने पढ़ा है आज क्लास में, जो हमने पढ़ा है क्लास अटेंड की है, उसको हम घर आके रिवाइज नहीं करते हैं, और हमें ये लगता है कि जो भी है वो हमें कहीं ना कहीं हम सिर्फ क्लास अटेंड कर लें और हमारा काम हो जाए। तो द्रुतिका की जो इसमें पर्सपेक्टिव है ना, जो द्रुतिका का ओपिनियन है, उसके हिसाब से ये अप्रोच ठीक नहीं है। जी आपको खुद से सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की अगर हेल्प ले रहे हो तो एक सम एक्सटेंट तक ही आप उसकी, सर्टेन एक्सटेंट तक ही हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल।
तो आपने जैसा कि अब एक ओवरऑल आइडिया आपने बताया कि आपने इस तरह से प्रिपरेशन की कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में सेल्फ स्टडी का आपने इम्पोर्टेंस बताया, ठीक है। तो मैं जो एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में भी आपसे जानूंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स, उनके कहीं ना कहीं ये सवाल आते रहते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे किया जाए, बेयर एक्ट के प्रोविजंस को कैसे रिवाइज किया जाए, सोर्सेस कौन से फॉलो किए हैं। तो इन सारी बातों पर हम आएंगे बारी बारी से। उससे पहले मैं कुछ बातें जैसे जानना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती हैं, है ना। लोग उस बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर उस बात को उतना ज्यादा सामने वो नहीं आती हम लोगों के। वो इस तरह की रहती है कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, है ना। तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत एंथुजियाज्म और मोटिवेशन रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, अपने को फाइनल जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है कि जज, हमें वो पोल दिख रही होती है ना। तो आज जी हमने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की तो हम बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन क्योंकि प्रोसेस सेम नहीं रहेगी, है बिल्कुल ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और जो एक जिसको हम मानते हैं सक्सेसफुल एस्पिरेंट, मैंने यहाँ सक्सेसफुल एस्पिरेंट का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हर इंसान जिसने मेहनत की है वो सफल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आप एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट जरूर कहलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल तो उसी बात पे मेरा सवाल है कि वो जब प्रिपरेशन होती है, जो वो पीरियड होता है ना, उस पीरियड की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जो एस्पिरेंट होता है वही समझ सकता है, जो वो पेन होता है ना उस प्रोसेस का, वो एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो हर इंसान का कोई ना कोई, आज इंसान की सक्सेस दिख रही है, आज द्वितीका उपाध्याय सबको दिख रही है कि द्वितीका उपाध्याय है सिक्योर 47th रैंक, वो अभी सिविल जज बन गई है। लेकिन उसके पीछे कुछ इस तरह के लोगों का जो बहुत से बहुत ढेर सारे वो लोग होंगे जिनका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है द्वितीका की सक्सेस में, बिल्कुल है ना। द्वितीका का अपना खुद का उसने मेहनत की है वो एक बात है, और उसके अलावा जो उसके जो भी मेंटर्स थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, जो दोस्त थे, उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस कंट्रीब्यूशन को, जैसा कि लोग छूट जाते हैं ना, मतलब पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है ना। वो इंसान क्या है कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसका इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद उसके सिलेक्शन के पीछे जिन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था उनके बारे में कोई बात नहीं की। तो आप इस बारे में, जो लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो आपका सबसे हार्ड टाइम था, है ना, जब बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर रहे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, कौन थे वो लोग? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सोमेश, कि जब एक रिजल्ट आता है तो वो एस्पिरेंट तो सामने आ जाता है, बट उसका जो सपोर्ट सिस्टम था पूरा, जिन लोगों ने उसको वहां तक पहुंचाने में बहुत मदद करी, वो लोग पीछे छूट जाते हैं। तो ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरी मेहनत तो सामने आ गई दुनिया के, कि भाई सिलेक्शन हो गया, रैंक आ गई, इतने मार्क्स आए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो एग्जाम था वो सिर्फ मेरा नहीं था, हम तीनों का था, मतलब मैं, मेरे मम्मी पापा का भी एग्जाम था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने वो टाइम मुझे दिया कि मुझे दूसरी जगह मेरा एंगेजमेंट ना हो, लोग आ रहे, मेरे मम्मी पापा जैसे इस एज में है कि उनको हेल्प की जरूरत होती है, बट अगर मैं उनकी हेल्प करती तो शायद मैं उतना टाइम अपनी पढ़ाई में, या वो एक फ्लो होता है ना पढ़ाई का, आपको बार बार बीच में कोई बुलाएगा, कोई घर पे आ गया, आप बात करने चले गए, तो वो फ्लो टूट जाता है। तो उन्होंने इन सब चीजों से मुझे दूर रखने का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा, कि और जितना उन्होंने डिफिकल्टीज फेस करी है एक वो टाइम मुझे देने के लिए, तो आई गेस कि एग्जाम हम तीनों का था, अगर पढ़ाई मेरी थी मैं नहीं जाती थी बाहर, घर में शादी है मैं नहीं जाऊंगी, पर मेरे मम्मी पापा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर घर पे मैं अकेले रहूंगी तो मेरा काम बढ़ेगा, मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाऊंगी, घर पे मेरी दीदी को बेटा हुआ तो मैं नहीं जा पाई, मतलब ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स होते हैं, पर मैं नहीं गई, मेरे पापा भी नहीं गए, है ना, तो वो चीजें छूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आया मेरी मेहनत तो सामने आ गई, बट ये एग्जाम उनका भी था, उन्होंने भी इस एग्जाम को दिया, वो भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो उनका भी ये रिजल्ट है साथ में, तो मैंने अकेले ने नहीं, हम तीन लोगों ने मिलके ये एग्जाम दिया और तीनों ने निकाला इस एग्जाम को। हाँ, द्वितिका ने बहुत अच्छी बात कही। तो फैमिली का जो सपोर्ट था वो उन्होंने बताया। अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन जिनको आप जो आपको जन्म से मिलते हैं, बाय बर्थ बिल्कुल मिलते हैं ना, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे जिंदगी के सफर में हमें मिलते हैं। बिल्कुल तो ऐसा भी कोई रिश्ता था आपको बिल्कुल जिंदगी के सफर में मिला और वो आपका कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट सिस्टम रहा है इस प्रिपरेशन में? बिल्कुल आई गेस जब ये बात सुनते हैं तो सबसे पहली इमेज दोस्तों की बनती है, हाँ। और मेरा मतलब जैसा मेरा नेचर है और मेरी पर्सनालिटी है, मैं हमेशा बहुत ऐसे, मेरा क्लोज्ड फ्रेंड सर्कल वो वाले लोग होते हैं ना जिनके बस दो ही दोस्त होते हैं बट बहुत पक्के दोस्त होते दोस्ती हैं, दोस्त दो, हाँ
दोस्ती सबसे है, दोस्त बहुत कम है। हाँ ये वाला सीन है मेरे हाँ साथ कि दोस्ती सबसे सबसे हाय हेलो होगी, जान पहचान होगी, बट वो लोग जिनसे आप अपना अपनी हार्डशिप्स शेयर कर सको कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि यार मैंने मेहनत तो बहुत करी है बट अब एग्जाम के टाइम इतनी नर्वसनेस है कि मुझे डर लग रहा है मैंने जो प्रिपेयर करा है वो मैं डिलीवर कर पाऊंगी कि नहीं. तो आई गेस फ्रेंड्स वही होते हैं जिनसे आप अपने फियर्स भी शेयर कर सको. तो और अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको लगता है तो बिल्कुल क्या आप उनके नाम बताना बिल्कुल चाहोगी? बिल्कुल. हाँ सबसे पहला तो मैं जिसको क्रेडिट देना चाहूंगी अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है वैभव, जिसके कॉन्स्टेंटली मैं टच में थी. तो मतलब ऐसा कि वो एक वो होता है ना कि कुछ लोग जिनके सामने आपको फिल्टर नहीं यूज करना पड़ता है कि आप कुछ भी बोल जो दो, मन में आपके है मन में दिल डर में नहीं आप रहता कि बोल अच्छा देते इनको हो। बुरा लग जाएगा और ये अदरवाइज ना ले ले हमारी बात को. तो एक वो फ्रेंड था जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था. उसकी एक बात जो मतलब अब मैं अगर कोई मेरे पास आता है कि दीदी मुझे डर लग रहा है, मेरे जूनियर्स हैं, तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैंने पढ़ तो सब लिया अब एग्जाम है तो मुझे डर लग रहा है, मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी है. तो जब ये चीज मैंने वैभव से पहली बार सुनी थी तो वो मुझे उस चीज वो फीलिंग मुझे पता है कि जब आप इतने डरे हुए और आपको बोल दे कि अच्छा तुम डर रही हो ना तो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, तो मुझे लगता था कि अच्छा हाँ सही कह रहा है. क्योंकि जब आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आपको आउटकम का डर नहीं होता है ना, हाँ कि उत्तम आपको का पता है आपने उतने आप एफर्ट्स नहीं डाले हैं, हाँ आपने प्रिपरेशन नहीं करी हाँ तो कुछ आपके भी पास अगर. होने को चाहिए कुछ हाँ है, पाने की मशक्कत नहीं है तो कौन सा बिल्कुल होगा क्या। वही. तो जब आप इतना एफर्ट्स डालते हो, इतना टाइम देते हो किसी भी चीज को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका जॉब हो, आपकी फैमिली हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आप जब टाइम देते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा आउटकम मुझे कुछ आउटपुट। मिलेगा. तो उसने मुझे ये चीज बोली थी कि अच्छा एग्जाम मतलब डर लग रहा है ना, एग्जाम का मतलब तैयारी बढ़िया है. तो उससे मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला. एंड आई गेस लास्ट मोमेंट पे यही छोटी छोटी, लास्ट मोमेंट पे आप ये नहीं पैनिक करते कि अच्छा मुझे वो सेक्शन नहीं ध्यान आ रहा, मुझे वो केस लॉ नहीं ध्यान आ रहा, लास्ट मोमेंट पे आपको यही सारी चीजें बॉदर करती हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो बन तो जाएगा ना, ऐसा बस क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा कि जो मैंने कभी नहीं सुना पढ़ा ही ना सुना हो. ही नहीं। तो उस मोमेंट पे जो आपको एक ऐसा कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड करे, बोलते हैं ना कि आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, आपको नहीं पता है कि आपके वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होगा दूसरों पे, आपको नहीं, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत नॉर्मल हाँ बात ये तो बोल रहा कुछ हूँ, भी नहीं है। बट उसके लिए वो एक बहुत होप दिला सकता है सामने वाले इंसान को. होप क्रिएट तो करता। एक फ्रेंड वैभव, दूसरा एक मेरा फ्रेंड, मेरी दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मानसी सिंह भोपाल की है वो, और एनी लकी, तो वो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो मैं उनसे अच्छा जैसे बोलते हैं ना कि हर फ्रेंड का एक अलग अलग रोल होता है, तो वैभव के साथ हाँ ऐसा था कि मैंने बता दिया भाई मुझे डर हाँ लग रहा है या मेरा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या बहुत सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. और मुझे पर्सनली ऐसा चाहिए रहता है कि जैसे मैं इतना सिंसियरिटी है मेरे अंदर कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ तो भी मेरे दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही हैं, मैं अकेले बैठी हूँ तो भी मुझे लग रहा है कि यार अभी अच्छा ये रिवाइज करना है, इतने टॉपिक्स कवर हो गए. तो मुझे ब्रेक लेने की चाहिए होता है कि ऐसे लोग जिनसे मैं पढ़ाई की बातें ना करूँ, फिर इस तरह मैं की भी कुछ अरे कॉलेज की वो बात याद कॉलेज की है, कुछ अरे ये वेब बातें हैं। सीरीज हाँ देखी, अरे ये हाँ नया स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो थोड़ा आया ये अपने आप देखा, को थोड़ा ताकि लाइट वो अप करने की। हाँ हाँ मेरे मतलब दिमाग को वो पढ़ाई वाले पूरे एक एनवायरमेंट से ब्रेक मिले. उसके लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए रहते थे जो पढ़ाई की बातें ना करें. बिल्कुल। तो एनी और मानसी वो दो लोग हैं जो मुझे वो ब्रेक मतलब वही है ना, लोगों को नहीं पता है कि उनकी आपकी जर्नी में उनका क्या रोल है. हाँ तो ये मैं क्रेडिट उन दोनों को देना चाहूंगी कि वो पूरा मुझे कि अच्छा ये पता उसके साथ ऐसा हो गया और ये नई वेब सीरीज देखी, मैं लिंक शेयर करूंगी और ये नई फोटो देखो मैं यहाँ जा रही हूँ. तो वो मुझे एक ब्रेक प्रोवाइड करता था, मे बी उनको नहीं पता हो कि वो चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, बट मैं उस मोमेंट का जो इम्पोर्टेंस है मुझे उस चीज का रियलाइजेशन है. और एक आखिरी फ्रेंड है रत्नेश पांडे, वो भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है. तो उसके साथ वो वाला हो जाता था कि जैसे प्रिपरेशन बाकी हाँ बाकी के दोस्त रेस्पेक्ट हम हैं, बात हैं। हाँ बाकी दोस्त हैं जो अलग अलग चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो क्योंकि सेम ही प्रिपरेशन था कॉमन तो यार रिविजन साथ में कर लेते, कुछ तो क्वेश्चंस तुम पूछ लेना कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूंगी. तो वो बोलते हैं ना जो आप बात करते हो जो सुनते हो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रह जाती है. विजुअलाइजेशन होता है हाँ जो हम सुनते वो हैं, दोनों इस तरह की बातें याद रहती हैं रह लंबे जाती. समय और तक। ये भी चीज कि जब आप दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हो बीच में हंसी मजाक होता है, उस हाँ हंसी मजाक से आपको आंसर्स याद रह जाते हैं. याद रह जब जाते आप क्वेश्चन देखते हो हैं। कि अच्छा उसने ये मजाक ये बोला था ना कि ये 47 बोला सेक्शन में तो था। ऐसा ऐसा था, देखो कितनी फनी हाँ बात है. तो हाँ वो आपके दिमाग में रह जाती है. तो भाई सबका सेकंड रोल बहुत अलग अलग है बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो 50 50 में क्या है, 50 बोले में क्या टॉप अप है. रिचार्ज हाँ इस तो तरह की अच्छा अब ये चीज भले ही आपको बातें सेक्शन 50 आप 4 घंटा बैठ के याद करते आपको बोले। नहीं होता, बट क्योंकि उसने ऐसा बोला था और आपको हंसी आई थी वो चीज आपके दिमाग में रह जाती है. तो और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट क्योंकि टाइम की पॉसिटी है तो मैं सबके हाँ तो नाम लेना ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं इक्वली उनका जो भी मेरे जर्नी में उनका जो पार्टिसिपेशन है मैं उसको बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहूंगी और क्रेडिट देना चाहूंगी, उनका ड्यू क्रेडिट जो है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं
लाइफ में, जीवन में, आपके सक्सेस में जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं जब सक्सेस मिल जाती है तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं, है ना? तो आपका उन लोगों को भूलना सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, वो एक जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, कि लोगों के अंदर जो फेथ रहती है, ट्रस्ट रहता है कि आज हम किसी के साथ हैं तो कल को जब हमारी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारा साथ देगा। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह का जब आप क्रेडिट देते हो ना अपने जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको, तो वो फेथ है ना वो बनी रहती है ना? यहाँ पे मैं एक मोमेंट लेना चाहूंगी। जैसे आपने बोला, तो मैंने जैसे बताया मेरे पेरेंट्स नवोदय में थे, और नवोदय यूजुअली रिमोट एरियाज में होते हैं। नवोदय का अपना एजुकेशन है वो 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। तो एट टाइम्स जो नवोदय के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी प्राइमरी एजुकेशन दे पाए। और वो चीज बोलते हैं ना कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे जाके कितनी भी मेहनत कर लो, वो अगर आपका बेस वीक है तो आपको हमेशा उस चीज के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं अपने पेरेंट्स को भी क्रेडिट देना चाहूंगी, और मेरी मौसी है डॉक्टर मालती व्यास, उन्होंने मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरी उनके पास रह के हुई है। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि मैं भी छोटी थी, मेरे पेरेंट्स को मुझे छोड़ना था मेरी मौसी के पास, और मौसी खुद, मौसी मौसा जी दोनों वर्किंग है, तो अपने वर्क को मेरे शेड्यूल मैनेज के हिसाब करना। से मैनेज कर रहा, उन्होंने मुझे बचपन में रख के पढ़ाया है। तो आई गेस हम तीनों ही फैमिलीज के लिए बहुत ऐसा स्ट्रगल वाला टाइम था, बट सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मौसी ने नहीं रख के पढ़ाया होता तो मेरी बेसिक एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, और आगे जाके भी मुझे हो सकता है इस प्रिपरेशन में उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता कि मैं चीजें ग्रास्प नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिटेन नहीं कर पा रही हूँ। तो सबका मतलब ऐसा नहीं कि बस एक साल की जर्नी हो जुडिशियल सर्विसेज की, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग की मेरी बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर ड्रॉप ईयर, फिर कॉलेज की जर्नी। तो जितने लोग भी इस जर्नी में मुझसे एसोसिएटेड रहे हैं सबको मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिनके नाम लिए उनको तो स्पेशली, बट अगर किसी का नाम छूट भी गया हो धोखे से तो मैं उस चीज को ड्यूली एक्नॉलेज करती हूँ, और बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज के लिए। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमें जब आपका जैसे नहीं होता कि हम प्रिपरेशन करते हैं और साथ में हमारे किसी दोस्त, दो दोस्तों ने, तीन दोस्तों ने साथ मिलके एक फ्रेंड सर्कल में प्रिपरेशन की, और उसके बाद कुछ दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ, है नहीं ना? हुआ या फिर सिर्फ एक का हुआ बाकी किसी का नहीं हुआ, तो क्या होता है हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि जिसका नहीं हुआ है ना वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा, आप समझिए इस बिल्कुल बात को। तो जब आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको अप्रोच करें, है ना? तो ये बात कन्वे करना बहुत चाह रहे अच्छी थे, लगी है आपने जो ये बात मुझे बोली। ना? और जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वो थ्री इडियट्स वाला मीम है ना वो भी भेजा था कि जब तीनों दोस्तों का नाम मिले लिस्ट में तो उतना बुरा नहीं लगता है, बट एक का मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, वो उसको उसमें एक इनसिक्योरिटी रहती है, डर रहता है कि यार यार अब तक तो हम अच्छे दोस्त थे, हाँ लेकिन क्या जो पोस्ट है वो हम दोस्ती के बीच आड़े आ जाएगी हाँ क्या हमारे? आई गेस वो फीलिंग आ जाती है कि जब तक आप एक एस्पिरेंट वाली लाइफ जीते हो तो आपको लगता है कि आप सेम ही सर्कल में हो, हाँ, बट फिर एक आगे निकल गया, एक पीछे छूट गया, तो आपको लगता है कि वो कनेक्ट टूट गया कनेक्ट दोस्तों टूट के गया, बीच तो में। वो कनेक्ट आपको बनाना होता हाँ, ये है ना, आपकी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि कनेक्ट बना आप के अपने रखें, दोस्त को साथ लेके साथ चलो। लेके चले, जो भी जर्नी है वो कल बिल्कुल तक आपकी अलग थी, आज डिफरेंट है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो इसमें एक आपने बात की थी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करती थी जैसे रिविजन, हाँ तो इसमें एक बहुत एक रहता है कि कुछ लोग कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस तरह के मोटिवेशन, है ना, कोर्स देखता हूँ या फिर स्पीच सुनता हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि अकेले रहना सीखो। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी फिर दृतिका आपको बताएंगी, तो मुझे लगता है कि अकेले रहना सीखो, हमें, हम साइंटिस्ट हैं, हमको रिसर्च करनी है ना अकेले रह के। अब उसमें, अब जैसे आपसे बताया कि आपका अगर कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड का मतलब है कि उसको ये नहीं रहना चाहिए कि ये इंसान मेरा कॉम्पिटिटर है ना? कुछ भी जो उसे आता है एग्जाम के 1 मिनट पहले भी उसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर करे। अगर ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल है, ऐसा कोई आपको दोस्त मिलता है, तो बिल्कुल उसके साथ आप मिलकर अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, आसान हो है जाएगी ना? बिल्कुल। तो ये बात तो रही हमारी दोस्तों की, फैमिली की। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो अब जैसा कि एक अभी जनरल कुछ में बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो स्पेसिफिक बातें होती हैं कोर्स रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट मीडियम से पता लगती हैं, लेकिन जो कुछ इस तरह की बातें रहती हैं वो मिस हो जाती हैं, हम छूट जाती हैं पीछे। तो एक वो रहता है ना कि जो हम प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कई तरह के डर लगते हैं ना, कि हमसे होगा नहीं होगा, इस तरह की जो मोटिवेशन रोज रोज छूटता है। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट जो भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स उन्होंने सपोर्ट किया, तो एक वक्त के बाद क्या होता है कि उस सपोर्ट के बाद भी हमें अकेलापन महसूस होता है ना? बिल्कुल तो आपको जब ये फेलियर का जो फियर आता था आपको, तो उसके साथ आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे मैनेज की कि यार वो फियर भी आ रहा है साथ में और आप पढ़ भी रहे हो, तो इसके बारे में आपने क्या किया? बिल्कुल
जैसा आपने बोला कि हमारे अंदर वो रहता है कि अगर आपको इस किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको अकेले रहना होगा, कट ऑफ करना पड़ेगा आपको सारी चीजें से. सन्यासी बन जाओ। हाँ, आई गेस वो एक टू एन एक्सटेंट वो चीज सही भी है कि आपको, क्योंकि आपको अपने लाइफ स्टाइल में से उस चेंज चीज करना के लिए होगा। टाइम निकालना है, तो आपको हाँ कहीं ना कहीं टाइम कम हाँ देना पड़ेगा. बट आई डोंट नो कि व्यूअर्स को ये चीज मेरे मुंह से कितनी बिलीवेबल लगेगी, बट इवन थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मुझे ये चीज मेरे दिमाग में थी कि सब कोई सोचता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकल जाए. बट इवन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैं ये सोचती थी कि ये एक एग्जाम है और मुझे इसको एक एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना है. इस एग्जाम में मेरा नहीं भी होता है तो, क्योंकि मेरे पास टाइम था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये जो एक कंफर्ट जोन है ये मेरी फैमिली से भी मुझे मिला कि ठीक है ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है. जैसे मैं जाती थी मम्मी के पास, बोलती थी कि मम्मी बहुत पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर पता नहीं फिर भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो बोलती थी कि कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तुम नेक्स्ट टाइम दे देना वो चीज. आई गेस वो इस फियर को डील करने के लिए जो सपोर्ट उनसे मिलता था वो एक बहुत मेजर फैक्टर है कि इवेंचुअली मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो चीज मिल गई. एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट. टचवुड, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, क्योंकि आई हैव सीन पीपल ऑल एट ऑल द थ्री स्टेजेस. जो जैसे आप सेंटर पे जाते हो तो मिलते हो ना, सब बताते हैं अच्छा मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, पिछली बार मेरा इंटरव्यू रह गया था, पिछली बार मेरा मेन्थ रह गया था. तो आई हैव, और मैं पर्सनली भी लोगों को जानती हूँ जिनके जो 6 साल से एग्जाम दे रहे हैं, 7 साल से एग्जाम दे कई रहे हैं, इंटरव्यूज दे चुके हैं कई फिर। इंटरव्यूज दे हाँ चुके हैं और वो एक्सपीरियंस में आपसे बहुत आगे हैं, बट फिर भी उनका नहीं नहीं हुआ. हो रहा। तो मैं तो अपने आप को बहुत, क्योंकि देखिए मेहनत सबको ही करता है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी थी. और मेहनत के साथ साथ लक का तो फैक्टर होता ही है, बट आई बिलीव कि वो बोलते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव. जब आप अपनी तरफ से 100% देंगे तब आपका लक आपके साथ साथ देगा, हाँ बट कहीं अगर वो चीज़ फॉर वट एवर रीजन वो चीज़ छूट जा रही है, आपको इस बार सक्सेस नहीं मिली, तो आई गेस आप ऐसा मत समझिए कि आपकी प्रिपरेशन में कमी थी. बस ये है कि आपको होप नहीं लूज करनी है, बोलते ना कि होप बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक उम्मीद उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो आपको बनाए रखना है. आई नो वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, हम लोग खुद जब व्हेन इट कम्स टू अस हमको रियलाइज होता है कि लोग होपलेस हो जाते हैं, बट आई गेस उसी के लिए तो फ्रेंड्स और फैमिली और मेंटर्स या कोई भी सपोर्ट है वो सिस्टम चीज रहते आपके हैं। लिए, या वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है अगर वही आपके उतने फ्रेंड्स नहीं, आप फैमिली से नहीं शेयर कर पा रहे हो. हम सबकी लाइफ में कोई एक, वो एक बोलते हैं ना कि एक थोड़ा ब्रेक लेने वाला एक वो सोर्स एक होता कोई है, ना कोई तो। तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई करिए, उस चीज को प्रिपेयर करिए. मैंने अपने उसमें जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने उसमें ये चीज, जैसे बोलते हैं ना लोग कि मैंने तो पूरा सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ कर दिया था, मैं दोस्तों से बातें नहीं करता था, फैमिली को टाइम नहीं देता था, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है कि मैं एक बैलेंस मेंटेन करके रखूं. दोनों बातों में हाँ, नो डाउट कि आपको सीरियसनेस दिखानी है, अपना टाइम निकालना है, बट आप ऐसा मत करिए कि कभी अगर आपकी प्रिपरेशन के टाइम में सामने वाले को आपकी जरूरत है तो आप ये मत बोलो कि नहीं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो मैं तो नहीं कर मेरी पाऊंगा। प्रिपरेशन चल रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा. आप उनके लिए टाइम निकालो, आप अपने प्रिपरेशन में फिर उस चीज को कॉम्पनसेट कर बिल दो. बिल्कुल तो बिल्कुल वो एक बैलेंस अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आई गेस वो जो डर और डिमोटिवेट होने वाली चीजें है ना, वो एक रहता है ना कि लाइफ में सब सही चल रहा है, हाँ तो वो बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत बैलेंस जरूरी है. मेंटेन करके उस रखना। बैलेंस से अपने आपको, आपका जो डर है ना वो, उसकी वो खत इंटेंसिटी थोड़ी कम हो कम हो जाएगी, जाए, खत्म नहीं होगा खत्म तो नहीं इंटेंसिटी, होगी पर बट कम इंटेंसिटी हो कम हो जाएगी. जाएगी। हाँ बिल्कुल. तो तो मैं एक चीज बोला हाँ पाऊंगी, हाँ मेरी हाँ हाँ भाभी है शिवेका कंचन, तो हाँ मैं उनके मतलब बहुत ऐसा, शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, तो मैं उनको जाके बोलती थी, मतलब मेरा वो वाला सीन है कि मैं रोती भी जाऊंगी और पढ़ती भी, बोलती जाऊंगी कि नहीं हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट मुझे पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ेगा. हाँ तो तो मैं मेरे वो इसमें हाँ मेरी मम्मी के साथ होता है हाँ कि वो अगर कभी लड़ाई वड़ाई होती है पापा पापा से उनके बीच में, तो वो काम लड़ाई अपनी बकायदा जारी रखती है और अपना काम करती भी रहती है। करती रहती तो है. इसी तरीके से हाँ अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप लाइक रोइए, लेकिन प्रिपरेशन करते हाँ, मेरे रहिए। साथ कॉलेज में बहुत होता था, लिटरली मेरे साथ हुआ है कि अगले दिन एग्जाम है और कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में जिसकी वजह से मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, गुस्सा है और रोना आ रहा है, और ग्रुप सर्कल में मतलब ग्रुप में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो मैं लिटरली रोती भी जाऊंगी और पढ़ती भी और जाऊंगी क्योंकि कल एग्जाम है तो छोड़ नहीं सकते हैं. और मेरे, मैं उनको दोस्तों को बोल देती कि मत पूछो, एग्जाम के बाद बता दूंगी क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आंसू भी गिर रहे हैं उसी पन्ने पे बड़े और हाइलाइटर भी उसी पन्ने पे चल रहा है. तो ये वाली तो चीज ये थी, वाली और वो भी मुझे, और ये चीज मेरे अंदर कहाँ से आती थी कि जब मैं अपनी भाभी से बोलती थी ना कि नहीं हो रहा है मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो जब स्पेशली मेंस के टाइम पे उन्होंने ये चीज बोली थी जो मेरे दिमाग में रह गई अभी तक, मैंने उनको बोला था कि बोलते ना कि मेंस डिसाइडिंग, मेंस ऐसा है जो आपके हाथ में है, इंटरव्यू पे आप बहुत ज्यादा नहीं रिलाई कर सकते हो, तो मेंस में आपको स्कोर करना है, आपका सिलेक्शन मेंस से आएगा. तो मेंस के एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर ना छूट जाए, तो उन्होंने मुझसे ये बोला
कि तुम्हारा ये कल का एग्जाम हो भी जाएगा तो भी तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बस एक ही होगा कि तुमको सैलरी मिलने लगेगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, मम्मी पापा से रोज डांट खानी है, भाई बहन से रोज झगड़ा होना ही है, दोस्तों में मनाना और ये सब चलता ही रहेगा, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बस ये है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये बहुत अच्छी बात की, और इस बात को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा इससे पहले दुर्गा ने जो बात बताई थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि डिस्पाइट डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो जो वो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने कई बहुत साल से प्रिपरेशन होती है, सिंस मेनी ईयर्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि वो उनका देखो डिमोटिवेट होना बहुत स्वाभाविक है। जब आप इतनी मेहनत करते हो आपको सफलता नहीं मिलती तो आप डिमोटिवेट रहोगे, है ना, फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे, लेकिन जो डिमोटिवेशन वो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ क्यों जाता है, उसका रीजन्स है, उसका रीजन सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोसाइटी ने सफलता की सक्सेस की एक डेफिनेशन अपनी बना रखी है ना, और उस डेफिनेशन से बाहर हम आना नहीं चाहते। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसा दुर्गा ने जो बताया उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो अगर आप उनके फैमिली मेंबर, अगर मेरी बात उनके फैमिली मेंबर सुन रहे हैं या फिर उनके दोस्त सुन रहे हैं, है ना, जो भी करीबी ये बात सुन रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत है तो उसका सम्मान कीजिए, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके कुछ शब्द रहते हैं ना, आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट रहता है इमोशनल, इंसान को बहुत सी चीजें, बहुत इम्पॉसिबल जो चीजें लगती है ना दुनिया को, वो करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा एटीट्यूड बना लोगे किसी की तरफ कि नहीं, सिर्फ जिसको सफलता मिल गई आप जानते भी नहीं हो उसको, तब भी बधाइयां भेज रहे हो, है ना, और जो इंसान आपको कल तक जानता था, आपका दोस्त था, आज वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आपने उससे बात करना भी बंद कर दी कि अरे यार इसमें कुछ कमी होगी इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप उससे बैठ के कभी आपने बात ही नहीं की, क्योंकि आपने सफलता को देखा, आपने क्या देखा कि जो सफल है वही मेहनती होगा, और जो बिल्कुल असफल रहा है उसने मेहनत की नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी है। तो इस बात को इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको इस बात, मतलब इस पर कहीं ना कहीं मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को आपकी सख्त जरूरत है, तो उनका साथ दीजिए और उनके सपोर्ट सिस्टम बने रहिए। देखिए सफलता होती है प्रोफेशन की जो सफलता होती है ना, वो एक सफलता सफलता टेम्परेरी रहती है, लेकिन जो जीवन की सफलता और सफलता रहती है मेरे हिसाब से परमानेंट रहती है। मेरी आप बात से एग्री और डिसएग्री जो भी आप कर सकते हैं, बट बिल्कुल। हमारा जो अभी इंटरेक्शन हुआ उससे ये बात कहीं ना कहीं निकल के सामने और आ रही है। मेरा ऐसा मानना भी है कि जो आप हमेशा अपने लिए गोल सेट करते हो, वो आपका गोल अचीव हो जाएगा, आप अपना नेक्स्ट गोल सेट कर लोगे। तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि सफलता एक ट्रू सेंस में, तो आप क्योंकि आप हमेशा हायर, जर्नी है हाँ एक मिल गई फिर आप सोचते हो कि अब मुझे दूसरा मिल जाए, सक्सेस इज अ दूसरा गोल, जर्नी, वो हाँ डेस्टिनेशन नहीं है, आपको वही। कहना ही तो है। सफल इन द सेंस हम इतनी जल्दी, क्योंकि जैसे इस एज में आई डोंट थिंक सो कि हम इतनी जल्दी वो सफलता वाला टैग खुद को दे सकते कि अच्छा भाई कि मेरे तो हाँ मुझे तो सक्सेस मिल हम गई। सफल हो गए। वही, जब तक मेरा जब मेरे साथ ऐसा होता था, जब प्री था तो मुझे लगता था कि भगवान बस प्री निकल जाए, मेंस और इंटरव्यू तो ठीक है देख लूंगी मैं, जब मेंस आए तो लगता था कि अरे ये तो मेंस और भी चैलेंजिंग है, तो लगता था भगवान प्लस बस अभी मेंस निकल निकाल जाए, दो जब इंटरव्यू आएगा तो तब देखेंगे, और फिर जब देखेंगे। इंटरव्यू आया तो लगा कि अरे मेंस तो इजी ही लग रहा था, अब ये हाँ अब इंटरव्यू डिफिकल्ट सबसे है। ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आई गेस वो चेन कभी रुकती नहीं है, अब जब तक एग्जाम नहीं निकला था लगता था एग्जाम निकल जाए, अब एग्जाम जब एग्जाम क्लियर हो गया तो अब एक वो सेंस ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस पोजिशन को होल्ड कर रहे हो उसके टुवर्ड्स आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाना है, उसके टुवर्ड्स आपको रिस्पेक्टेबल और उस चीज को जस्टिफाई करना है, अगर आपको किसी ने हाँ वो पोजिशन दी है सबको तो। जस्टिफाई करना तो उस अब एक पोजीशन, वो नया चैलेंज है, अब लगता है कि अब ये चीज मैं अच्छे से कर लूं, हाँ, तो अब अगर इसको अच्छे से कर लिए तो सक्सेस मिल जाएगी, वही तो सक्सेस हम कह सकते हैं कि फाइनल वो आप, डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, हाँ इट्स अ प्रोसेस, बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल, जर्नी, और है आप ना, कभी रुकते नहीं हो। आप कभी रुकते नहीं और हो। मैं ये चीज कल अपने फ्रेंड्स को बोल ही रही थी कि देखो आज मेरा सिलेक्शन हो गया, सब लोग बोल रहे हैं कि अरे इसने बहुत मेहनत करी थी, इतना पढ़ती थी, बात हाँ नहीं करती थी, बात और नहीं करती हाँ थी, मतलब अपना लिमिट कर दिया था अपने उसको, कॉन्टैक्ट्स को, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम पढ़ाई में देती, पर अगर मेरा नहीं हुआ होता आज यहाँ सिलेक्शन हाँ तो बोलते कि बताओ इतनी मेहनत करी पर कहीं ना कहीं तो कमी रह गई कहीं होगी, ना तभी कहीं नहीं रहा। हाँ तो आपकी मेहनत सेम है, अपनी जगह है, बट लोगों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना आपके टूवर्ड्स, वो एक पैरामीटर उन्होंने सेट कर रखा है कि अगर आप पैरामीटर के ऊपर हो तो उन्हीं तो उसी एफर्ट्स में आप सक्सेसफुल हो, बट हाँ अगर उस पैरामीटर के आप नीचे हो तो वो एफर्ट्स आपके कम पड़ जाते हैं। हाँ जो एक बात मतलब मैंने खुद से मतलब ये ऑब्जर्व की है, तो कुछ लोग इस बात से मेरी एग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री भी कर सकते हैं कि जो सफलता होती है वो आपकी बड़ी से बड़ी कमी को छुपाने का हुनर रखती है, बिल्कुल और जो असफलता होती है वो आपके छोटे छोटे ऐब को
सामने लोगे। जुर्म की तरह पेश करने की दुष्टता रखती है बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन है ये। ना। तो ये बात रही हमारी। और इसके बाद अब आते हैं धीरे धीरे कि एग्जाम जो एकेडमिक्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो एस्पिरेंट्स के जो सवाल रहते हैं, कुछ जो गलतियां वो करते हैं अपनी प्रिपरेशन पे, हम उस बात पे आते हैं। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि जो जैसा कि जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की, उनको पता होगा कि एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और जो लोग जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो उन दोनों की जो बातें हैं उनको उसको कंसीडर करके मैं दुर्गा से कहूंगा कि इस एग्जाम की, तो एक प्रिसाइजली इस एग्जाम के बारे में वो आपको बताएं। जैसा कि सोमेश ने अभी बताया कि एक 3 स्टेजेस से बन के ये पूरा प्रोसेस बनता है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जो कि 150 मार्क्स का एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। जो लोग प्रिलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो फिर मेंस के लिए अपियर होते हैं, जिसमें 4 पेपर्स होते हैं 400 मार्क्स के, मतलब 100 मार्क्स ईच का वो पूरा एग्जाम होता है। और फिर जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो मेंस के 400 प्लस इंटरव्यू के 50 मार्क्स करके, ऐसे आउट ऑफ 450 से एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जैसे कि जो भी एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनका एक सबसे जो पहला जो एक डाउट रहता है वो ये रहता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लें उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करें, या फिर दोनों प्रिपरेशन हमें साइमल्टेनियसली करनी चाहिए। तो इस पर मैं आपको जानना चाहूंगा क्या बिल्कुल ओपिनियन है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी ये 3 स्टेजेस हैं, एग्जाम एक ही है, बट हर स्टेज का जो डिमांड है कैंडिडेट से वो बहुत अलग है। आपको सब्जेक्ट सेम पढ़ने, सिलेबस एक है, सेम सेक्शंस, प्रोविजंस, ये सब कुछ है, बट जिस जिन चीजों पे आपको ध्यान देना है हर स्टेज पे, कि वही सेक्शन है बट उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग चीजों पे उस पर ध्यान देना है, कि क्या सेक्शन नंबर है, कोई अथॉरिटी तो नहीं है, कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, कभी कभी मे और शैल पे प्रोविजंस आ जाते हैं, ये है। बट यही सेक्शन जब आप इंटरव्यू के, सॉरी मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है, कि कोई लैंडमार्क केस तो नहीं है, ये प्रोविजन आया तो लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था इसको लाने में, कोई इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है, कोई इसमें इम्प्लाइड डॉक्ट्रिन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जिनका हमको मेन्स के टाइम पे ध्यान रखना होता है। तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई करिए कि हर स्टेज की आपसे क्या डिमांड है, और उस तरीके से फिर अपनी प्रिपरेशन के साथ प्रोसीड करिए। और जैसा मैंने मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा है इस चीज से, कि मैं हमेशा, लोग बोलते हैं और मतलब इवन आपके जो भी मेंटर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जब इस एग्जाम की तैयारी चालू करें तो अपनी तैयारी को मेन सेंट्रिक रखें, कि हमेशा से आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि मेंस वो एग्जाम है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और फिर एक बार लोग ऐसा करते हैं कि जब एक बार प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है, तब वो अपनी मेंस की तैयारी को साइड में रख के थोड़ा प्री सेंट्रिक हो जाते हैं, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बट मेरा केस थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रही थी, और मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे जैसे जब मेरा एक बार कोचिंग खत्म हो गया, सेल्फ स्टडी भी, मेरी सेल्फ स्टडी जो है प्रिपरेशन इस एग्जाम की, वो एग्जाम्स के थ्रू ही हुई है। सबसे पहले मैंने हरियाणा का एग्जाम दिया, तो वहां से मेरी सेल्फ स्टडी चालू हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब तक कोई एग्जाम का प्रेशर ना हो कि अब एग्जाम एग्जाम सर पे आ गया है, तो मैं उस प्रिपरेशन वाले मोड में जा नहीं पाती हूँ। तो मेरी जो जो भी मेरी पूरी तैयारी है वो डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू ही हुई है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है। तो मेरा ये केस था कि जैसे जैसे जो स्टेज आती गई मैंने उसके लिए तैयारी करी। जैसे प्री आया तो पहले मैंने प्री की अच्छे से तैयारी करी, बट फिर जब मुझे पता चला, जैसे ही आंसर किया ही, मुझे लगा कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट डे से फिर मेंस की तैयारी में जुट गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पहले भी कभी मेंस की आंसर राइटिंग करी हो, या मुझे पता हो कि क्या आंसर का स्ट्रक्चर होता है, क्या लिखना होता है, क्या छोड़ना होता है, ये चीज मेरे साथ नहीं थी। और फिर जब इंटरव्यू की स्टेज आई तो मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, मतलब जब जो आता गया उसके लिए मैं प्रिपेयर करती गई। बट आई गेस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं इस मेथडोलॉजी से कंफर्टेबल थी तो इट वर्क आउट फॉर मी, बट ये चीज आप, मैं सारी कैंडिडेट्स को बोलूंगी कि वो चीज वो फिगर आउट करें। अगर आपको लगता है कि आप मेंस का प्रेशर जब मेंस सर पे आ जाए तब हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले पहले से ही उस तैयारी को अपने साथ रखें, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तरी साथ में करें। साइमल्टेनियसली आई गेस ये करें, पर्सन टू पर्सन वेरी कर वेरी सकता है, करेगा। बट मेरा जो था वो मैंने अपने व्यूअर्स के सामने रखा। तो जैसा कि दुर्दिकार ने बताया कि जो उसने डिफरेंट जो स्टेट्स के एग्जाम्स आते गए, तो उनकी प्रिपरेशन उसने स्टार्ट कर दी है ना। तो हमारे जैसा क्या होता है कि एक धारणा रहती है कि हम जिस स्टेट के, जो भी हमारा डोमिसाइल जो स्टेट है, हम उसको
प्रायोरिटी पर रखते हैं कि उसका जुडिशरी के उसके जुडिशियल एग्जाम्स की हमें प्रिपरेशन करनी है, और बाकी स्टेट्स बाकी जो स्टेट्स के जुडिशियल एग्जाम्स हैं उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप बाकी स्टेट्स को भी अगर टारगेट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जो आपकी प्रायोरिटी पर जो स्टेट है डोमिसाइल स्टेट है उसकी तैयारी खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तैयारी इफेक्ट नहीं होती बल्कि वो और बेहतर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि दुर्तिका ने बताया कि अगर आप किसी और स्टेट को टारगेट करके आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एक एग्जाम आपके दिमाग में रहता है कि आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर लेते हो, स्पीड अप कर लेते हो, है ना। तो ये एक बात है जो हम इस इंटरव्यू के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आप जो भी आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में आप उनको प्रिपेयर करें, बिल्कुल और जिससे आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उससे आपकी जो प्रायोरिटी पर जो स्टेट है उसकी भी प्रिपरेशन इफेक्ट नहीं सही। होगी। तो ये बात हुई स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि हर एक स्टेजेस की जो एंट्री केसेस होती हैं या फिर जो भी हमारी जो हम जो गलतियां करते हैं प्रिपरेशन में उससे रिलेटेड, जैसे प्रीलिम्स और मेंस का दुर्चका ने बताया कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले प्रीलिम्स की करें फिर मेंस की करें या फिर दोनों साइमल्टेनियसली करें, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर मान के चलो कि आपको मेंस लिखना है तो आपकी आपकी स्पीड या फिर हैंड राइटिंग बेहतर है, अगर आपको उसमें अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन अगर वो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग ठीक नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो आप प्रीलिम्स के साथ मेंस पे भी उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों स्टेजेस क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप जाके जो आपकी एस्पायरिंग जो जो पोस्ट है आप उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से रखिए कि आप प्रॉपर जो भी आपके मेंटर हैं, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उससे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से चैनलाइज कीजिए। तो एक बात ये बात हो गई। अब हम थोड़ा दुर्तका से ये जान लेते हैं कि जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इनसे रिलेटेड जो भी उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर करना चाहे, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसको एक हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं तीनों ही स्टेजेस के लिए ये बोलूंगी कि रिवीजन इज द की। भले ही तीनों स्टेजेस के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, बट रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी स्टेज पे छोड़ नहीं सकते हैं। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, आपको उन चीजों को मगअप नहीं करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जैसे जब मैं प्रीलिम्स का एग्जाम पास आ रहा था तो दूसरे कैंडिडेट्स बोलते थे कि हमको सेक्शन याद नहीं होते हैं, हाँ हम सेक्शन, सेक्शन नंबर भूल जाते हैं, हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हाँ है वो ना। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम उसका मेमोराइज नहीं कर पाते यार, लंबे समय तक तो उसको रिटेन नहीं, वही कि याद कर लिया अब, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद कोई पूछेगा तो हम बता नहीं पाएंगे, बता रिटेन नहीं नहीं रख पाएंगे, पाएंगे, ये सबसे बिल्कुल। बड़ा एक हाँ, इशू है इसमें। वहां पे मुझे लगता था कि मैं थोड़ा एडवांटेजियस पोजीशन में हूँ, क्योंकि मैंने सेक्शन नंबर्स के साथ कभी स्ट्रगल नहीं करा है। मतलब मेरे साथ कंफ्यूजन नहीं होता था कि अच्छा ओरल ट्रांसफर टीपीए में 8 में दिया है कि 9 में दिया है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आपको नेचुरली वो चीज याद रह जाए, दिमाग में रह जाए, खुद या से आप ही आप उसके बार लिए बार पढ़ कोई, रहे हो तो याद रह हाँ, जाता है। बार बार पढ़ने से, या आप उसके लिए कोई ट्रिक्स बना लो, निमोनिक्स बना लो, जो भी आपके लिए वर्क करे। बट आई गेस मैंने जैसे वो चीज रटी नहीं कि मैं बैठ के याद करूँ कि अच्छा सेक्शन 9 में ये सेक्शन एट दिया इज द है, ऑपरेशन ऑफ हाँ इसको 10 बार पढ़ो नाइन तो इज द बेटर, ओरल हाँ। तो ट्रांसफर। ये चीज मैंने नहीं करी, बट हाँ मैंने टीपीए इतनी बार पढ़ा कि वो बार बार पढ़ते पढ़ते वो चीज, मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए कि जब एक ही चीज को आप बार बार करोगे कि सेक्शन 9 में क्या दिया है, तो आप जब 4 बार एक ही जैसा क्वेश्चन लगा रहे हो, वो चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। आपको लगेगा नहीं कि वही आपने अलग से बैठ के अलग इसको से, रटा है, बट हाँ वो एट द सेम टाइम उसका इफेक्ट सेम रहेगा। हाँ तो तो प्री के लिए मेरा ये है कि जब मैंने एग्जाम्स दिए, इस पे मैं एक जी बात बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि दुर्तिका ने बताया अभी कि किस तरह से आप प्रोविजंस को एक लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हो, तो कई स्टूडेंट के सवाल आते हैं, खासकर ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड हो गया, तो उससे रिलेटेड बड़े ये रहता है कि इसको भूल जाते हैं। तो मैं आपको मतलब ये दृतिका के माध्यम से आपको ये मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस बात को थोड़ा सा, जैसा दृतिका ने बताया कि इसका कुछ बातों का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, है ना। कोई अगर आपसे आज कहे कि मैं आपको चुटकियों में ये प्रोविजन याद करवा दूंगा तो वो मैजिक
होना एक कहीं ना कहीं जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना, वो अग्रीमेंट वर्ड होगा अपने आप में इस बिल्कुल तरह का वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी, मतलब हाँ दृतिका का पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से ये ये कि वो पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। कम है, हो सकता है वो एक दो लोगों के लिए काम कर जाए, और अगर वो मेजर लोगों के लिए काम कर रही है, आप ऐसे समझिए कि वो चीज आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, आपको 2 दिन तो याद रहेगा कि दिन अच्छा हाँ नहीं, इस सेक्शन में था, हाँ बट वो चीज जब आप 5 दिन बाद क्वेश्चन आपके हाँ सामने आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कहीं ना कहीं हाँ कि यार 8 में था कि 9 में नाइन में था, रेस था, जुडिकाटा सेक्शन 10 में था कि 11 में इलेवन में था। था, हाँ। तो ये वाला कहीं ना कहीं इसका मतलब सीधा से इस बात को अगर हम कंक्लूड करें या फिर समराइज करें तो उसमें यही है कि आप पीरियडिकल अपने रिविजन्स करते रहें। बिल्कुल अब बहुत सीधी सी बात है कि आपने, जैसे क्या होता है आपकी जीवन में, आप किसी भी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप है तो आपने उसमें ज़्यादा समय दे दिया है ना, उससे बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप थोड़ा आपका आ गया तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान के चलो कि आपने अपनी प्रिपरेशन किसी सब्जेक्ट से दूरी बना ली एक लंबे समय तक, आपने कम्युनिकेशन गैप आ गैप हो गया तो आपको गया सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगा ऐसा ही बिल्कुल कुछ है हाँ ना। ठीक है और तो यहाँ पे मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज मैंने समझी है वो ये है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे जब पहली बार बैरक पढ़ा हम सब चीज पढ़ते हैं, बहुत चांसेस है कि जब आप अपना रिवीजन करें, पहले तो आपने सब्जेक्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, जब आप अपना पहला रिवीजन करेंगे बहुत चांसेस है कि जो चीजें आपने पहले पढ़ते समय जिन चीजों पे आपका ध्यान गया था, रिवीजन के टाइम भी आपका ध्यान उन्हीं चीजों पे जाएगा, फिर चाहे आप उसके उस सब्जेक्ट को बैरक से 10 बार भी रिवाइज कर लो, आपका ध्यान उन्हीं चीजों पे जाएगा जिस पे आपने पहले ध्यान दिया था। तो ये चीज जब मैंने एक मतलब एक दूसरी स्टेट का एग्जाम दिया था तो मैं सिर्फ बैरक्स पढ़ के गई थी, रिवाइज करा था बट बैरक्स से करा था, वहां पे मुझे तब भी जब क्वेश्चंस नहीं बने तो मुझे समझ में आया कि जो मैं अभी कर रही हूँ वो इनफ नहीं है। फिर आके मैंने जब पास्ट ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस बुक्स जो आती है मार्केट्स में अवेलेबल है उनसे जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला कि अच्छा इस सेक्शन से ऐसा भी ऐसा क्वेश्चन भी बन क्वेश्चन सकता है, बन सकता है, इस टर्म हाँ पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं सोचा ही दिया, नहीं, इस एंगल से, अप्रोच से सोचा ही नहीं कभी सोचा इस ही नहीं कि प्रोविजन को। अच्छा हाँ ये तो पढ़ लिया कि सेक्शन 10 में ये इंग्रेडिएंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज है, फ्री माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ये सब है, बट अगर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से क्या नहीं होगा हाँ तो ये नहीं थोड़ा सोचा सा कि इससे घुमा दिया। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या नहीं हो, क्या होगा ये तो हमको पता है। तो आई गेस ये जो क्लैरिटी है ना कि आप एक टॉपिक को पूरा 360 उसमें कवर कर थ्री लो, सिक्सटी डिग्री से आप सोच लो सोच उसको, लो हाँ कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है अब उससे कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझसे बन जाएगा, ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो आपका एक पर्सपेक्टिव है ना ये सिर्फ जो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये तभी मिलेगा। तभी तो इससे एक बहुत अच्छी बात निकलेगी कि जो कुछ एक सवाल रहता है कि एमसीक्यूज कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो उसमें कुछ मतलब इसमें दो तीन अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच ये रहती है कि एमसीक्यू से आप याद करके चले जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी एक इसमें एक चीज एक है पर्सपेक्टिव ये रहता है इस बात हाँ को लेके। दूसरा ये रहता है कि एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस, जैसे कि द्रुतिका ने बताया कि इस कॉन्सेप्ट से ये डिफरेंट एंगल्स हैं और इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम, हो डिफरेंट सकता तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको आइडिया लग जाता है। और तीसरी बात आपको ये पता लगता है कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस बन एग्जाम में रहे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो बातें हैं वो आपसे, मतलब एमसीक्यूज का सिर्फ आप एक ही ऑब्जेक्टिव ना लेके चलें कि एमसीक्यूज याद कर लिए तो वही आ जाएंगे, आप उसको ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको एमसीक्यू से ये समझें। समझना वो चीज जरूरी है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है अपने हाँ, लिए क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो ढेर सारे एमसीक्यूज लगा लेते हैं लेकिन वो बेरेक्ट के प्रोविजंस को याद करना भूल जाते हैं या फिर उसको रिवाइज करना छोड़ देते हैं। वो फिर उनकी डिपेंडेंसी बेरेक्ट से हटके कहाँ आ जाती है, सीधे हाँ जो एमसीक्यूज एमसीक्यूज पे, कि एमसीक्यूज जी लगा लें काम हो जाएगा। तो इस पर इस आपका क्या कहना है? जी इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आपको आप बैरक से बाहर एक तो सबसे पहली बात आपको जाने की जरूरत खुद भी आपको वो जरूरत महसूस नहीं होगी, बट जब आप ऐसा नहीं है कि जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बैरक्स को पीछे छोड़ दो, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे बैरक में आपको बेयर प्रोविजंस तो मिल ही जाएंगे, बट मेरा अच्छा मेरा ऐसा रहता है मेरी ये मतलब एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे जब रिविजन के टाइम पे मैं बहुत पैनिक करती हूँ कि अब बस एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े और जब बैरक देख रहे हैं, तो इसीलिए मुझे चाहिए रहता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे एक ही जगह पे मिल जाए। तो कभी कोई ऐसी चीज है जो बैरक में नहीं लिखी है बट उससे क्वेश्चन बना है वो मैंने बुक में देखा है कि जैसे पूछ लिया कि सेक्शन 46 जो है सीआरपीसी का कौन सा लैंडमार्क केस है,
तो ये चीज आपको बेयर प्रोविजन में नहीं मिलेगी। बट मैंने क्योंकि क्वेश्चन वो पढ़ा अच्छे से, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो लिख लिया कि भाई सेक्शन 46 से लैंडमार्क केस ही है, वहीं बेयर प्रोविजन में, बेयर एक्ट में लिख लीजिए वो चीज। हाँ मतलब मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो जितना आपकी बेयर एक्ट रंगी पुती है, मतलब उतना ज्यादा वो लग रहा आपने है कि पढ़ाई प्रेपरेशन करी है, आपकी बेहतर चल रही है। बेहतर मतलब है। कुल मिला के बेयर एक्ट क्या है, आपका बेसिक बेसिस है आपका, है ना। आप किसी भी आप इमारत बनाते हो उसका एक फाउंडेशन फाउंडेशन रखते है हो, जी। फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी इमारत उतनी अच्छी बनेगी। जी मतलब इमारत आप में कितनी अच्छी डिजाइनिंग आप उसमें कर लो, आपका फाउंडेशन बेहतर नहीं है नहीं तो है, इमारत कहीं कभी भी ढह सकती रह है। सकती है। अब तो और वो ये उसका मेरे हिसाब से शायद ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एक ये बात ले सकते हैं कि आपका बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं और पेपर पैटर्न चेंज हो गया चेंज तो हो आपकी गया, इमारत ढह ढह जाएगी। जाएगी बिल्कुल। और ये चीज आपको जब, जैसे मुझे लिख के याद करने की आदत मेरी कभी नहीं रही है, हाँ तो जब भी मैं लिख के याद करती थी तो मुझे लगता था कि जितनी देर में मैं एक आंसर लिख ली उतनी देर में मैं अपने चार आंसर्स याद कर लूंगी। यार वो उस समय आपको बहुत ही एक टीडियस टास्क लगेगा, बट आप उस चीज को समझिए, उस चीज की इंपॉर्टेंस है कि जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं और आपकी एंट्री होने वाली, वो होता है ना कि आप आखिरी समय में क्या पढ़ लें, तो जब आपको सारी इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक से एक ही जगह दिख जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बेयर प्रोविजन पढ़ लिया बट क्योंकि केस लॉ वहां लिखा नहीं था तो वो छूट गया, और अब वही चीज क्वेश्चन में आ गई। जब आप बेयर एक्ट खोलोगे, अच्छा बेयर प्रोविजन भी वही लिखा है, लैंडमार्क केस भी वही लिखा है, कभी होता है जजेस का नाम पूछ लेते हैं वो भी वही लिखा है, डिसेंटिंग ओपिनियन पूछ लिया वो भी वही लिखा है, तो आप भले ही पढ़ने आप सेक्शन जाओ बट आसपास सारी सब कुछ इंफॉर्मेशन आपका लिखी है आपकी। वही हाँ वही रिवाइज हो जाएगा। आप वही मतलब ये है कि आप जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह एक्यूमुलेट हाँ कर लें, जी आप उसको बहुत ज्यादा, यानी कि कहीं कुछ ये लिख लिया बिल्कुल कहीं कुछ नोट्स ये हैं, तो आप डिफरेंट इस तरह करोगे तो लास्ट मोमेंट पर आपको रिवीजन करने में हाँ डिफिकल्टी होगी, आप बेहतर तरीके से रिवीजन नहीं कर राइट। पाएंगे। भले ही आपको लैंडमार्क केस पता है बट आपको सेक्शन में कंफ्यूजन था, आप सेक्शन देखने गए आपकी नजर ऑटोमेटिकली लैंडमार्क हाँ केस पे पड़ी जाएगी, तो वो एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश हो जाएगा आपकी हाँ मेमोरी में। तो इस तरह की जो आपका फाउंडेशन है वो बेसिक्स है वो बेयर एक्ट है, उससे अलावा जो और नॉलेज है जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उसको आप गैदर करें, चाहे आप बुक से किसी और इंटरनेट के बिल्कुल ऑनलाइन सोर्सेज से, और आप बेयर एक्ट के पास ही उसको लिख लिख लें, जिससे आप प्रोविजन रिवाइज करेंगे तो प्रोविजन नंबर कंटेंट और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप एक साथ उसका वही, वो रिविजन आपकी कर सकते हैं। होलिस्टिक प्रिपरेशन ऐसे चलती रहेगी और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा, मतलब जैसे मुझे होता है, मुझे जब तक मैं वो चीज अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई ना देखू तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये सही कोई मुझे बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इसीलिए जब आप अपनी हैंड राइटिंग में, एक तो लिखते समय आपके दिमाग में वो चीज हो जाएगी, जैसे पढ़ते समय हमारा दिमाग या थॉट प्रोसेस थोड़ा डिविएट हम हो जाते हैं, बट जब आप उस चीज को लिख रहे होते हैं आपका पूरा ध्यान लिखने में होता है, एक तो लिखते समय वो चीज आपके दिमाग में बैठती है, बार बार दिखेगी तो भी बैठेगी, और ये रहता है आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैंने बैरक में मैंने सब लिख रखा है, क्योंकि तो अगर मैं बैरक देख के आऊँ मतलब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसकी कवर कर ली, मुझे अब दूसरे सोर्सेज रेफर करने की जरूरत ही नहीं थी। बस तो इस हाँ इससे आपने बहुत अच्छी बात करी। इससे मेरा जो अगला जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि हम सुनते हैं कि जो डेफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, इसी तरह से जो एबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। और आज जो हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, आप ऑनलाइन सोर्सेज देखेंगे तो उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर हम जुडिशरी एग्जाम्स की बात करें तो इतना सारा आपको कंटेंट मिल जाता है, तो आपको उसमें जो फिल्टर करना होता है ना, जी क्योंकि आप जितना, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंटेंट को जितना प्रिसाइज रखोगे आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन उतने बेहतर तरीके से चलेगी। तो बिल्कुल आपने अपने जो सोर्सेस हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट किया है ना, और उसको आपके सोर्सेस को आपने कैसे फिल्टर करके अपने लिए जो बेहतर सोर्सेस हैं वो आपने एक जगह एक्यूमुलेट किया। बिल्कुल। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो चीज है डेफिशिएंसी से लेके अबेंडेंस तक इन्फॉर्मेशन का, ये चीज मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इवॉल्व होते हुए देखी है। जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं थे मेरे पास, ऑनलाइन जुडिशरी स्पेशली जुडिशरी एग्जाम्स के जो मटेरियल है वो बहुत लिमिटेड थे ऑनलाइन आपके पास, बट मेरा ये पूरा प्रोसेस खत्म होते होते अब इतने सारे सोर्सेज हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या रिफर करें क्या छोड़े, कहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दिए कहाँ पे नहीं दिए। तो मेरा ये अप्रोच था कि जैसा बोला बैरक से बाहर आपको जाना ही नहीं है, आपको खुद भी जरूरत नहीं महसूस होगी, कभी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है वो आपको एट मैक्स कॉमेंट्रीज में बुक्स में मिल जाएगा, या अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि इस चेस में ये डॉक्ट्रिन है ये लैंडमार्क केस है, तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। नोट मेकिंग होता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, तो आप पहले अगर आपके पास मान लीजिए चार ऑप्शन है आप उन चारों ऑप्शन को पहले थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप समझिए कि अच्छा चार बुक्स है मुझे इन दो बुक्स की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है, वो दो बुक्स आपने ऐसे एलिमिनेट करी, ठीक है। उन दो बुक्स में से समझिए कि आपको सिंपल लैंग्वेज किसकी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसमें है, किसका आपको कंटेंट बेहतर तरीके आपका से हाँ समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, ऐसे करके आप एक बुक पे आइए। उसके बाद ये रहता है जैसे मेरा था
मेरी नोट मेकिंग की आदत इसीलिए ताकि जब मैं नोट्स बनाती हूँ अपने, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है कि अच्छा ये मुझे आज काम आएंगे। मेरा नोट्स बनाने का इंटेंशन ही यही रहता है कि ये मुझे रिविजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। तो इसीलिए मेरे नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए आप रेज्यू डी काटा पे नोट्स बना रहे हैं, सेक्शन आपने लिखा, सेक्शन लिखा, तीनों आपने लैटिन मैगजिम्स लिखे, उसके उनका क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन स्टारो लिख दिए, कोई एक्सेप्शन है तो वो लिख दिया। अब उसके बाद कोई लैंडमार्क केस है वो साथ में आप लिख लो, कोई अमेंडमेंट आया है तो वो लिख लो, ताकि जब आप रेज्यू डी काटा पढ़ो फिर से आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए। और जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो वही लिखते समय तो आपको याद हो गई, और आपको ये रहेगा कि जब मैंने ऑलरेडी 4 सोर्सेज रिफर करके अपने नोट्स बनाए हैं तो बस अब मुझे नोट्स पढ़ने, अब बस मुझे और और कुछ कहीं देखना जाना ही नहीं, नहीं बस है। वो फिल्टर करके वही आप अपने वो उसके अपने नोट्स रखो, बार बार उन्हीं को उन्हीं को रिवाइज कर, रिवाइज करते रहो आप। जैसा बोलते हैं हाँ ना कि जितनी अच्छा क्लैरिटी आपको 10 सोर्सेस रेफर करके नहीं आएगी, तो इट्स बेटर कि आप एक ही चीज को 10 बार रिवाइज करो, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप पढ़िए पहले, अपने सोर्सेस डिफाइन करिए कि अच्छा मुझे ये चीज यहाँ से पढ़नी है, सीपीसी मुझे टकवानी से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, सीआरपीसी के लिए मुझे पिल्लई पढ़नी है या केलकर पढ़नी है, ऐसे करके आप उनको लिमिट करिए। बैर एक्ट तो आप कुछ दुनियादान में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, बैर एक्ट तो आपको छोड़ने नहीं है। आप अपना अपने खुद का एक स्टडी मटेरियल आप अपने लिए तैयार करिए 4 सोर्सेज रेफर करके, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने तो ये है जहां से मुझे पढ़ना है, इसके बाहर मुझे कहीं जाना नहीं है। और बार बार उसी चीज को रिवाइज करिए, जितना ज्यादा आप दूसरे सोर्सेज के पीछे भागेंगे आपको उतना कंफ्यूजन होगा, और वो चीज उतना आपके लिए हेल्पफुल साबित नहीं होगी जितना कि आप एक अगर एक सोर्स पे आप स्टिक करेंगे तो। ठीक है, तो ये सोर्सेस की बात रही। अब इसके प्रीलिम्स के बारे में और मेरे एक दो सवाल आते हैं। उससे पहले एक जो बात है जो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी उसके बारे में क्लैरिटी मिले, वो ये है कि जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं, है ना, जब एक स्टूडेंट होते हैं, हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम मैक्सिमम 1 या 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनसे हम जुड़े रहते हैं, है ना, बिल्कुल हम उनके स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल लेकिन जब आफ्टर सिलेक्शन, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जुडिशरी की, बन हम सबके स्टूडेंट्स बन जाते जाते हैं। हैं ठीक जी है, उन सबके स्टूडेंट बन गए। जिस तरह हमारा सिलेक्शन हो जाता, तो अब तक तो हम अपने माँ बाप के बच्चे थे और अब हम अपने सारे हाँ रिश्तेदारों के बच्चे बन गए हैं। ठीक है, वो वाला एक बिल्कुल वो कि तो उसमें एक बात जो रहती है कि आजकल आपने देखा होगा कि इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि ये स्टूडेंट हमारा है ना, और इसने तो हमारे यहाँ से प्रिपरेशन की है। तो उससे बिल्कुल दो बातें निकल के आती है। एक, जो जो भी स्टूडेंट है जो एस्पायर कर रहा है, जो ऑप्ट कर रहा है जुडिशियल सर्विसेज को, और वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना चाहता है, उसके पहले तो कहीं ना कहीं उसको मिसलीडिंग फैक्ट्स मिलते हैं इस बात से बिल्कुल कि वो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्स हैं उसके सामने क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिसलीड हो रहा है। बिल्कुल दूसरी बात इसमें सामने ये निकल के आती है कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने, जिस मेंटर ने आपकी हेल्प की, है ना, जो जेन्युइनली जिसने आपकी हेल्प की, कहीं ना कहीं उसकी जो मेहनत रहती है उसको प्रॉपर एक्नोलेजमेंट, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, और आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मेंटर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको, उनके जो एफर्ट्स थे, आप उसको रिकॉग्नाइज करना चाहें, एक्नोलेज करना चाहें, तो उस बारे में पहले जो इस तरह की प्रैक्टिस है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और बिल्कुल आपके कौन वो मेंटर थे, जो कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट थी जिसके साथ में आप एक्चुअली आप कनेक्टेड थे, एसोसिएट थे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही बात कि एट टाइम्स बच्चों बच्चे इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स को देख के मिसलीड होते हैं, बट आई गेस ये हम दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी, और जब एक बच्चा वहाँ से सक्सेसफुली उधर से पढ़ के निकलता है तो उन दोनों की ही। कि आप पहली बात तो जिसने आपको हेल्प करा है आपकी प्रिपरेशन में किसी भी कैपेसिटी में, आप उनको उसका ड्यू क्रेडिट दीजिए। और अगर आपके नॉलेज में ऐसी बात आती है कि अच्छा ऐसा कुछ ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और उस पे अगर आप कोई क्लैरिटी दे सकते हैं ताकि सामने वाला अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर आप उसको एक बोलते हैं ना कि आप उसको एक क्लियर पिक्चर उसके सामने रख सकते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ दोनों को ही रखनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को तो रखनी चाहिए साथ में। जब क्योंकि एट टाइम्स होता है ना लोग सोचते हैं कि अच्छा हमारा तो अब एग्जाम निकल गया है हमको क्या करना है, हाँ, जो भी ये होता रहे, हमारी तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम है, क्यों अब इन्वॉल्व हो। एस्पिरेंट्स जाने और कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने, वो जी उनका काम है। जी तो हम क्यों इन्वॉल्व हो इन सब हाँ चीजों में, हाँ हमारा तो ये हमारा काम तो हो कंसर्न नहीं गया। है। हाँ एग्जैक्टली हाँ आई गेस, बट अगर वो चीज आपके अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो उसमें तो वो एक अलग डिफरेंट बात है, बट अगर वो चीज आपकी नॉलेज में आ रही है और आप वहाँ ओपिनियन दे सकते हैं, आप ऐसे कैंडिडेट्स के टच में हैं जो एक्चुअली इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आई गेस आपको उनके सामने एक क्लियर पिक्चर रखनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ तो मैंने बताया कि जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी ऑप्शंस नहीं थे और मैं खुद कंफ्यूज थी कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ कौन सी नहीं करूँ,
तो जैसे मैंने अपनी क्लैट की कोचिंग लीगल एज से करी थी, और जब मुझे पता चला कि अच्छा टॉप रैंक लीगल एज है जो एक जुडिशरी के उसमें अपना मतलब नया वो एक इस वेंचर को भी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं वो ट्रस्ट से गई थी कि अच्छा मुझे पता है कि यहाँ की फैकल्टी अच्छी है या एक वो कनेक्शन है, मुझे जैसा ये पढ़ाते हैं वो चीज़ मुझे समझ में आती है। आप थोड़ा सा, मैं आपको इंटरप्ट करना जी चाहूंगा। आप प्रॉपरली आप जो बताएं उसको आप थोड़ा प्रॉपर क्लेरिफिकेशन के हाँ बाद हाँ बिल्कुल बता दें कि आपने प्रीलिम्स यहाँ से किया, हाँ मेंस बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इंटरव्यू, तो जिससे आप जो जी मैसेज कन्वे करना वो प्रॉपरली बिल्कुल कन्वे हो हाँ। जाएगा, तो मैं इसी जो पॉइंट आप पे, लीगल एज का जो आप हाँ बता हाँ रही थी। पॉइंट पे आने वाली थी कि जब मुझे पता चला कि लीगल एज से अब एक जुडिशरी गोल्ड करके आई है, तो मैंने उनको, मैं उन टीचर्स के विश्वास पे गई थी कि अच्छा ये टीचर्स इस कोचिंग से एसोसिएटेड है और मैंने इनसे पढ़ा है, तो मुझे पता है कि क्वालिटी तो यहाँ पे अच्छी मिलेगी मुझे। तो मैंने अपनी ऑनलाइन जो एक 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स था मेरा, वो मैंने जुडिशरी गोल्ड से करा। प्रीलिम्स के लिए मैंने एज सच कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ली थी। फाउंडेशन कोर्स में ये हुआ था कि ऐसा नहीं कि पहले प्री सेंट्रिक और मेन सेंट्रिक, उनने आपको वो 12 सब्जेक्ट्स पढ़ाए पढ़ा जो दिया, लोकल लॉज आपका हैं, कोर्स जीके कोर्स कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करा दिया। और क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये जो एग्जाम, जिसमें मैंने एमपी का जो 2021 का एग्जाम था, वो मेरे कोर्स कंप्लीट होने के 2 या 3 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन आया था। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने एज सच कोई टेस्ट सीरीज ये सब नहीं ज्वाइन करा था, मतलब आउटसाइड कोई हेल्प नहीं ली थी। मेरे पास पास्ट ईयर पेपर्स की एक बुक थी खेत्रपाल पब्लिकेशन की, और जो अलग अलग जैसे सिंगल्स है, परीक्षा मंथन, इनकी प्रैक्टिस बुक्स आती हैं एमसीक्यूज की जो एमसीक्यूज की, तो वो मैंने रेफर करा था। जब मेरे एक बार प्री हुआ तो मेंस के लिए मुझे लगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब ग्रेजुएशन था वो सब ऑनलाइन हुआ, तो लास्ट 1.5 ईयर से मेरी लिखने की आदत छूट गई थी क्योंकि सारे असाइनमेंट्स सब कुछ और ऑनलाइन हो रहा था। प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी सबसे प्रेपरेशन इम्पोर्टेंट का, पार्ट था, क्योंकि हाँ आप प्रीलिम्स में एमसीक्यू लगा सकते हो, है ना, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टडी, लेकिन मेंस में आपको एक बहुत बेहतर तरीके से जी, इंटेंस एक प्रिपरेशन करनी प्रिपरेशन होती चाहिए है। होती है। हाँ और ये भी डिफरेंस होता है कि जैसे प्री के लिए तो आपको जो भी मटेरियल होता है वो आपको सॉल्व मिल जाता है, हाँ क्वेश्चन है आपके पास, हाँ आंसर है, तो आपको बाहर रेफर करने की उतनी नीड भी नहीं फील नीड भी होती नहीं है। होती। बट हाँ मेंस में क्या होता है, आपको प्रैक्टिस बुक्स मिलती है बट वो अनसॉल्व होती है, तो आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए होता है कि जब आप लिखो तो कोई आपको इवेल्युएट करके गाइडेंस बता चाहिए सके कि आपको अच्छा आपने प्रॉपर। सही लिखा है, गलत लिखा है, ज्यादा है, कम है, क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, ये सारी चीजें होती है। तो मेंस में मुझे था, मेंस जैसे मैंने 1 साल का फाउंडेशन कोर्स किया था, तो मुझे मेंस के लिए दोबारा से क्लासेस ज्वाइन करने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता नहीं है रहता आपका, आप और क्लासेस ज्वाइन भी करना चाहो तो आपके पास तो टाइम नहीं है प्रीलिम्स टाइम के नहीं है, बाद। और वो इतना बेनिफिशियल आपके लिए साबित नहीं होंगी। और मेंस में तो यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी उस एग्जाम में। तो मेंस के लिए फिर मेरा मन था कि मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, तो उस टाइम पे जब मैंने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करे तो मुझे मैंने पाया कि एलेक फॉर जुडिशरी है, उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी उस टेस्ट सीरीज के बारे में ये कि जो दूसरे ऑप्शन थे वहाँ पे जो नंबर ऑफ टेस्ट थे वो बहुत कम थे, मतलब टाइम उतने की, भाई 2 महीने की टेस्ट सीरीज है, 2.5 महीने की है, बट नंबर ऑफ टेस्ट कम थे। मुझे चाहिए था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूँ, कि भाई मुझे कहीं से एक सेट ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, मैं उनको आंसर लिख के दूँ और वो मुझे इवेल्युएट करके बता दें। तो सबसे ज्यादा टेस्ट मुझे एलेक फॉर जुडिशरी की जो टेस्ट सीरीज थी मुझे उसमें मिल रहे थे। उसमें ये अच्छा था कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे, जैसे आपका जब एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है उसमें भी 18 क्वेश्चन आते हैं, अब सीआरपीसी सीपीसी जैसा वास्ट सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप 18 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जाएंगे। बट एलेक फॉर जुडिशरी की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि छोटे छोटे सब्जेक्ट, जैसे लिमिटेशन है, SRA, उसके भी मैंने 18 ही क्वेश्चन लगाए थे। जो हाँ चीज आपको एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स के लिए पढ़नी है, आपने उसकी तैयारी 100 मार्क्स के हिसाब से करी थी, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब थी यार एक उसमें। छोटी बात पे ध्यान रखा हाँ, गया। जब आपके अंदर वही ना कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है उस 3 घंटे में, जब आपको पता है कि भाई मैं 4 मार्क्स के लिए भी 100 मार्क्स जितनी तैयारी करके आई हूँ, तो अभी ऐसा क्या पूछ लेंगे जो मुझसे नहीं बनेगा, और अगर मुझसे नहीं बनेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये बाकियों से भी नहीं बन रहा है, ऐसे ये क्वेश्चन ही ऐसा है। फिर तो आपने एलेक फॉर जुडिशरी जुडिशरी टेस्ट से सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज ली ज्वाइन थी की। जी, और उसमें हाँ सब्जेक्टिव टेस्ट भी थे, चाहे बड़े सब्जेक्ट्स हो छोटे सब्जेक्ट्स, और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी थी। और एट टाइम्स ये भी होता है कि बाकी जगह हमको पेपर 1 और पेपर 3 के लिए तो काफी सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, बट पेपर 2 और पेपर 4 के लिए जो ट्रांसलेशन और जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, यहाँ पे उनको भी इक्वल वेटेज के साथ उतने ही टेस्ट ट्रांसलेशन और जजमेंट राइटिंग के भी थे जितने की पेपर 1 और पेपर 3 के होते मतलब हैं। आपकी जो कंप्लीट मेंस की जो हाँ, प्रिपरेशन आप ये कह जैसे मैंने सकते हैं बोला कि ना, वो एलेक हाँ फॉर जुडिशरी के साथ आपने की। बिल्कुल। और जैसा जब ऑल आप पेपर 4, 1 2 वन जो टू थ्री फोर जितना जो पूरा मेंस का आपका पेपर होते हैं, चारों पेपर, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दे के उनने अपनी टेस्ट सीरीज को बनाया था, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी। नंबर ऑफ टेस्ट भी ज्यादा थे, मुझे जो चीज कहीं और मैं
पांच बार वो टेस्ट देके प्रैक्टिस करती। एट टाइम्स होता है ना, पांच टेस्ट तो आपके चीजें फिगर आउट करने में चले जाते हैं कि अच्छा यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ मैं ज्यादा लिख रही हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो टेस्ट तो आपके पांच उसमें फिगर आउट करने में चले गए, तो आपको प्रैक्टिस फिर कैसे करोगे आप? सही बात है। तो ये मुझे इस टेस्ट सीरीज नंबर में ऑफ टेस्ट ज्यादा थे ज्यादा तो थे। आपको फीडबैक मिलता गया, तो उसके अब अकॉर्डिंगली आप ग्रेजुअली इम्प्रूव इम्प्रूव करते करते गए गए। अपने जी उसमें। बिल्कुल। और ये भी चीज थी कि जैसे हर चारों सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस दिया, और जो मुझे ये चीज इनफैक्ट मैं अक्नॉलेज करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि टेस्ट सीरीज लिखते समय मुझे ये चीज नहीं रियलाइज थी कि ये टेस्ट सीरीज मेरे लिए आगे जाके इतनी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि जैसे होता है ना कि जब क्वेश्चन पेपर मिला, सेम क्वेश्चन है सबके पास, बट अगर पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि अरे पेपर डिफिकल्ट है, कॉन्फिडेंस डाउन हो वो जाता है आपका। कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है। भले ही नेक्स्ट चार क्वेश्चंस आपसे बन रहे, वो आपसे पहले भी बनते बाद में भी बनते, बट पहले क्वेश्चन से जो आपका एग्जाम का इंप्रेशन पड़ गया कि अरे एग्जाम बहुत टफ है, तो वो चार क्वेश्चन भी आप अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर वो पहला क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ गया तो जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, अच्छा अच्छा पेपर मुझसे बन रहा है, भले फिर वो आगे के चार क्वेश्चन ना बने, बट आप उसमें करोगे चलो नहीं बन रहा है ना, जितना आता है मैं उतना लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा। तो ये चीज मेरे साथ हुई थी, क्योंकि जब मैं एग्जाम सेंटर में मैंने एंटर करा और देखा कि काफी कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे बड़े, लोग बोल रहे हैं मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ, चौथी बार लिख रहा हूँ, और मुझे लगता था कि पहला अटेम्प्ट है। और वो भी सही बात है जो नितेश सर हमेशा बोलते हैं कि जो एग्जाम का प्रेशर है वो आपको एक्चुअली, आप कितने भी मॉक टेस्ट लिख लो, एग्जाम का प्रेशर आपको एग्जाम हॉल में ही जाके पता चलेगा। तो जब मैं वहां बिठा दिया गया आपको, और अब बस क्वेश्चन पेपर बटने वाला, मेरे दिमाग में पूरे टाइम ये चल रहा था कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा, मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब सिविल वन का पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आया कि डिस्कस द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिमिटेशंस डिस्कस करो और फ्रीडम ऑफ प्रेस बताओ, और ये क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगा सीरीज के में गई आप थी, जो तो आपने मैंने कहा कि एमएस की अरे ये टेस्ट तो सीरीज बहुत की इजी थी है। उसमें उस एक आपने क्वेश्चन से मैंने पूरे पेपर को जज कर लिया कि पेपर तो बहुत इजी है, मुझसे बन रहा है, भले ही मुझसे सीपीसी के क्वेश्चन नहीं बने, आगे जाके उतनी क्लैरिटी और उतने कॉन्फिडेंस के साथ, बट मेरा पेपर अच्छा हुआ। तो आई गेस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इवन ट्रांसलेशन वाले पेपर में भी मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि चार सीधे सीधे चार क्वेश्चंस जो हिंदी टू इंग्लिश वाले थे वो टेस्ट सीरीज से उठ के आ गए, तो वो जो देख के आपको खुशी होती है ना कि अरे ये तो करा हुआ है, अरे ये तो मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो वो आपके लिए बहुत, आपको रियलाइज नहीं होता है, बट जब आप पेपर देके बाहर निकलते हो और आप हाँ देखते हो कि अच्छा क्या बना क्या नहीं बना, तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये चीज इसका कितनी हेल्पफुल थी। सिग्निफिकेंस हाँ, क्या था। तो जितना मैं इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज को, जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उतना तो मैं समझती थी, उतना ही सीरियसली मैंने लिया था, बट जब एक्चुअल पेपर हुआ तो मुझे लगा कि अरे ये जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए टेस्ट सीरीज साबित हुई है। इसमें एक बात सामने जो आती है, जैसे कि एक ट्रेंड है, अगर मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम की बात करें, कि जब भी एग्जाम की बात होती है, प्रिपरेशन की बात होती है, तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इंदौर जो सिटी है उसको प्रेफरेंस देते हैं कहीं ना बिल्कुल कहीं। या प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप इंदौर जाके कीजिए। तो जैसे कि आपने जो आपकी प्रिपरेशन है वो कोर, जो आपकी प्रिपरेशन है पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपने भोपाल से की। बिल्कुल तो जब टेस्ट सीरीज की बात आई, जैसे आपने जो फाउंडेशन कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज की जब बात आई, तो आपको क्या, आपको भी ये सारे सजेशंस मिले थे कि आप इंदौर जाइए तैयारी के लिए, इस तरह जी की बात है, इस पर आपका क्या कहना बिल्कुल। काफी है? सारे लोग जो मेरे साथ इस एग्जाम में अपियर हो रहे थे, चाहे वो मेरे सीनियर्स हो या मैं उनको अदरवाइज जानती थी, और मुझे भी खुद पहले से पता था कि इंदौर इज अ हब फॉर जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन, बट मुझे अपना अपने सर्कमस्टांसेस पता थे कि मैं, एक तो कोविड का टाइम सबके लिए वो तो था ही, बट मुझे अपनी फैमिली के भी सर्कमस्टांसेस पता थे कि मैं इंदौर नहीं जाना चाह रही थी, तो मुझे मन में था कि अब जो भी है मुझे भोपाल से ही करना है, भोपाल में ही ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो मुझे फिर रेफरेंस के थ्रू एलेक ने, काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि एलेक इज अ बेटर ऑप्शन जो, और भोपाल में तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इंदौर नहीं जाना चाहते, तो ऐसे मुझे एलेक के बारे में पता चला। बट ये चीज मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो चाहे कितना भी अच्छा हो और चाहे कितना ही जो ज्यादा नोन नहीं है इंस्टीट्यूट, दोनों ही जगह से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दे देगा, एक गाइडेंस दे देगा, चलना एक आपको माहौल दे आगे देगा पढ़ाई का, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे तो वो चीज नहीं आपके लिए होगा पॉसिबल उससे। नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने डिसाइड करा था कि मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन भोपाल से ही करूंगी, एंड आई गेस मेरे थ्रू एक मैसेज ये कन्वे आई गेस हो रहा है कि जरूरी नहीं कि आप इंदौर जाओ तो आपका एग्जाम निकल ही जाए, या आप भोपाल में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे या किसी और सिटी में रह के प्रिपरेशन करोगे तो वो चीज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे ऑप्शंस हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत है जो आपको उस एग्जाम को क्लियर करवाएगी। तो अब तो ऐसा मेरा मानना है कि भोपाल में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस अब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे, विच इज अ गुड थिंग। अब मतलब एस्पिरेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और मुझसे काफी लोगों ने बोला था कि अरे इंदौर जाओ, इंदौर में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं,
आप इतनी मेहनत कर रही हो तो आप क्यों अपनी मेहनत को रिस्क में डाल रही हो कि इंदौर नहीं जाओगे तो आपका हो सकता है 1 मार्क से रुक जाए, 2 मार्क से रुक जाए। तो वो डर तो नेचुरल है कि लगता था, बट आपको ये चीज बार बार अपने आप को रिमाइंड करती रहनी चाहिए कि नहीं, मैं मुझसे होगा, मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उसी में अपना बेस्ट दूंगी। तो जो आपके पास चीजें हैं, रिसोर्सेज है, उसको आप अपना 100% देके उसमें ट्राई करिए, और ऑप्शन सब जगह अच्छे हैं, बस आपको मेहनत करनी है। और जब तक आप नहीं करोगे वो चीज आपके लिए इंदौर जाके भी नहीं पॉसिबल होगी। तो इस तरह से आपने एलेक का बताया कि मेंस बिल्कुल की जो टेस्ट सीरीज थी वो आपको कई क्वेश्चंस उस टेस्ट सीरीज में से बिल्कुल मिले, मतलब कहीं ना कहीं ये बात इसको प्रूव करती है कि आप चाहे भोपाल में रह के भी अगर आप प्रिपरेशन बिल्कुल करोगे तो आप एक बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल तो ये थी सारी जो भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिससे आप एसोसिएट थे उनकी बात रही, तो ये पूरा था, कंप्लीट था, इन्हीं यही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिनकी आपने हेल्प ली ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जी। तो इधर मैं एक मेंटर का हाँ नाम भी ऐड करना जी हाँ चाहूंगी। बिल्कुल बताएं। हाँ, तो वो जो मेरा पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट था जुडिशरी गोल्ड, वो उससे एसोसिएटेड थे, बट फिर जैसे होते हैं ना, कुछ टीचर्स हैं जिनसे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, जिनकी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आती है, तो यू स्टे कनेक्टेड विद देम। हाँ तो ऐसे ही मेरे एक अच्छे मेंटर है शुभम उपाध्याय सर, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। और उन उनसे मैं एट ऑल द 3 स्टेजेस में उनसे कनेक्टेड रही हूँ। प्री के टाइम पे तो जैसे बहुत बाहर नहीं गई मैं हेल्प के लिए, बट मेंस के टाइम पे भी उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया था। और इवन इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू के लिए तो आप और बहुत हाँ सारे ऑप्शंस ट्राई हाँ करते हो, तो हाँ वो एक जैसे इंस्टीट्यूट तो अपनी जगह है, बट अगर एक मेंटर है जो एक पर्टिकुलर हाँ इंस्टीट्यूट से हाँ ना भी हो बिल्कुल के उन्होंने बिल्कुल अपना बिल्कुल। अलग रह के भी मुझे हेल्प करी है, तो तो वो शुभम उपाध्याय सर है। हाँ बिल्कुल हाँ शुभम उपाध्याय सर, और राघव सर भी, राघव सर ने भी मेरी हेल्प करी है। बिल्कुल। तो ये एक्नॉलेजमेंट था जो सोहम सर और राघव सर ने जो हार्डवर्क किया है बिल्कुल की प्रिपरेशन में, तो उनका उनके लिए उसका एक जो कह सकते हैं बिल्कुल एक आभार था जो। हाँ, सारे ही इंस्टीट्यूट्स और मेंटर्स को, सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसे आप लोगों को मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा ये बात अनयूजुअल लगेगी कि एक किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू चल रहा है और सारे जो मेंटर्स हैं जो बिल्कुल बाकी जो एलेक्स से जुड़े हुए नहीं उनकी बात हो रही है। तो इसका जो जो क्रेडिट इस बात का जाता है वो जो एलेक्स फॉर जुडिशरी के जो फाउंडर हैं, जो इसके फाउंडर हैं नितेश चौबे सर है ना, उनको जाता है इस पूरी बात का क्रेडिट, क्योंकि उनका एक जो एक उनका एक बहुत फंडामेंटल है कुछ रूल्स हैं वो ये हैं कि जिसने जो आपकी प्रिपरेशन जो हेल्प की है उसको वो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चाहे वो अब वो जो मेंटोर है वो एलेक्स एसोसिएट है या नहीं है, और ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो एलेक्स का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके बाद भी जिसने जो जो भी हेल्प की है जो पूरी पूरी आपकी प्रिपरेशन जो हार्डवर्क की एफर्ट्स दिए हैं बिल्कुल। उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। और आई गेस मैंने ये बात नितेश सर से ही सीखी है, जैसे और भी एलेक के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि नितेश सर सिर्फ आपको ऐसा हेल्प नहीं करेंगे कि जब तक आप एलेक से एसोसिएटेड हो या जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है, वो आउट ऑफ द वे जाके आपसे पूछेंगे कि भाई आपका मेंटल स्टेट, हाँ तो मतलब मेंटल हेल्थ हाँ आपकी ठीक है कि नहीं, एग्जाम का स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना, और नर्वसनेस तो नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपसे पढ़ाई की बातें करें, आप उनके साथ कोई भी चीज शेयर कर सकते हो, वो आपको हर चीज का मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज हैं हाँ, उसको वो भी आप अगर उनसे शेयर कर सकते हो। और आई गेस ये जो चीज है कि सबको अपना ड्यू क्रेडिट दो, ये भी मुझे नितेश सर से ही मैंने सीखी है। तो उनका रोल तो बहुत बड़ा है, मतलब वो तो ऐसा है ना कि उनको वो चीज आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनके लिए बोल के, बट आई गेस नितेश सर भी ये बात समझते होंगे कि बच्चे इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। तो ये हमारे मेंटोर्स की बात की। और बाकी बिल्कुल आपके इंटरव्यू के लिए आपने प्रोग्राम ज्वाइन किए तो आप उसके बारे में कुछ बताएं, जैसे इंटरव्यू आपने जो भी आपके मेंटोर्स से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिन्होंने आपके इंटरव्यू में हेल्प किया आप उस बारे में कुछ बिल्कुल बताएं। इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी मुझसे यही बोला गया था कि अब तो मेंस भी निकल गया है और अब फाइनल स्टेज बची है, अब क्यों रिस्क लेना अपने सिलेक्शन के साथ, तो भोपाल इधर इंदौर इंदौर चले आ जाओ। जाओ, है ना। मैंने इवन मैंने ट्राई भी करा कि अगर देखो भोपाल में रहते हुए मुझे अगर इंदौर के कोचिंग्स का मिल रहा है बेनिफिट तो मैं उसको अवेल करती, बट क्योंकि वो रिसोर्सेज मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे, तो मैं इंदौर ना जाके मैंने भोपाल से ही कंटिन्यू किया। भोपाल में जो भी कोचिंग थी, जैसे एलेक फॉर जुडिशरी का मॉक इंटरव्यू था या जुडिशरी गोल्ड का था, और भी जितने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और मेंटोर्स ने अपने अपने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए, तो मैंने सब में एनरोल करा, सबके मतलब इंटरव्यूज दिए। बट वही बात है कि आप तीनों ही स्टेजेस की प्रिपरेशन यहाँ भोपाल में रह के कर सकते हो, और आपके आज अब तो स्पेशली और रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, तो आप उनको बिल्कुल अवेल करिए और उनको अक्नॉलेज करिए उनका जो भी रोल रहा है आपके प्रिपरेशन में और सक्सेस में। और ये सारी चीजें तो इनफैक्ट बहुत हेल्पफुल रहती है। और आई गेस मॉक इंटरव्यूज का ये रोल है कि आप जितना
मॉक इंटरव्यूज देंगे तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कोई है जो पूरा लॉ के बेसिस पे इंटरव्यू है, एक है जो पर्सनल और लॉ के क्वेश्चंस का मिक्स है, एक है जो सिर्फ पर्सनालिटी बेस्ड है, तो वो आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है एक्चुअल इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारी जो जो भी आपका मेंटर्स थे और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनका आपका जो एक्नॉलेजमेंट है, ये उससे रिलेटेड कुछ बातें थी। उसके बाद जो जैसे हम प्रीलिम्स की बात करें, तो आपने लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि आपको कैसे मेमोराइज करना है और किस तरह से उसको रिटेन करके रखना है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, प्रीलिम्स की जो बात की। अब जैसे एमपी की बात करें तो 110 मार्क्स का जो आता है वो लॉ के सब्जेक्ट्स रहते हैं, बाकी 40 मार्क्स का जो रहता है वो अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहता है, 10 मार्क्स का इंग्लिश एंड 10 मार्क्स का कंप्यूटर। तो जो 40 मार्क्स का, वो उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। तो वो 40 मार्क्स की आपने प्रिपरेशन किस तरह की, आपकी क्या अप्रोच थी उससे रिलेटेड? बिल्कुल, तो जैसे बताया 110 मार्क्स का जो लॉ आता है, इस लॉ के पोर्शन में इतना ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, उनको रिसोर्सेज भी पता रहते हैं कैसे प्रिपेयर करना है, ये बताने वाले उनको बहुत मिल जाती है कि अच्छा लॉ के लिए ऐसे पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है इनको कर लो। जो बाकी के 40 मार्क्स है उसमें स्पेशली अगर एमपी जैसी स्टेट है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैंने वही जैसे मैंने बताया, मैंने खेत्रवाल पब्लिकेशन की पास्ट ईयर की बुक्स खरीदी थी जो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए कॉमन थी, और उसमें सबसे अच्छी बात थी कि उसमें जैसे लोग बोलते कि पिछले 10 साल के पेपर लगा लूं, बट उस बुक में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से एमपी जुडिशियल सर्विसेज अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है वहां से लेके जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। तो एक वो अच्छा है कि कैसे आप समझते हो कि कैसे कैसे ये एग्जाम का पैटर्न इवॉल्व हुआ है, तो उससे भी आप एंटिसिपेट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम हर साल इवॉल्व हो रहा है ये वाला। और आपको एक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता है कि अच्छा ये एमपी में आए हैं, और प्री में तो स्पेशली ये चीज होती है कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो उसके लिए तो मैंने सिंगल्स की वो 4 वॉल्यूम्स और ये अपना जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो मैंने रेफर करे थे। फिर उसके बाद मेंस के लिए भी यही सेम चीज जी थी, के और जीके। हाँ, कंप्यूटर। जीके के लिए ये था कि जीके में मैं हमेशा से थोड़ी वीक रही हूँ, बट जैसे अगर जो थोड़ी बहुत मैंने जीके की तैयारी करी थी उसमें ये था कि जो स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की जो बुक आती है, आई गेस वो हम सब जो भी अगर कोई लॉ स्टूडेंट है उसने क्लैट के टाइम पे भी या अदर एग्जामिनेशन के टाइम पे भी उसको रेफर करा होगा, तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स आपका फिजिक्स बायोलॉजी, जो बेसिक क्वेश्चंस उनसे बनते हैं कि पावर्स एंड यूनिट्स वाले ये वाले वो सब उसमें दिए रहते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं कि बाउंड्री लाइंस कहाँ शेयर हो रही हैं, कौन से कॉमन रिवर्स, और ये सारी चीजें उससे कवर हो जाएंगी। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने तो लूसेंट जैसे होता है, जैसे लूसेंट जो बुक है वो खासकर हम जो उनको एग्जाम्स के लिए ज्यादा फॉलो करते हैं, इसमें जीके का एक पोर्शन बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल रहता है। सबस्टैंडर्ड है तो इसके लिए आपने उसको फिल्टर कैसे किया, जो आपका जो सोर्सेस थे कि जीके को लेके? आप जीके, जैसा कि जीके की कोई आप बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली लिमिटेशंस नहीं है उसकी, तो आपने उसको कैसे, आपको अपनी सोर्सेज कैसे लिमिट करके रखा कि आपको आखिरी मोमेंट पर रिवीजन आपने ठीक से कर लिया? क्योंकि बिल्कुल रिसेंट हम देखें तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। और बाकी पहले आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जी जीके का आपने किस तरह की। जी तो इवन जैसे आपने बोला कि लूसेंट अगर आप एक बुक भी रेफर कर रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज आप पास्ट ईयर पेपर से समझ सकते हैं कि अच्छा अगर, यहां से पूछा जा रहा है हाँ, बिल्कुल। जैसे फिजिक्स में उन्होंने पूछ लिया कि भाई इस चीज की यूनिट क्या है या पावर क्या है, तो आपको पता चल गया पावर एंड यूनिट से क्वेश्चन आता है, तो आप फिजिक्स में टाइम्स वो टेबल्स में कंटेंट आपको दिया रहता है बना बनाया कि इसकी यूनिट ये है, इसकी यूनिट ये, तो आपने वो यूनिट्स वाला एक पोर्शन कवर कर लिया। बायोलॉजी में अगर उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस है तो वो पूछ लिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं कि रिवर्स एंड चैनल्स पूछ लिए, बाउंड्रीज पूछ ली, और वो जो बाउंड्री शेयरिंग लाइंस होती है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, तो वहां से आप अपना वो जो कंटेंट है उसको लिमिट कर सकते हैं। और जैसे एमपी में ये पैटर्न रहा है कि एमपी जीके भी आती है, एमपी की जैसे एमपी में इस तरह का पैटर्न है कि एमपी की जो स्पेसिफिक स्टेट की जीके वो पूछी जाती है, और साथ में जो इंडिया की जो कंट्री की जो जीके वो पूछी जाती है, और वर्ल्ड जो जीके है वो भी ग्लोबल लेवल पे वो भी पूछी जाती है। जी इस तरीके का पैटर्न कुछ जीके में जी रहता है, और आप बाकी जो आपके करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो सब भी जी पूछे जाते जी हैं। तो इस चीज को मैंने ऐसे टैकल किया था कि नॉर्मली अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, कोई समिट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, इनको तो पढ़ना ही है, बट अगर कुछ ऐसी चीज है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एमपी का कोई सिग्निफिकेंस है कि एमपी में भाई ये समिट हो रही यूनेस्को है, हेरिटेज हाँ, साइट डिक्लेयर यूनेस्को कर हेरिटेज दिया। साइट्स हैं, तो हाँ अब अगर यूनेस्को हेरिटेज साइट को कोई चीज वहां पे हो रही है, तो फिर आप उसको करंट अफेयर्स में आप इस चीज को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई करंट चीज चल रही है तो आपको उसका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है,
कि अच्छा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एमपी में मान लीजिए तीन है, तीन कौन कौन सी हैं, उनको किस किस साल में रिकॉग्नाइज करा गया, क्यों है वो, मतलब वहां की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे भीमबेटका है तो वहां पे केव पेंटिंग्स हैं और पैलियोलिथिक साइट है, ये सारी चीजें आपको स्टैटिक को भी आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है। तो जो एमपी जी के उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो कोचिंग के टाइम पे जब वो सब्जेक्ट पढ़ाया गया था तो वो वहां कवर हुआ था। स्टैटिक के लिए मैंने लूसेंट रिफर करी, और एमपी स्टैटिक का जो एमपी आपने स्टैटिक तो मुझे जैसे कोचिंग में पढ़ाया गया था तो वो वहां से मैंने आपने कर वही लिया। एक पर्टिकुलर सोर्स ठीक रखा। ठीक ठीक नॉर्मल स्टैटिक के लिए मैंने लूसेंट रिफर करी, और करंट अफेयर्स के लिए आप जीके टुडे, क्लाउड अफेयर्स, ये सारी कुछ वेबसाइट्स हैं। लोग मतलब बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो मैगजीन्स, जैसे ये परीक्षा मंथन आती है या इन फोकस आता है, ये प्रतियोगिता दर्पण आती है, ये सब रेफर करा था। बट जैसा मैंने बताया मेरा जीके का पोर्शन थोड़ा वीक था, तो मुझे ये पता था कि मैं जीके में अगर ज्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगी, मैं अगर उसमें 50% भी स्कोर कर रही हूँ, ये चीज मुझे पहले से पता है, मेरी जीके वीक है। तो मैंने जो बाकी के जो 10 मार्क्स में जीके में अपने लूज करूंगी वो मैंने बाकी जगह कॉम्पेंसेट किया, कि फिर इंग्लिश में 10/10 आए, कंप्यूटर में 10/10 आए। आप लॉ में ट्राई करिए कि 100 अगर 10 का है तो आप उसमें वहाँ पे 100 and 500 तक कीजिए, क्योंकि देर आर कैंडिडेट्स जिनके 108, 107 ऐसे मार्क्स भी लॉ के पेपर में आते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका वीक एरिया क्या है, और ट्राई करिए कि आप उस जो उस मार्क्स आप हिसाब वहां खो रहे हैं वो आप दूसरी जगह उसको बिल कॉम्पनसेट कर लें। बिल्कुल। तो जैसा कि बट हाँ, एक ये हाँ चीज है हाँ कि आप बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीटली छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे मुझे जीके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, मुझे पता था जीके वीके, बट मैंने ये नहीं किया कि मैं अपने पूरे 20 मार्क्स उसमें छोड़ दूँ। मैं दूसरों से कम लाऊंगी, मैं 50 ही% दे पाऊंगी, बट मुझे वहां पे भी कुछ अपने मार्क्स वहां पे लाने हैं। तो जैसा कि दुर्तिका ने बताया कि आप अगर जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप एक बार पढ़िए, एनालाइज कीजिए, उस हिसाब से फिर आप अपने रिसोर्सेज देखिए, सोर्सेज देखिए, और उसके पैटर्न पर आप प्रिपेयर कीजिए जीके। क्योंकि जीके की कोई लिमिट नहीं है कि आप बिल्कुल इतना जीके पढ़ लिया और इससे काम हो जाएगा, है ना। तो आप जीके का, आप ये बुक पढ़ी, आप दूसरी बुक पढ़ोगे आपको और कंटेंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस हिसाब से आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको आपको लिमिट में, उसको थोड़ा सा लिमिटेड बिल्कुल रखने हैं, और पेपर आप एनालिसिस करोगे तो सो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से जीके को अप्रोच करना है, और जो करंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं उसको आप करंट के पर्सपेक्टिव से याद करें, है ना। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी उसको भी आप रेफर उससे कनेक्टेड याद करते जाएं, और जहां जहां एमपी का जो जहां जिक्र आता है ना, मेंशन होता है, उस बात को जरूर आप ध्यान दें और नोट डाउन करें। तो ये थी जीके से रिलेटेड बात, इंग्लिश एंड यहाँ मैं एक कंप्यूटर। चीज ऐड हाँ करना बताओ। चाहूंगी। जैसे पहले अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये होता था, जो एमपी स्पेसिफिक जीके होती थी उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता था, और नॉर्मली जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो, वो थोड़ा कम पोर्शन उसका आता था। तो ये जो अदर स्टेट्स के बच्चे होते थे उनके लिए थोड़ा एक डिसएडवांटेजेस पोजिशन होती थी। बट मेरा जो एक्सपीरियंस लास्ट ईयर के पेपर से है वो ये है कि अब जो एक जीके का पोर्शन भी है वो भी काफी बैलेंस आता है, कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी मिलेंगे, बट आपको एट द सेम टाइम एमपी जीके के भी कुछ एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। एक उनका बैलेंस हाँ बैलेंस बैलेंस अप्रोच। हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एमपी जीके नहीं पढ़ी है, या एमपी जीके पढ़ना बहुत मतलब वो है जरूरी, बट उसका वेटेज जो ओवर द इयर्स देखने को मिला है वो थोड़ा बैलेंस्ड हो गया है। आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस नेशनल मिल जाएंगे। इंटरनेशनल के और एमपी जीके के आपको थोड़ा अच्छे अमाउंट में देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश और कंप्यूटर की बात करें। कंप्यूटर के लिए भी मैंने जो लूसेंट की एक कंप्यूटर जीके की बुक आती है उसमें चैप्टर्स भी दे रहते हैं, और हर चैप्टर के पीछे उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो भी पास्ट ईयर पेपर्स में किसी भी इवन बैंक के एग्जामिनेशंस में या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए, तो वो मैं चैप्टर्स पढ़ती थी, उसमें से जैसे हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया कि ये चीज इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आप पास्ट ईयर देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर उनके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और पास्ट ईयर पेपर्स भी आप अगर करेंगे तो आई गेस जीके और इंग्लिश दोनों के लिए इतना सफिशियंट होता है। इंग्लिश में मैंने ऐसे अलग से कोई बुक रेफर नहीं करी थी, इंग्लिश तो मैंने सोलली सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स से ही प्रिपेयर करा है, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश बहुत, इंग्लिश और कंप्यूटर जीके दोनों ही बहुत बेसिक लेवल अभी तक है एमपी जी के एमपी जुडिशियल सर्विसेज में, तो वो आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स उतने के लिए सफिशियंट होते हैं। ओके। तो ये रही जो 40 मार्क्स का जो पोर्शन आता है एमपी सिविल जज के प्रीलिम्स एग्जाम में, उसकी हमने बात की। अब आगे अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मेंस जो एग्जाम होता है ना। तो मेंस जो एग्जाम होता है तो उसमें जैसे कि आपने बताया 4 पेपर्स होते हैं, 2 लॉ के पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड 3। सेकंड जो पेपर होता है उसमें ट्रांसलेशन, आर्टिकल राइटिंग जिसको आप ऐसे राइटिंग के नाम से भी जान सकते हैं, और समराइजेशन, आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसको आपको समराइज फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद
थर्ड पेपर, फिर से मैंने बताया दो लॉ के पेपर होते हैं, 1 एंड 3। थर्ड पेपर आपका लॉ का पेपर है, इसमें लॉ के जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। और फोर्थ पेपर होता है जजमेंट राइटिंग है, जिसमें आपको क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम करने होते हैं, क्रिमिनल जजमेंट लिखना पड़ता है, और सिविल में आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं, और ऑर्डर राइटिंग ऑर्डर राइटिंग या फिर जजमेंट राइटिंग जी आपको सिविल में पूछी जाती है। तो मैं जो जो भी पेपर्स हैं, जैसे लॉ के पेपर्स हैं, तो उससे रिलेटेड सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जी उसकी प्रिपरेशन क्या की और आपकी अप्रोच क्या थी वेल जी प्रिपेयरिंग दी फर्स्ट एंड थर्ड पेपर। जी तो जैसा मैंने बताया कि लॉ के पेपर्स में ज्यादातर कैंडिडेट्स को डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि सिलेबस सेम है, जो आपने प्री के लिए पढ़ा है वही आपको मेंस के लिए बस रिवीजन की जरूरत होती है। पेपर 2 और पेपर 4 थोड़ा एक रहता है जो कैंडिडेट्स के लिए एक नई चीज होती है, उनको फिगर आउट करना होता है कि अच्छा ट्रांसलेशन कैसे करना है या ऐसे राइटिंग के क्या क्या टॉपिक्स कैसे लिखने हैं। हाँ, जैसे 1 एंड 3 की आपने बात की कि लॉ जी के सब्जेक्ट्स हम प्रिपेयर करते तो उतनी डिफिकल्टी उसमें नहीं नहीं आती, होती है क्योंकि प्रीलिम्स में एक डिफरेंट अप्रोच आपको याद करनी थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जी मेंस में आपको क्योंकि आंसर लिखने होते हैं, तो आप उसकी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखते हो, उसमें आप चीजें याद करते हो, है ना। जी और उसके बाद एक बात आती है कि आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग में लेकिन कुछ इस तरह की मिथ है ना। पहला ये है कि मिथ कह लें या फिर कि कंफ्यूजन कह लें कि क्या लिखना है, मतलब खुद के नोट्स बनाने हैं या फिर आपको पहले से जो नोट्स प्रिपेयर है उसको रिवाइज करना है, तो आपकी क्या अप्रोच थी और क्या जी बेहतर अप्रोच आपके हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि मेंस के लिए मैंने एलेक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो वहां पे क्वेश्चंस होता था कि मैं जैसे ऑनलाइन मोड में ही वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती थी, तो क्वेश्चन पेपर टाइमली अपलोड कर दिया जाता था। बस ऑनलाइन प्रिपरेशन में एक चीज़ है कि आपको अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होना पड़ता था, क्योंकि आप सेंटर में जाके लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको मॉनिटर करने अकाउंटेबिलिटी के है लिए है कि आप मॉनिटर। 3 घंटे में ही लिख रहे हो, आपका पेपर छूट गया तो छूट गया। घर में ये चीज़ मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है, तो आपको अपने साथ ऐसा थोड़ा ऑनेस्ट रहना होगा कि आप एक ही सिटिंग में वो 3 घंटा कंप्लीट करिए। अगर 3 घंटे में आपका पेपर छूट गया तो आप ये मत करिए कि आप बाद में उस पेपर में लिख के वहां भेजते रहे, क्योंकि वो लोग उस चीज को नहीं देख पाएंगे, बट ये चीज आपकी ही प्रिपरेशन को हैम्पर करेगी। तो पेपर 1 और पेपर 3 के लिए टेस्ट सीरीज तो काफी हेल्पफुल थी। साथ में मैंने ये किया था कि सिंगल्स की अनसोल्व एक बुक आती है पास्ट ईयर पेपर्स की, उसमें भी एमपी जुडिशियल सर्विसेज और इनफैक्ट सारे ही जितने भी अदर स्टेट के जुडिशियल एग्जामिनेशन होते हैं उनके पास्ट ईयर पेपर्स थे। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने हाई कोर्ट की वेबसाइट से जाके लगभग वहाँ पे 14 साल के पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल थे, तो उनके जो क्वेश्चंस थे मैंने उनका एक सिनॉप्सिस तैयार करा। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अगर पास्ट ईयर कोई पेपर है या आपके पास किसी भी सोर्स से अगर आपको एक क्वेश्चन पता चला है, कि जैसे रेस जुडिकाटा में पूछ लिया कि रेस जुडिकाटा आप डिस्कस करिए 8 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि अगर आपको ये पेपर पास्ट ईयर पेपर्स में देखने मिल रहा है या फिर सिंगल्स की बुक में देखने को मिल रहा है, तो आप उसका एक सिनॉप्सिस बना लीजिए, ताकि अगर कल को यही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में उठ के आ जाए, क्योंकि आपके पास मेंस के आंसर राइटिंग में आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है जब आप लिखते हो तो जब आपके आप। पास हाँ पॉसिटी ऑफ टाइम रहता है, बहुत कम समय बहुत रहता है जिसको आपको सोचना भी और लिखना बिल्कुल भी है, जी 3 आवर्स का मेरे हिसाब से टाइम जी रहता जी है। बिल्कुल। और जैसा कि पिछले 2 साल से देखा होगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो इवॉल्व हो रहा है, पेपर लेंथी आने लगा है, तो जो प्राइमरी कंसर्न होता है कैंडिडेट्स का वो यही होता है कि सबसे पहले तो हमको टाइमली पेपर कंप्लीट कंप्लीट करना है। करना है। जैसे मुझे लोगों ने समझाया था कि जहां आपका पेपर छूटा है आप समझ जाओ कि आप इस मेंस के कंपटीशन से बाहर बाहर। हो गए हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका छूटता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बट आपको अगर अपने आप को एक सेफ जोन में रखना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पेपर पूरा कंप्लीट करके आइए। और पेपर कंप्लीट करने का आपको तभी होगा, वहां पे इतना टाइम नहीं रहता है। जैसे मेरे साथ तो ये हुआ था कि आपको आंसर शीट मिलती है, आप लिखना चालू करते हो, जब वो आंसर शीट लेते हैं तभी आपका सर ऊपर उठता है देखने के लिए कि अच्छा थ्री 3 घंटे का कंप्लीट टाइम हो कंप्लीट हो गए। गया। और मुझे तो इतना, जैसे मैं बहुत छोटी छोटी चीजें, मैंने बताया ना आपको उस मोमेंट में छोटी छोटी चीजें ही बॉदर करती हैं, तो जब कभी इन्वेज लेटर साइन करने भी आते थे आपको लगता तो मैं टाइम वेस्ट इरिटेट हो हो जाती थी रहा, कि जल्दी साइन करो मेरा टाइम टाइम जा वेस्ट रहा हो है। रहा है। तो इतनी छोटी छोटी चीज, मतलब आप इससे समझिए कि टाइम वो 3 घंटे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। इसीलिए आप पहले से सिनॉप्सिस तैयार रखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन है आप उसको लिख लीजिए कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, 4 लाइंस होंगी तो वो क्या 4 लाइंस होगी, मैं मेन बॉडी में क्या लिखूंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत सारे लैंडमार्क केसेस ही बहुत सारे हैं, बट आप सारे केसेस तो नहीं लिख सकते, अगर आपको 2 केस लॉ लिखने हैं तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि वो 2 केस लॉ कौन से होंगे। पीपीएम अगर आपको या कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना है तो आप पहले से उस एग्जाम्पल का भी क्या कंटेंट देना, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या एग्जाम्पल वहां पे दूंगा, ताकि इन सब छोटी छोटी चीजें हमको प्रिपरेशन के टाइम बहुत छोटी लगती हैं, बट इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है मेंस की आंसर राइटिंग में। तो ये
आप जब हर क्वेश्चन में इन सब चीजों पे अपना टाइम सेव करेंगे, तो वो जो आपके लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन या चार चार मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे जो कैंडिडेट्स के पास जिनके लिए टाइम कम पड़ जाता है, तो ऐसे करके आप उस टाइम क्वेश्चन को सेव टाइम कर सकते सेव कर सकते हैं। एक जो चीज मैंने करी हैं। थी, जैसे मुझे पता है कि मेंस के पेपर में 18 क्वेश्चन आएंगे, इन अ वे 21 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो जो 18वां क्वेश्चन होता है उसमें तीन शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो मैंने देखा कि 8 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पास टोटल 180 मिनट्स हैं, तो मैं एक 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम दूंगी। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे 12 मिनट में या 13 मिनट में कंप्लीट करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और इतने के बाद भी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि जब मैं 13 मिनट डिसाइड करती हूँ, तब मैं उसको 15 मिनट में कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने अपना टाइम डिविजन ऐसे करा था, जैसे 180 मार्क्स का है, तो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं समझूंगी कि मुझे पेपर 160 मिनट्स में कंप्लीट करना है। जब मैं 160 मिनट्स लेके चलती हूँ, तब वो 170 में कंप्लीट होता है, और तब मेरे पास लास्ट में 10 मिनट रिविजन के लिए बचते बिल्कुल, हैं, कि आपने जो लिखा है कहीं उसमें कोई कमी कुछ तो नहीं छूट है, ना कोई जाए छूट ना जाए। मेरे साथ। जैसे कई बार होता है क्वेश्चन पेपर में एक आध क्वेश्चन शॉर्ट नोट हो जाए, ऐसा आ जाता है जो आपका उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता। जैसे मेरे साथ हुआ था, पेपर 1 में अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन पे एक क्वेश्चन आया था। मुझे अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में बस इतना पता था कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक कंसेप्ट है, कौन सा सेक्शन है और एग्जैक्टली क्या है इस चीज का कंसेप्ट, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया था, जहां पे मुझे वो आंसर लिखना था, मैंने उसकी जगह छोड़ दी थी, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ मुझे खाली जगह दिखे, तो मुझे रिकलेक्ट हो जाए कि यहाँ पे हाँ कुछ लिखना था मुझे। हाँ हाँ और ये चीज मुझे एक्चुअली हेल्प करी थी मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो जगह खाली थी, मेरा ध्यान गया कि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना तो है, आपने लिखा वो चीज। मेरे पास 2 ही मिनट बचे थे, मैंने उसमें लिखा, बट अगर वो जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी होती, तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता और मेरा एक क्वेश्चन छूट ये जाता। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद जी रखनी होती है, और आप पहले से इन बातों का रिवीजन करके चलें, क्योंकि ये आपका थॉट प्रोसेस का पार्ट होती जी है। एकदम से आप एक दो दिन में इन बातों को नहीं सीख नहीं सकते। बिल्कुल और नोट्स जो मेकिंग की बात थी, तो जी आपने नोट्स खुद के प्रिपेयर किए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो नोट प्रोवाइडेड थे उन्हीं को फिल्टर कर लिया अपने हिसाब से? जी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऐसा, जो उन्होंने नोट्स बना के नहीं दिए थे, जो क्लास में पढ़ाया जाता था, मैं उसको खुद ही नोट डाउन कर ली थी। मतलब मैंने नोट्स अपने लिए बनाए थे, जहाँ पे मैंने बेयर एक्ट के प्रोविजंस भी लिखे थे, कोचिंग में उन्होंने कुछ बताया तो वो भी उन नोट्स में लिख लिया, और कॉमेंट्रीज में, जैसे कभी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलते, तो कॉमेंट्रीज से भी पढ़ा, तो भी मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया, कोई अमेंडमेंट है, कोई लैंडमार्क केस है। बट मेंस के लिए नोट्स को रेफर करने का उतना ज्यादा मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि मेंस का जब मैंने आंसर राइटिंग में सिनॉप्सिस बनाए, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा, मुझे अगर मान लो 8 मार्क्स के लिए 2 या 3 पेज लिखने, तो उसमें इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूंगी, और मेन कंटेंट में भी क्या क्या हेडिंग दूंगी, हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग क्या होगी, उसमें भी एग्जैक्टली क्या पॉइंटर्स होंगे मेरे हर हेडिंग में कवर करने के लिए, क्या एग्जाम्पल, क्या केस लॉ और क्या कंक्लूजन। इसका आपका एक पूरा फ्रेमवर्क आपका प्रिपेयर था हाँ कि आपका इस तरह का होने वाला मतलब है एक आंसर, मेंटली आपके दिमाग में मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये चीजें लिखनी मतलब है। पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप बार बार जी इस बात को प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फाइनल आपका बिल्कुल एग्जीक्यूशन कर पाओगे। बिल्कुल जी तो वही वाली बात है कि नोट्स बनाने नहीं माने, ये आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से देखिए कि आप बिना एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाए अगर आप बेहतर आंसर लिख पा रहे हो तो आप उस अप्रोच के साथ चलिए, अगर बिल्कुल आप नहीं लिख पा रहे हो तो अपने आंसर आप प्रिपेयर करके रखिए, जिससे बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में आपको डिफिकल्टी ना ना। हो। तो ये जैसे एक कई लोग करते हैं, वो सिर्फ कीवर्ड्स लिखते हैं अपने, जब सिनॉप्सिस हाँ, भी बनाते हैं तो तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिखते हैं कि मैं लिखते कीवर्ड्स देख के, हैं। बट मेरे साथ होता है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे हर छोटी चीज एकदम सामने चाहिए रहती है। तो जब मैंने सिनॉप्सिस भी बनाया, तो मैंने पूरा डिटेल्ड आंसर लिखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कीवर्ड्स लिख के छोड़ दिया, हर पूरा पूरा आंसर लिखा, जैसे कि मैं एक एक्चुअल एग्जामिनेशन में लिखती। तो ऐसे करके एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस आपके पास उस मोमेंट में अवेलेबल है, उन सबका आप सिनॉप्सिस बनाइए, और फिर भी जो एक आध दो क्वेश्चंस आते हैं, उस सिनॉप्सिस से आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऐसी होती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको, जो आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर में ही देख रहे हो एग्जाम में, तो भी आप उसका एक स्ट्रक्चर जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा, मुझे ऐसा ऐसा लिखना है इंट्रोडक्शन में, इसकी बॉडी को मैं इस तरह से स्ट्रक्चर करूंगा कि हेडिंग में क्या है, सब हेडिंग में क्या है। तो वो भले ही आपने उस क्वेश्चन को पहले सिनॉप्सिस में नहीं बनाया, बट जो सिनॉप्सिस की जो आपने प्रैक्टिस करी थी, वो आपको वहां पे हेल्प करेगी। तो ये रही थी पेपर 1 एंड 3 जो लॉ के पेपर्स, उसकी जी बात। उसके बाद जो ट्रांसलेशन का जो पार्ट आता है, ट्रांसलेशन आर्टिकल राइटिंग, उसके बारे में कुछ बताएं आप। बिल्कुल, ट्रांसलेशन के लिए जैसे सब लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास डिग्लॉट एडिशन है तो वो बेस्ट है, उसके अगर आपके पास डिग्लॉट एडिशन है, तो आपको बाहर सोर्सेज रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिग्लॉट एडिशन का ये मतलब होता है कि आपके पास जो बेयर एक्ट है ना,
उसका एक साइड इंग्लिश में लिखी होती है और दूसरी साइड उसी का अनुवाद ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा होता है, उसको कहते हैं डिग्लॉट एडिशन। जी, तो बट क्योंकि मेरे पास डिग्लॉट एडिशन नहीं थे तो मैंने ट्रांसलेशन के पेपर के लिए भी पास्ट ईयर पेपर्स निकाले, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए आई गेस बुक्स अवेलेबल हैं, बट मैंने कोई भी ट्रांसलेशन की लग से बुक रेफर नहीं करी थी, मैंने बस पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे और एलिक की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें जो क्वेश्चन थे वो पेपर टू के, उससे मैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करती थी, और पास्ट ईयर पेपर्स में जो थे तो मैंने अपनी खुद की एक लीगल ग्लॉसरी तैयार करी थी जो भी वर्ड्स थे, और लिखती थी। और यहाँ पे मैं ये चीज को एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि कोई छोटा से छोटा वर्ड भी, जैसे सूट को वाद बोलते हैं ये सबको पता है, कोई अगर जुडिशरी के लिए नई भी तैयारी कर रहा है और लॉ स्टूडेंट्स को पता है कि वाद बोलते हैं, बट यही छोटा सा टर्म है, जब आपके ऊपर ये प्रेशर आएगा कि आपको एक सेंटेंस बस एक ही मिनट में ट्रांसलेट करना है, तो आप यही भूलोगे कि सूट को सूट वाद का क्या बोलते हैं। मतलब? जैसे हाँ मेरे साथ एग्जाम में ही हुआ था कि एक कार इंश्योरेंस टर्म यूज हुआ था, मैं यही भूल गई कि इंश्योरेंस को बीमा बोलते बीमा हैं, बोलते। व्हीकल को हम गाड़ी भी लिख सकते हैं। मैं इतने प्रेशर में थी कि मैं इतने सिंपल टर्म्स को भी नहीं ट्रांसलेट कर हाँ पाई, जो मेजर टर्म्स होते हैं वो तो आपके दिमाग में रहते ही है, तो चाहे छोटा टर्म हो चाहे बड़ा हो, आपको इजी लग रहा हो डिफिकल्ट लग रहा हो, आप सबको नोट डाउन करिए, एक अपनी लीगल ग्लॉसरी खुद की बनाइए जहाँ पे सारे वर्ड्स हो, और वो आपको रिविजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। आप डेली डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक दिन में 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स याद करने हैं, आपने आज 10 वर्ड्स याद करे, कल जब आप नए 10 वर्ड याद करें उससे पहले आप कल के 10 वर्ड रिवाइज करिए, और फिर उस दिन के 10 वर्ड याद करिए, फिर तीसरे दिन आप वो 20 वर्ड पहले रिवाइज करिए, फिर अगले दिन के 10 10 वर्ड याद करिए, तो ऐसे करके आपको पर डे टाइम भी कम देना पड़ेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तो मेरा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन बहुत में ही ज्यादा। जा रहा है, और इवेंचुअली आपकी तैयारी उसके साथ होती रहेगी। तो जैसा कि दुर्तिका ने बताया कि आप प्रॉपर अपनी लीगल ग्रोसरी प्रिपेयर करें, है ना, ट्रांसलेशंस को उस पर लिखें और डेली जो आपने लास्ट डे प्रीवियस डे जो लिखा उसको रिवीजन करते चलें। और जैसा कि हम ट्रांसलेशन में करते हैं, वर्ड्स तो आपको याद हो गए, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना क्या है, उसको सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं, करनी है उसकी। हाँ तो याद करने के बाद जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है उसकी प्रैक्टिस क्या हमको साइमल्टेनियसली करनी है, बिल्कुल या फिर पहले सारे वर्ड्स याद कर लो फिर प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, मैं ऐसा करती थी, जैसे पहले मैंने सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स को उठाया, एक साल के पेपर में देखा कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैंने उनको लिख लिया, फिर मैंने टाइमर, जैसे मान लीजिए 20 सेंटेंस आते हैं, मैंने डिसाइड किया कि मुझे 20 सेंटेंसेस को 25 मिनट में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने 25 मिनट का टाइमर लगाया और मैंने स्टार्ट करा लिखना। इनिशियली आपको कुछ दिनों में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, आपको लगेगा कि बन नहीं रहा है, आपको मन करेगा कि बस मैं यहीं पे बीच में छोड़ के उठ जाऊं क्योंकि मुझसे ये चीज हो नहीं रही है, बट अगर आप वो इनिशियल डेज में वो 25 मिनट आप बैठ गए, आपने वो प्रोसेस से अपने आपको जाने दिया कि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, नहीं फिर बन भी रहा, आप फिर भी लिख आप रहे हो। बैठे हैं ट्राई कर रहे हैं, भले ही आपसे 20 सेंटेंस ना बने, 2 ही सेंटेंस बने, इवेंचुअली ये नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट डे आपसे 5 सेंटेंस बनेंगे, फिर 10 सेंटेंस बनेंगे, तो वो चीज ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। और पेपर टू और पेपर फोर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि पेपर टू और पेपर फोर में आपको फिगर आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि क्या चीज कैसे पढ़नी है, उसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो चीज उतनी इंप्रूव होगी। तो मैं पास्ट ईयर पेपर जैसे मैंने वर्ड्स देख लिए, मैं उसको टाइमर लगा के उसको लिखती थी और फिर चेक करती थी कि कितना जो एक्चुअल जिस चीज का जो ट्रांसलेशन होना चाहिए सेंटेंस उसके मैं फ्रेमिंग। कितने क्लोज हूँ, और टेस्ट सीरीज में ये चीज मेरे लिए और इजी हो गई थी क्योंकि एक मॉडल आंसर की आपको मिलती है, तो पहले क्वेश्चन पेपर उठाया, टाइमर लगा के सॉल्व किया, और फिर आंसर की से देखा कि मेरा जो आंसर है वो मॉडल आंसर्स जो है उससे कितना क्लोज है, तो ऐसे करके धीरे धीरे वो चीज इंप्रूव होती है। और जैसे मैंने बताया ये चीज मैं मेंशन करना भूल गई थी कि अगर आपके पास डिग्लॉट एडिशन नहीं है तो मैं फिर वो वर्ड्स को गूगल कर लेती थी, और अगर आप ऐसा गूगल पे सर्च करेंगे लीगल ग्लॉसरी तो आपको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स की एट टाइम्स लीगल ग्लॉसरी मिल भी जाती है, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी, जैसे आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का एक जनरल ट्रांसलेशन मिल जाएगा गूगल में, बट आपको अगर और लीगल लीगल मीनिंग टर्मिनोलॉजी नहीं देखनी है ना, तो आप लीगल ग्लॉसरी सर्च करके वहां से रेफरेंस और ले सकते हैं, लीगल जो टर्मिनोलॉजी हमें उस पे ही फोकस ज्यादा करना है, ध्यान हमें देंगे। जनरल वर्ड्स नहीं लिखने हैं जी, उन इवन जो सब कैंडिडेट्स पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे भी वो देखेंगे कि पहले इंग्लिश के का। जनरल सेंटेंसेस भी आते थे, इस साल भी आए हैं बट वो 3 या 4 ही थे आजकल, मतलब अभी जो पिछले कुछ सालों से जो पैटर्न ट्रैप है, है। हाँ वो ये है कि जैसे किसी सेक्शन में कोई एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे सेक्शन 11 जो है सीपीसी का, उसमें जो 8 एक्सप्लेनेशन है वो एक एक्सप्लेनेशन उठा के आपको दे देंगे कि आप इसको ट्रांसलेट ट्रांसलेट करिए, कीजिए। अगर कोई एक्सेप्शन दिया हुआ है जैसे कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से इस बार आ गया था, जो एक एक्सेप्शन उसमें दिया है वो ट्रांसलेट करने के लिए आ गया था, तो आपको जो ट्रांसलेशन भी है वो भी बेयर एक्ट से कहीं बाहर नहीं जाएगा, जो दो चार, और जब आप लीगल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि जो जनरल इंग्लिश के सेंटेंसेस आते हैं उसमें आपको ट्रांसलेशन में ज्यादा दिक्कत आएगी। आप मान के चलिए कि जो बेर एक्ट वो आपकी होली बुक जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल
तो ये बात रही, और आपका सेकंड पेपर की बात रही, और बाकी आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आप कुछ बताएं, जी प्रोसेस भी कुछ बताएं। ऐसे राइटिंग के लिए मेरा, ऐसे राइटिंग में जो मुझे लगता है वो है कि अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर फिगर आउट कर लिया, जो स्ट्रक्चर मैं फॉलो करती थी वो मैंने नॉर्मली गूगल करके देखा, यूट्यूब पे आज वीडियोस देखी कि कैसे, मतलब अगर आपको ऐसा कोई जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है तो उसमें आपको कैसे ऐसे लिखना होता है, तो मेरी अप्रोच ये रहती थी कि प्रेफरेबली आप एक कोट से अपना ऐसे स्टार्ट करिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन में जैसे आपने बताया जैसे इस बार मैरिटल रेप पे ऐसे आया था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा कि मैरिटल रेप का जो है वो करंट अफेयर न्यूज में इसीलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और ये एक जो सेकेंड एक्सेप्शन है सेक्शन 375 का, ये वहां से मैरिटल रेप इंडियन का पिनल कोड कंसेप्ट का जो इंडियन पीनल कोड का, वहां से ये इशू निकल के सामने आया, इतना मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये चीज न्यूज में क्यों है, उसका अभी करंट रिलेवेंस क्या है। रेलेवेंस क्या है, तो इससे एग्जामिनर को भी ये लगता है कि ठीक है भले ही अपडेटेड ये लॉ का कंसेप्ट है बट लॉ में भी आपके अराउंड क्या हो रहा है इससे आप अपडेटेड है। अपडेटेड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जी है कि जज को जो उसके सराउंडिंग में जो लीगल जो भी इंसिडेंट्स हैं उनसे अवेयर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी, ठीक है, तो तो ये बात इंट्रोडक्शन कन्वे में मैंने होगी। लिख दिया कि ये इस टॉपिक का करंट रेलेवेंस क्या है, फिर मैंने प्रोविजन बता दी कि अच्छा 375 रेप को ऐसे डिफाइन करता है, और उसका जरूरी नहीं है कि आप दोनों एक्सेप्शन लिखे, अगर आपके क्योंकि मैरिटल रेप है बहुत स्पेसिफिक टॉपिक तो है तो आपको आप सिर्फ सेकेंड उसका एक्सेप्शन लिख दीजिए कि यहाँ पे मैरिटल रेप का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आप अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन को कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप लगभग हर टॉपिक में ही लिख सकते हैं कि मैरिटल रेप को क्यों पिनलाइज कर देना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, आपने दोनों उसके साइड्स, मतलब आर्टिकल राइटिंग जो है उसमें आपको ट्राई करना है कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें, और चाहे वो किसी भी टॉपिक, वो चाहे सोशल इशू का टॉपिक हो लीगल इशू का टॉपिक हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप जब एक आप इस पोजीशन पे आते हैं कि आप एक जज हैं तो आपको सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही आप तभी एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि भले इवन दो आपको पर्सनली फील होता है कि नहीं मैरिटल रेप को होना पिनलाइज कर चाहिए। देना चाहिए, हाँ, तो भी आप ट्राई करेंगे आप दोनों फैक्टर्स एक को कंसिडर, बैलेंस्ड अप्रोच, आप हाँ आप पेपर प्रोस कॉन्स जी एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी बातें आप एक बार कंसीडर करके फिर हाँ आप अपना फाइनल डिसीजन उस बात दे पे दें, और आपका वो इम्पार्शियल दिखना चाहिए, जो भी बिल्कुल आपका फाइनल बिल्कुल कंक्लूजन है वो। जी। तो तो आपने लिखा कि क्यों क्यों पिनलाइज होना चाहिए क्यों पिनलाइज नहीं होना चाहिए, ऐसी अगर कोई सोशल इशू है तो उसके क्या डिसएडवांटेज, मतलब वो चीज आप टॉपिक देख के फिगर आउट कर लेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हो हाँ, सकते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वहां पे आप वो मेंशन कर दीजिए, बट क्योंकि इवन दो सोशल टॉपिक है बट लॉ का एग्जामिनेशन है और हम लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप उसको ट्राई करिए कि आप लॉ से रिलेट करें, बिल्कुल। जैसे कि इस बार क्लीन इंडिया पे सोशल एक टॉपिक पे जो सोशल इशू था उस पे क्लीन इंडिया का टॉपिक आया था, तो उसमें आप ट्राई करिए कि थोड़ा आप उसको इन्वायरमेंटल लॉ से कनेक्ट कर दें कि इवन दो ये सोशल इशू है बट लॉ में प्रोविजंस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट फंडामेंटल है, राइट्स से आप कनेक्ट। फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इस तरीके आप उसको एक थोड़ा लॉ का एक एंगल देने की कोशिश करिए, कोई लैंडमार्क केसेस हैं मैरिटल रेप पे आया था, अगर लैंडमार्क केस है तो आप मेंशन करिए, इवन इन्वायरमेंटल लॉ में भी एमसी मेहता के बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं तो तो आप वो आप मेंशन कर सकते हैं, ध्यान में रखने वाली बात ये है लीगल में तो हम सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या प्रोविजंस लिखने हैं क्या आपको केस लॉज लिखने हैं, बट आप सोशल इशू में भी ट्राई करिए कि आप एक लीगल टच उसमें दे पाए अपने आंसर में, और एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखने की जरूरत है, वो आपको एक एग्जामिनर को एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप सारी चीजें कंसिडर करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, जैसे कि दुर्गा ने बताया कि जो आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है, इसको आप ऐसे राइटिंग भी समझ सकते हैं, उसमें एक लीगल ऐसे आता है, मतलब एक लीगल टॉपिक पर आपको कोर लीगल टॉपिक पर लिखना होता है, एक सोशल इशू पर, सोशल टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और बाकी समरी राइटिंग का एक पार्ट है, उसमें लीगल जैसे ऐसे आर्टिकल राइटिंग में बताया कि इस तरह की आपको बैलेंस अप्रोच रखनी है, आप एक बेहतर इंप्रेशन अगर क्रिएट करना चाहते हैं जो भी इवेल्यूएटर है उसके ऊपर। बिल्कुल उसके बाद समरी, जो समरी राइटिंग एक होता है उसमें जी एक पार्ट, उसके बाद समरी राइटिंग में जो एलेक की जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो सर के कुछ वीडियोस भी थे जो मैंने रेफर करे थे, उसमें सबसे पहले तो समरी में आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने भी समरी राइटिंग पहली बार तब करी थी जब मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था, तो मुझे समरी राइटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होती है, तो वीडियो देख के मुझे समझ में आया कि अच्छा जो भी आपको कंटेंट दिया गया है उसका 1/3 आपको करना है विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस, जो मैसेज आपको वो पैराग्राफ कन्वे कर रहे हैं वही मैसेज आपको समराइज करके भी कन्वे करना है, बस 1/3 कंटेंट रख के, तो
उसमें भी जो समरी राइटिंग के लिए मैंने बाहर और कोई सोर्सेज नहीं रेफर करे थे, जो टेस्ट सीरीज में जितने एलेक क्वेश्चंस की दिए थे, टेस्ट सीरीज की एलेक की वो। टेस्ट सीरीज में जितने भी समरी राइटिंग के क्वेश्चंस थे मैं वही करती थी कि मैंने डिसाइड किया मुझे समरी राइटिंग 20 मिनट्स में करनी है। 20 मिनट्स का टाइमर लगाया, समराइज किया उसको, देखा मॉडल आंसर में कि उसमें कैसे समराइज करा गया। एट टाइम्स होता था कि मैं वर्ड लिमिट तो एज सच नहीं दी होती थी, बट जो एक 1/3 वाला क्राइटेरिया मैं उसको एक्सीड कर जाती थी कि मेरा आधा पेज में बन रहा है या आधे से ज्यादा पेज में समरी राइटिंग हो रही है। तो मैं देखती थी कि अच्छा जो मैं चीज 2 सेंटेंस में लिख रही हूँ उसमें मॉडल आंसर को मैं वही चीज 1 सेंटेंस में कैसे लिखी है। तो ऐसे करके आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हो उसको। और अभी तक ये पैटर्न था कि नॉर्मल इंग्लिश के पैराग्राफ्स आते थे, बट लास्ट ईयर उन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज बताई थी कि अब से लीगल डॉक्यूमेंट्स का भी समराइजेशन आ सकता है। इस बिल्कुल बार आया नहीं था, बट जो भी एस्पिरेंट्स है वो उस चीज को ध्यान रखें कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नॉर्मल इंग्लिश पैराग्राफ्स के साथ साथ आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन को भी जरूर प्रैक्टिस पढ़ते रहे। करें। जैसे जी, चार्जशीट हो गई, आपने वो पढ़ ली, FIR हो गई उसकी प्लेंट कॉपी, हो गई, रिटन प्लेंट हो गया, स्टेटमेंट रिटन हो गया। स्टेटमेंट। तो जी ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप, अगर आप उससे कहीं ना कहीं अगर आपको आपको मिलता है पढ़ने को, तो आप जरूर पढ़ें उसको। जी तो ये रही समराइजेशन। बेसिकली समराइजेशन में आपको ये है कि एक कंप्लीट पैराग्राफ, मतलब कई पैराग्राफ मिल जाएंगे आपको, और उसको कहीं कोई टॉपिक होगा जिससे जिसके आसपास सराउंड में कुछ बात हो रही होगी, आपको उस बात को थोड़ा कंसाइज मैनर में लिखना है, समराइज करना है, लेकिन जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसका जिस्ट है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। जो वो कन्वे करना चाह रहा है, वो बिल्कुल टॉपिक, जो पर्टिकुलर मैसेज, वो आप, वो पर्पज डिफीट नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह उसको समराइज करना है, जहां तक अगर मैं मैं इस समझ पा चीज रहा हूँ। को पॉइंटर्स में रखूं तो जो कुछ चीजें जो आपको एकदम ध्यान रखनी है समराइज करते समय, पहला 1/3 आपको कंटेंट करना है, उसका मैसेज जो कन्वे होना है वो आपका 1/3 कंटेंट से भी कन्वे होना चाहिए। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे पंचुएशंस वगैरह, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मार्क्स वो फेच करेगा एग्जाम में। और एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज जो बहुत सारे कैंडिडेट्स और इवन मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि अच्छा 1/3 करना है तो आधे सेंटेंसेस ही हटा दो, पैराग्राफ जो दिया है ना उसी में से आप सेंटेंसेस छांट लो कि आप मैं इतना इतना लिखूंगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है आपका वो बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और वो इस चीज को तुरंत पकड़ लेंगे। आपको क्वेश्चन से ही सेंटेंसेस उठा के वहां पे नहीं लिख देने, आप उसको अपनी लैंग्वेज में शब्दों में उसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करके करिए। कन्वर्ट हाँ, कर दिए। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखिए, पंचुएशंस का ध्यान रखनी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होनी चाहिए। बिल्कुल, लिंक बैठनी चाहिए कि इस जी पैराग्राफ के, यदि पैराग्राफ आया तो एकदम एब्रप्ट नहीं लगना चाहिए कि इसके हाँ बाद इसका ये हाँ आया कैसे। जी बिल्कुल। हाँ मतलब हो सकता है कि आप 1/3 कंटेंट लिख रहे हो, आपका मैसेज भी कन्वे हो रहा हो, बट चीजें बहुत रैंडम ऑर्डर में अरेंज है वहां पे, कि आपने सोचा कि अच्छा ये चीज मैंने ऊपर लिखना मिस कर दी अब मैं यहाँ ऐड कर तो देता हूँ, वैसा ना तो कराए। ये चीज नहीं। एक प्रॉपर कनेक्टिविटी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, पंचुएशन, 1/3 कंटेंट और जो मैसेज है वो कन्वे हो, तो बिल्कुल। ये चार चीजें आपको ध्यान तो रखनी ये है। रहे पेपर, जो हमारा पेपर 1, 2 एंड 3। अब जो लास्ट पेपर बचता है, और जो कहीं ना कहीं सेकंड एंड जी फोर्थ पेपर को हम डिसाइडिंग कहते हैं, क्योंकि लॉ जी सब पढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेशन, आर्टिकल राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, उसको उतना फोकस नहीं जी करते ये हैं। बोलते हैं ये गेम चेंजर ये है ये गेम चेंजर है सेकंड तो। एंड फोर्थ पेपर। जी तो बिल्कुल सेकंड पेपर की हमने इसलिए इतनी एलेबोरेटली बात की, फोर्थ पेपर पे आते हैं। बिल्कुल तो फोर्थ पेपर के बारे में आप बताएं कि किस जी तरह, क्या अप्रोच आपकी, क्या अप्रोच थी और क्या अप्रोच बिल्कुल एक रखनी चाहिए एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल। तो फोर्थ पेपर के लिए जैसे मैंने बताया, जब मैं फाउंडेशन कोर्स अपना परसू कर रही थी तो वहां पे जजमेंट राइटिंग बताई थी कि अच्छा ऐसे ऐसे होती है, बट मैंने जब पढ़ाया जा रहा था तब मैंने खुद से कभी जजमेंट राइटिंग की नहीं थी। मैं सर को देखती थी कि सर कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, कि आपको क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है, कैसे लिखना है, क्या फ्लो होना चाहिए। बट जब तक मेरा मेंस का आया नहीं था टाइम कि मुझे अब मुझे ही लिखना पड़ेगा जजमेंट, तब तक मैंने उस चीज को कभी अटेम्प्ट नहीं किया था। तो मैं इन अ वे उस चीज से डर भी रही थी, मैं अवॉइड करती थी जजमेंट्स लिखना, और साथ में वो डर भी लगता रहता था कि जितना देर से शुरू करूंगी उतना मेरे लिए डेट्रीमेंटल होगी वो चीज, बट फिर भी मैं अवॉइड करती थी। तो वहां पे मेरे सीनियर्स ने मुझे काफी हेल्प करी थी, उन्होंने बोला था कि पहले दिन टाइम लगेगा, पहले दिन अगर मैं बताऊँ जजमेंट लिखने में मुझे 6 घंटे लगे थे, एक जजमेंट, सिर्फ एक क्रिमिनल जजमेंट लिखने में मुझे 6 घंटे लगे थे, क्योंकि मैं रुक जाती थी लिखते लिखते, मुझे समझ नहीं आता था, मेरा फ्लो क्या टूट जाता लिखना था, मैं चीजें कनेक्ट नहीं कर पाती थी, कई बार होता था आइडेंटिफाई करके भूल जाती थी, फिर जब आधा जजमेंट लिख लिया तब आया कि अरे ये चीज तो वहां पे लिख सकते थे। तो वो बहुत काटा पीटी और ये सारी चीजें होती थी, बट पहले दिन आपको वो 6 घंटे 4 घंटे बैठना होगा तभी वो ड्यूरेशन कम होगा। जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप टाइम मैनेजमेंट के साथ उस चीज को पूरा और अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपके एलेक के साथ की थी। जी, एलेक की टेस्ट सीरीज में जो जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस थे वो तो मैं अटेम्प्ट करती ही थी, बट
मेनली मैंने वही अटेम्प्ट करे थे, बट लास्ट के 10-15 दिन में मुझे एक सीनियर ने बताया था कि जजमेंट राइटिंग की एक वो रॉबिनजीत सिंह सर की एक बुक बुक आती आती है, है। वो रेफर करिए। उस बुक में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी कि वो मैंने बहुत ही एंड मोमेंट पे वो बुक खरीदी थी। उस बुक की सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे आपको एमपी के साथ साथ अलग अलग स्टेट्स का क्वेश्चंस आपको कंपाइल्ड मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात कि उसमें वो चीज़ें सॉल्व मिलती हैं। बट मैंने वो चीज़ ये नोटिस करी थी कि जो जजमेंट राइटिंग होती है वो बहुत डिटेल में उसमें, मतलब ये चीज़ अच्छा है उसमें सब बताया कि मार्शलिंग क्या होती है, अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस क्या होता है, कैसे एक फ्लो होना चाहिए, उसमें आपको इम्पोर्टेंट केस लॉज भी मिल जाएंगे। बट बहुत लेंदी आंसर्स थे उसमें, वो हर छोटी चीज़ बताएंगे कि अच्छा ये फैक्ट है तो वो सेक्शन 7 ऑफ इंडियन इसमें एविडेंस एक्ट में रेलिवेंस है, ये सेक्शन 9 में रेलिवेंट है। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करूंगी तो शायद मुझे टाइम मैनेज करने में टाइमली दिक्कत होगी, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं पाएगा। और हमारा मेन गोल एग्जामिनेशन हॉल में है पेपर कंप्लीट कंप्लीट करना। करना। हाँ तो मैं उस बुक का जो मैंने हेल्प ली वो इस एक्सटेंड तक थी कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अपना टाइमर लगाया, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इशू फ्रेमिंग 15 मिनट में करूंगी, चार्ज फ्रेमिंग अगर सिंगल अक्यूज है तो 10 से 15 मिनट, 10 मिनट ही बल्कि वो 10 मिनट में हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, और अगर मल्टीपल अक्यूज है तो 15 मिनट। चार्ज फ्रेमिंग और इशू फ्रेमिंग का टाइम तो डिसाइड कर इससे लिया रिलेटेड मैं कुछ कन्वे करना चाहता हूँ जी। कि जो जो पेपर 4 का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये रहता है कि 40 मार्क्स का आपको सिविल का जजमेंट या ऑर्डर होता है, 40 मार्क्स का क्रिमिनल का जजमेंट या ऑर्डर रहता है, और 10 मार्क्स की इश्यूज फ्रेमिंग रहती है और 10 मार्क्स की चार्ज फ्रेमिंग रहती है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। जी फिर आपने जब देखा कि अच्छा आपका 10 10 या 25 मिनट्स लगभग आपके इशू फ्रेमिंग चार्ज फ्रेमिंग में चले गए, बाकी का जो टाइम बचा है उसमें से आप 10 मिनट रिवीजन के हटा के उस टाइम को इक्वली डिवाइड कर लीजिए क्रिमिनल जजमेंट और सिविल की ऑर्डर राइटिंग में। मान लीजिए मेरे पास 45 मिनट्स है क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के, तो मैंने रॉबिनजीत सिंह सर की जो बुक है उससे क्वेश्चन पढ़ा। अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है वो उस 45 मिनट्स में ही एक्सक्लूडेड है, सॉरी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है, सॉरी इंक्लूडेड है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पढ़ने का अलग से टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, बुक बंद करी, 45 मिनट्स में पहले मैंने खुद से पूरा जजमेंट लिखा। जो तीन चीजें मैं उस बुक से जो मैंने हेल्प ली है वो ये कि सबसे पहले मैं देखती थी कि जो मेरा जजमेंट में फ्लो बहुत जरूरी है, आपका जजमेंट वही एब्रप्ट नहीं होना चाहिए कि एक्सपर्ट एविडेंस आपने ऊपर भी डिस्कस किया है, फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन आपने तीसरे पैराग्राफ में डिस्कस कर दी, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपने पांचवें पैराग्राफ में डिस्कस करी, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपर्ट एविडेंस है तो सब आप एक ही जगह बताइए कि उसने अपने एग्जामिनेशन में ये बोला, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन उसका नहीं हुआ इसलिए टेस्टिमनी अनरिबिटेड है, या फिर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है तो वो कंसिस्टेंट था, एक्सपर्ट विटनेस भाई 45 में रेलेवेंस है, इसकी क्रेडिबिलिटी इसलिए यहाँ पे जरूरी है और इसलिए इस एविडेंस को मैंने एडमिसिबल माना है। तो सबसे पहले मैं फ्लो चेक करती थी कि मेरा जो जजमेंट राइटिंग का फ्लो है वो है कि नहीं। दूसरा मैं चेक करती थी कि चार्जेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट राइटिंग में एक चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन अलग से तो आएगा ही, जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तब भी आपको साथ में चार्ज फ्रेमिंग करनी है, तो चार्जेस मैंने सही आइडेंटिफाई करे हैं कि नहीं। और क्योंकि आप जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो केसेस ऐसे होते हैं जो जेएमएफसी ट्राइबल होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ में जो जेएमएफसी को पावर्स दी है कि वो कितने साल का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, फाइन कितना लगा सकता है, तो आपको अपने जजमेंट राइटिंग में इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उसकी वो जो पावर है उसको ध्यान में रखते हुए सेंटेंसिंग करें। तो मैं बिल्कुल ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करती थी, मैं जजमेंट राइटिंग अपने हिसाब से करती थी क्योंकि मुझे टाइम मैनेज भी करना है एग्जाम में, बट मैं फ्लो, चार्जेस को आइडेंटिफाई करना और सेंटेंसिंग का एक्यूरेसी देखना वो करती थी। और फिर जो ऐसा मैंने रॉबिनजीत सिंह सर की बुक से किया, और बाकी इस चीज को मैंने अप्लाई किया जो एलेक के टेस्ट सीरीज में मुझे क्वेश्चंस में लेते हैं उन पे मैंने अप्लाई करके इसको प्रैक्टिस करी। तो अगर दृतिका का जो दृतिका ने पूरा एक्सप्लेन किया है जो पेपर 4 को, अगर उस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो उसमें हमने जो बातें समझी हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अब मान के चलो कि आपने जजमेंट राइटिंग की जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट की हो, तो स्टार्टिंग में आपको एकदम से ऐसे नहीं होगा कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें डेवलप हो जाएगी, वो टाइम एक प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस है और टाइम के साथ आपकी डेवलप होगी। तो आप उसमें है कि एकदम से होप लूज नहीं करना है, अगर स्टार्टिंग में आपसे जजमेंट नहीं बन रहा है आप टाइम लीजिए पूरा, उसके बाद डिफरेंट जो सोर्सेस हैं उससे जो आपके मतलब की जो काम की चीजें हैं ना आप उसको वहां से गेन कीजिए। अब ऐसा नहीं कि एक सोर्स आपने देख लिया तो आप उससे ही पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि इसमें से इतने हमारे मतलब की चीजें तो आप उतने मतलब की चीजें देखिए और आप बेहतर तरीके के जो जजमेंट्स की जो आप जो इंटरकेसीज होती हैं, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपके जो मेंटर उनसे उस बात को जाके पूछिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो उस तरह से आप जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रही पेपर 4 की जो बात थी। तो इस तरह हमने जो दुर्तिका की प्रिपरेशन की जो जो जर्नी थी है ना,
फाइनल सिलेक्शन तक वो सारी बातें आज हमने समझी, जो भी पर्सनल क्वेश्चंस थे हमने वो भी पूछे, प्रिपरेशन के जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने पूछे, इंटरव्यू काफ़ी लेंदी रहा हमारा। तो उसका रीजन ये था कि बहुत ऐसी बातें होती हैं जो छूट जाती हैं, हम नहीं चाहते थे कि वो बातें छूटें, और जो कहीं ना कहीं जो एक नहीं होता किसी पर्सन का कि बहुत सी बातें वो जेनुअनली कुछ बताना चाहता है लेकिन वो झिझक में रहता है कि लोग मेरे बारे में सोचेंगे। तो आज दुर्तुका ने मुझे लगता है कि इन बातों पे ध्यान ना देके जो उसको जो उनको लगता था कि मेरी प्रिपरेशन इस तरह से हुई है और ये मेरी हार्डशिप्स थी, किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरी प्रिपरेशन में, और जो भी मेरे मेंटर्स से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारी बातें आपको बता आपके साथ शेयर की। एकेडमिक्स की बातें किस तरह प्रीलिम्स प्रिपेयर करना है, मेंस प्रिपेयर करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। आखिरी के कुछ सवालात हैं वो है इंटरव्यू से रिलेटेड, कि इंटरव्यू की जैसे आपने प्रिपरेशन की है तो आप जैसे कि इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन हुई है तो आपने एलेक के साथ प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू की, और भी आपके जो मेंटर्स थे उनके साथ आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो उसमें एक जो सवाल है वो ये है कि इंटरव्यू के लिए कोई बहुत अलग से सेपरेट कोर्स लेना चाहिए या फिर आप मतलब मेंस मतलब ऐसा कुछ इस तरह की बात रहती है कि इंटरव्यू की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपको करनी है या नहीं, मतलब इंटरव्यू को इस तरह कुछ बना के रखा है कि आप उसके लिए जैसे मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो उसके लिए इंटरव्यू के लिए भी आप इस तरह की प्रिपरेशन करो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस इतनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर आप मेंस का पेपर हो जाए उसके बाद लिमिटेड जॉब मिलता है आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो, जी आपका क्या कहना है इस बारे बिल्कुल, में? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर करूंगी कि जब मेंस का एग्जाम हो गया था, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक पढ़ाई से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, बट जब एक बार रिजल्ट आ गया तो मैंने वापस से अपने सब्जेक्ट्स को वही सेम बेरेक्स, इंटरव्यू प्री से लेके इंटरव्यू तक आपको बेरेक्स के साथ ही रहना है, तो मैंने बेरेक्स से ही अपने प्रोविजंस रिविजन अपना चालू करा। मीनवेल जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो मैं जो पुराने मॉक इंटरव्यूज के वीडियोज होते थे मैं उनको देखती थी, पूछती थी, देखती थी कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हैं, लॉ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हैं, और लॉ में भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे किस हैं तरह के और अप्रोच उनको क्या है? आपको आंसर कैसे करना है, क्योंकि वहां पे भी आपके साथ टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो इन चीजों को कैसे आंसर करना है। और जब एक बार रिजल्ट आ गया था तो वो चीज थोड़ा और कंसिस्टेंटली मैंने अपना रिविजन करा, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मॉक इंटरव्यूज के कोर्स आए थे तो उनमें मैंने एनरोल करा था, और मैंने प्रेफर करा था कि मैं ऑफलाइन मोड में ही इंटरव्यूज दू, बिकॉज आई थिंक वो एक बेटर आपको आइडिया प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअल इंटरव्यू कैसे क्योंकि होगा एक्चुअली आपका ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू ऑफलाइन होता है मोड तो में। अगर आप जितनी कोशिश करें ऑफलाइन इंटरव्यू अगर आप देंगे तो बिल्कुल आपकी वैसी प्रैक्टिस बन बिल्कुल जाएगी, है ना? बिल्कुल तो ये थी इंटरव्यू से रिलेटेड बातें। और एक जो सवाल रहता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है ना, एक वो रहता है ना कि इस तरह प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो पहला तो आपने जो जवाब सवाल था उसका जवाब मेरे हिसाब से कुछ इस तरह है कि जो भी आप इंटरव्यू मतलब बहुत ज्यादा आपको वक्त नहीं देना, जो आपने प्रिपरेशन अगर ईमानदारी से करी है ऑनेस्टली बिल्कुल करी है तो आप कहीं ना कहीं अपना आपका इंटरव्यू प्रिपेयर हो हो रहा है, रहा है बस थोड़ा सा उस तरीके से आपको कुछ चीजों को दोबारा समझना है। आपका क्या कहना है इस जी। बारे में? इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिलेबस सेम है, चीजें सेम पढ़नी है, बस मेंस में वो चीज आपको लिख के कन्वे करनी होती थी, इंटरव्यू में आपको ध्यान देना है कि आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो सामने वाले को कन्वे हो जाए इंटरव्यू में, क्योंकि आपको सोचने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, वो आपसे ऐसा होगा कि वो आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस करेगा बोर्ड, रैपिड फायर काइंड रैपिड ऑफ। फायर सॉर्ट ऑफ, और मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, आपके पर्सनालिटी रिलेटेड भी होंगे और लॉ से सब्जेक्ट रिलेटेड भी होंगे, अगर आपने कहीं काम करा है पहले तो उस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। ऑल इन ऑल जो आप वो आपसे इंटरव्यू एक फॉर्म भरवाते हैं, जो इंटरव्यू के पहले मेंस रिजल्ट आने के बाद आपको देना होता है, डीएफ जिससे हम डैफ, हाँ डैफ जिसको बोलते हैं, डिटेल्ड डिटेल्ड एप्लीकेशन एप्लीकेशन। फॉर्म, तो उसमें आपने जो एक एक वर्ड लिखा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि उस हर एक वर्ड पे वो आपसे सवाल क्वेश्चन पूछते करेंगे, और उसके आंसर में जो आप बोलेंगे उसके भी हर वर्ड पे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ये चीज देखने के लिए कि आपने जो चीज उन लिख के उनको बताई है वो कितनी सच है, और आप मतलब अपने आप को बस एज अ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पोर्ट्रे तो नहीं कर रहे हैं इधर उधर की बातें लिख के, तो जो भी आपका डैफ है वो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, राइट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपने कौन सा मतलब क्या लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े, अगर आपने ऑनर्स किया तो क्या सब्जेक्ट थे, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड, और आपने काम करा है तो किस नेचर का काम होता था, जरूरी नहीं है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे मैच करे, अगर आपने
सिलेबस के बाहर जाके भी कुछ एरियाज में काम करा है, मान लीजिए टैक्सेशन लॉ है, इंश्योरेंस लॉ है, तो उस पर भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जा पूछ सकते। सकते हैं। आपने इंटर्नशिप्स करी हैं, मूट कोर्ट कंपटीशन है, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, तो वो उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने जब लिखा था, एक तो आपका क्या मोटिवेशन था उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करने का या इंटर्नशिप करने का, और अब उसका करंट में क्या रेलेवेंस चल रहा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक जो एक्सपेक्टेशन वाला था कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो उनके सामने रखिए नेचुरल। नेचुरल एकदम। अगर ये चीज वो भी समझते हैं कि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है उसमें, आप एक कैंडिडेट को जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे उन्हीं पे वो आपको जज करेंगे, और एट टाइम्स होता है कि उस प्रेशर में आके हम कई बार जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं, याद करी होती हैं, वो हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, आप उनको पोलाइटली बोल दीजिए कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट एट दिस मोमेंट एंड आई विल रीड इट अप आफ्टर द इंटरव्यू। वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, अब आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं टैकल कैसे उस कर रहे हैं। प्रेशर को। हाँ, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई चीज हमको नहीं बनती तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे कैसे नहीं याद आ रहा है, या फिर वो समझेंगे कि ये चीज मुझे आती हाँ, नहीं है अंडर आपका जो लो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे पर नहीं चेहरे दिखना पे, और चाहिए। आपके बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू एंटर द रूम टिल द पॉइंट वेयर यू लीव दैट रूम, वो हर मोमेंट हर सेकेंड आपका सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप कैसे चल के आए, आप कैसे बैठे, आपका पोस्चर क्या था, आपका हैंड मूवमेंट क्या है, आपका जब आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप कितना फ्लक्चुएट हो रहे हैं बार बार, आप कितना पॉज ले रहे हैं बीच, मतलब एक नेचुरली तो हम जब बोलते हैं तो पॉज लेना पड़ता है, बट बार बार फंबल करना, बार बार अपने आंसर्स चेंज करना कि नहीं सॉरी सर पहले ये था अब ये है, फिर वापस से नहीं नहीं सॉरी सर जो पहले बोला था वही है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वही आपकी पर्सनैलिटी की वजह, द वे यू ड्रेस, द वे यू स्पीक, बहुत धीमे नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा तेज तेज नहीं नहीं बोलना बोलना है। है, बहुत फास्ट पेस पे नहीं बोलना है, एकदम धीरे भी नहीं बोलना है, बहुत छोटी छोटी चीजें, और इसी पे वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको ट्राई करेंगे कि आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालें, हो सकता है कुछ चीजें लगे कि आपको ये थोड़ी ऑफेंसिव है, तो भी आपको वहां पे एजिटेट नहीं होना है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया या मेरा तो ये इंटेंशन नहीं था, और वो आपको बहुत इन्फॉर्मल भी करने की कोशिश करेंगे कि अरे आराम से बैठ जाइए, तो आपको वहां पे उनके साथ चिल नहीं होना है, मतलब वो जो भी करें आपको ये बात हमेशा थ्रू आउट इंटरव्यू ध्यान में रखनी है कि आप एक कैंडिडेट हैं जो कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस के सामने बैठे हुए, आपको अपना डिमीनर मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल। वो चाहे फ्रेंडली होने की कोशिश करें और चाहे आपके साथ थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल पोजिशन में डालें, आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे क्यों हैं, डेकोरम मेंटेन करना है, डेकोरम। काम एंड कंपोज रहना जी, है। और जो मैंने ये चीज बोली कि आपको अगर नहीं कुछ बन रहा है आप उसको एक्सेप्ट करिए, इससे ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये चीज कन्वे होगी कि कल को जब आप कोर्ट में उस पोजिशन में बैठेंगे, आपके सामने कोई लॉ का ऐसा प्रपोजिशन आया जिसपे आपकी होल्ड उतना अच्छा नहीं है या आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इसको मैं कैसे टैकल करूं, तो इससे ये अप्रोच कन्वे होगी कि आप उस चीज को मानेंगे पहली बात तो, कि हाँ मुझे इस चीज पे नहीं पता, आपका ये एटीट्यूड नहीं झलकना चाहिए कि नो इट ऑल, कि मुझे सब पता है और जो मुझे पता है वही सही है। ये चीज एक तो कन्वे होती है जब आप बोलते हो कि सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, और दूसरा ये जब आप ये बोलेंगे कि आई विल रीड इट आफ्टर आफ्टर द इंटरव्यू, तो इससे उनको ये पता चलेगा कि अच्छा माना कि नहीं आता है, और उसके बारे में आप लॉ को रेफर करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि समाज आपसे क्या करवाना चाह रहा है या मॉरली क्या चीज सही है, जो चीज लॉ में लिखी है आप लॉ से रेफर करके उस पोजिशन को, उस प्रोपोजिशन को हैंडल करोगे। तो ये दोनों चीजें कन्वे करना आई गेस बहुत जरूरी होता है वहां पे, और इन सब चीजों को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बिल्कुल। और आखिरी मेरा जो सवाल है, मतलब वो कहीं ना कहीं जो एक कॉमन, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए रिलेवेंट है कि आपका जो जो एक प्रेशर रहता है ना आपके ऊपर, तो जैसा कि आपने बताया कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो आप परफॉर्मेंस जो प्रेशर रहता है आपके ऊपर, वो आपने कैसे टैकल किया कि आपके फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, है ना, तो उन्होंने आपकी हेल्प की, क्योंकि डे टू डे आप एक ही बात को बार बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन आपको आता है। तो आपने बताया कि आपने उसको कैसे ओवरकम किया। उसके बाद एक ये है कि आपने, चलो आपने जो आपका डिमोटिवेशन था उसको आपने टैकल किया, जो
है ना, आपका मोटिव, आपका कॉन्फिडेंस गिरता तो उसको आपने टैकल किया। उसके बाद एक बात आती है कि आपने कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करने की बात है, क्योंकि एक डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम पे बहुत खास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जैसे आप किसी जॉब में है तो आपको पता है कि आपका जो बॉस है, आपका जो एम्प्लॉयर, उसकी अकाउंटेबिलिटी है आपके ऊपर। प्रिपरेशन में कि हमारा जब मन किया जब सो लेते हैं, कहीं मन बिल्कुल किया तो घूमने चले गए, मतलब एक अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं वो फैक्टर मिसिंग रहता है। तो बिल्कुल आपने वो अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर कैसे सेट की कि आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है? बिल्कुल आई गेस जो आपने ये प्रॉब्लम बताई कि हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, हम टाइम्स अपने मन से चीजें करते हैं कि अच्छा पढ़ लिया, उठ जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर सो लिया थोड़ी देर, फ्रेंड से कॉल पे बात कर ली, और ये चीज ऑल द वे डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब आप ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उसमें तो आपको क्लास भी नहीं जाना है 2 घंटे की, बट इतना आपको सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन खुद पे रखना होगा कि अगर 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास है तो आप 2 घंटे बैठो वहां पे, टीचर आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं आपको टीचर की परमिशन लेनी पड़ती कि सर मैं जा रहा हूँ, या आप नहीं क्लास आए तो चल गया, बट ऑनलाइन में कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि आपको बैठना है, आपके पेरेंट्स को भी एट टाइम्स नहीं पता आप सेपरेट रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्लास चल रही है, आप फोन चला रहे हैं या सो गए हैं या बस क्लास खुली छोड़ दी और आप कुछ अपना दूसरा काम करने लगे, तो एक सेल्फ कंट्रोल सेल्फ आपको होना ही डिसिप्लिन। चाहिए, बट जब आप वो चीज रोज रोज करेंगे तो आप उससे, क्योंकि सेल्फ अपने आप भी आप कब हार्ड, तक कंट्रोल करके हाँ रखेंगे तो वो आप अपने? उस उससे यूज टू हो जाते हैं सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज हाँ करते हाँ करते भी, तो बट और इसमें एक ये चीज रहती है कि हमारा जो अब आज का जैसा टाइम चल रहा है, जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हमको इंस्टेंट रिजल्ट की आदत हो गई है कि जल्दी बस ये काम किया इसका तुरंत रिजल्ट मिल तुरंत जाए रिजल्ट मिल बस, जाए। हाँ तो ये पूरे प्रोसेस को और डिफिकल्ट इसलिए बनाता है क्योंकि आपका रिजल्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन, प्री में आपका हो गया इसका मतलब ही नहीं आपका सिलेक्शन हो गया, मेंस में हो गया इसका मतलब ही नहीं आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो आप इवन करते भी जाते हो और छोटी छोटी सफलता आपको मिलती भी जाती है बट वो रिजल्ट आपको दिखता नहीं है, तो इससे आई गेस जो एक इस प्रोसेस ने मेरे अंदर जो एक चीज मेरे अंदर आई है वो थोड़ा, अगर मैं सही हूँ ये चीज बोलने में, तो एक पेशेंस लेवल थोड़ा आपका डेवलप होता है पेशेंस, परसिवरेंस एंड हाँ, डेडिकेशन की ये बात तीनों होती चीजें है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको आप करते जाओगे, आप सही डायरेक्शन में भी हो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगता है कि यार मैं जो अप्रोच मेरी है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तुरंत का तुरंत, तो इसमें मैं ये बोलूंगी कि हम सबका एक बोलते हैं ना इंस्पिरेशन कि आप क्यों आना चाहते हैं इन सर्विसेज में, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना ऑब्जेक्टिव चाहिए, दैट शुड बहुत बी कॉन्क्रीट। क्लियर होना चाहिए कि आपको ये सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी है और उस ऑब्जेक्टिव को आप हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे मेरे मेंटर बोलते थे कि वाई वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस, तो वो अपना वाई फैक्टर बहुत आपको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आपने जैसे पता है ना स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, बट फिर जब 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, तो पता चलता है हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो जब ऐसा टाइम आए कि आपको लगे कि आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरी चीजों में, तो आप अपने आप को याद दिलाइए कि आप फर्स्ट प्लेस पे आपने इस एग्जाम की तैयारी क्यों चालू करी थी, क्या आपका गोल है, आप क्यों उस पर्टिकुलर सर्विस में आना चाहते हैं, वो आपके लिए अलग, सबके कैंडिडेट्स के गोल्स अपने अलग अलग हो सकते हैं, किसी का है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि आपको जॉब में आना जरूरी है, किसी का बस यही है कि मुझे तो इस इंस्टीट्यूशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है, तो जो भी आपका गोल है आप बार बार रिमाइंड कराइए, और आप जो जिसका मैंने बताया मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे बोलता था कि ये ध्यान रखो हमेशा कि जो ये प्रिपरेशन है वो आपको क्या कॉस्ट कर रहा है, आप आज टाइम वेस्ट कर रहे हो बट जब रिजल्ट आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि तब मुझे पढ़ लेना चाहिए था, रिग्रेट। हाँ रिग्रेट, आज अगर आप जैसे मैंने बोला मेरी दीदी को जब बेबी हुआ तो मैं वहां क्यों नहीं गई, क्योंकि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी थी, अगर एग्जाम नहीं होता तो मैं वहां ये जाती, सब सेक्रीफाइस, ये ये कॉस्ट है जो हाँ आपने पे की है उस पे करी एग्जाम है उस इस रिजल्ट के एग्जाम लिए। को क्लियर करने के लिए, तो अपने आप को रिमाइंड कराइए आप शादी में नहीं क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको एग्जाम की पढ़ना प्रिपरेशन करनी थी, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के टुवर्ड्स आपको बहुत लॉयल रहना है अपने आप के साथ, जैसे बोला कि हम इतने बड़े हो गए, बचपन में जब स्कूल में थे तब तो मम्मी पापा डांट देते थे, बार बार बोलते थे कि नहीं पढ़ लो, इतना बड़े होने के बाद कोई नहीं बोलता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ही करना है अपने लिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, तो उस प्रिपरेशन के टुवर्ड्स लॉयल रहिए, अपने टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहिए कि आपको ही मॉनिटर करना है अपनी प्रोग्रेस को, कि आपका क्या ट्रैक चल रहा है, आपने जो अपने लिए गोल डेली के लिए सेट करा था वो आपने आज फुलफिल करा है कि नहीं करा, और आई गेस ये आपका नेक्स्ट डे का गोल फुलफिल करने का कॉन्फिडेंस देता है, आपको अच्छा लगता है जब आप रात में सोने जाते हो कि आज जो मैंने उसको डिसाइड करा था कंप्लीट अपने करके लिए, आए, तो आप अच्छे से सोते हो एक फिर सेटिस्फेक्शन मिला कि आज जो जी टारगेट बनाया था वो कंप्लीट किया। और बिल्कुल, और हाँ आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हो कि अच्छा मुझे अगर 15 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना था
तो मैं डेली डेली इतना पढ़ूंगा, तो जब डेली टारगेट्स मीट होंगे तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस, रिलीफ रहता है कि चलो 15 दिन में हाँ मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वही है कि आपका वही कहना है कि टारगेट छोटे बनाए, छोटे बनाए बट वो छोटे कंप्लीट करते चले, बिल्कुल, ऐसा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर बहुत ज्यादा टारगेट अपने लिए सेट कर देती तो मेरे लिए ओवरवेलमिंग हो जाता था, और शायद अगर मैं उसको कम टारगेट भी सेट करती फिर मैं उतना भी नहीं अचीव कर पाती हूँ। क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई रहती है लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हाँ, नहीं हो पाता, जिससे आप थोड़ा, आपको लगता है आपने आप कम अंडर भी नहीं, डिलीवर हाँ कर रहे हाँ हैं, आप तो थोड़ा, आप अगर छोटा टारगेट सेट कर दो तो आप उसको भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत उसकी ज्यादा हाई थी हो गई है, तो जी आप कहीं ना कहीं गिल्ट में आ जाते हो और गिल्ट बिल्कुल, साइकिल आपकी कंटिन्यू फिर वो आप रहती लूप है। में एक फंस जाते हो, फिर आप नहीं नेक्स्ट डे भी आप अपना होता कि मोटिवेशन नहीं नहीं ला हो पाते पाएगा हो अपने आप उस दिन का वो, टारगेट अचीव बिल्कुल करने का। तो अपना वाई फैक्टर स्ट्रांग रखिए, और ये ध्यान रखिए कि ये प्रिपरेशन आपको क्या कॉस्ट कर रही है। आई बस डोंट थिंक सो कि अगर आपके दिमाग में ये है तो फिर आप थोड़ा भी डिविएट होंगे अपने प्रिपरेशन में, और डिमोटिवेट होंगे तो ये आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपके लिए। बिल्कुल। और उसके बाद जो एक आता है कि एक डर जो रहता है, फियर, तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने फियर के बारे में एलेबोरेटली बात की, तो उसके बाद जो रहता है ना, जो आपका एग्जाम हॉल में जो फियर रहता है, जैसे एग्जाम जब देने वाले हैं तो सबसे बड़ा फियर वो रहता है कि इतनी प्रिपरेशन कर ली, अगर अब कुछ चूक हो गई गलती से, तो हमारी गलतियों के कारण अगर कुछ भी ऐसा हो गया कि हमें कुछ चीज एकदम से याद नहीं है, कुछ भूल गए, डर गए, तो वो जो फियर होता है ना, उसको आपने कैसे टैकल किया? जो सबसे बड़ा जो फियर रहता है वो प्रिपरेशन का एक फियर है, हाँ, लेकिन जो एग्जाम का, क्योंकि आपका प्रीलिम्स की बात करें तो सिर्फ 2 आवर्स में, मतलब 2 आवर्स होता का है जो हाँ, प्रीलिम्स होता है उसमें आपका डिसाइड होना है, और मेंस की बात करें तो उसका एक टाइम डिसाइडेड है, 2 दिन के अंदर आपके एग्जाम्स होने हैं और उसमें सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो एक वो जो डर रहता है ना कि उस एग्जाम हॉल में जब हम एंटर करते हैं, तो उस डर को आपने, उस फियर को कैसे टैकल किया? बिल्कुल। आई गेस ये चीज जो है, जितना इस ये फियर को टैकल करने का आपको एक बहुत अच्छा हेल्प करेगा, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि हर बार आपको वो 3 घंटे का डर रहता है कि अरे टेस्ट में ये ना छूट जाए। और दूसरा ये चीज ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रही, कि अगर आपने साल भर ऑनेस्टी के साथ मेहनत करी है, आपने अपने जितना अपना आप 100% दे सकते थे उस एग्जाम को प्रिपरेशन में दिया है आपने 100%, तो आप उसका कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने जितना मैं दे सकता था मैंने इस एग्जाम को दे दिया है। अब 2 दिन पहले डरने से कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट यही होगा कि जो आपको आता है वो आप अपने बेस्ट एबिलिटी में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, फाइनल एग्जीक्यूशन आपका अच्छा नहीं हो पाएगा नहीं जितना होगा। हो सकता हाँ, था। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि जो आपने साल भर की मेहनत करी है वो आप अपने 2 दिन के पैनिक मोड में जाने से आप उसको खराब नहीं करना चाहेंगे। और वो जैसे बोलते हैं ना कि साल भर की मेहनत तो है ही, बट आपका मेंस में होगा कि नहीं होगा या आपका वो एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं, जो इससे आप प्रेशर पेपर, और बिल्ड हो जाता है, आपको हाँ लगता है कि हाँ यही 3 घंटा सब हाँ कुछ है कि ये तो कुछ नहीं था, इतनी प्रिपरेशन तो कर ली, अब इसमें अगर कुछ तो गड़बड़ हो गई तो क्या, क्या इसमें होगा, फिर वो तो मेरे 1 साल की प्रिपरेशन को भी कोई खराब, ड्यू क्रेडिट नहीं देगा, ये वो डर कहेगा लगता है कि तुमने मेहनत तैयारी नहीं नहीं की। करी, तुम्हारी हाँ तैयारी में कमी थी। हाँ तो इन सब थॉट से थोड़ा दूर रहिए। जैसे मेरे साथ होता था कि जब मैं एक बार क्लास में एंटर कर गई जहां पे भी आपका रोल नंबर अलॉट हुआ है, फिर मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचती थी। एक तो मैं सेंटर पे जाती हूँ, मैं दूसरे बच्चों से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा तुमने ये पढ़ा, अरे हाँ ये ये उस टाइम हाँ पे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा, इसलिए ट्राई करिए। आप इतना अपनी तैयारी पे इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही सही है, पढ़ा है और बस और उतना ही कर अगर सकते थे। उतना ही कर सकते थे, अब अगर कोई नई चीज छूट भी गई है तो लेट इट गो, आप उसको ऐसे समझिए कि अब उसको जाने दीजिए। जितना अब उस नई इन्फॉर्मेशन को आप रिटेन उतने समय तक नहीं रख पाएंगे, बट वो जो टाइम आप अपने पुराने इन्फॉर्मेशन में को रिवाइज करने में दे सकते थे वो टाइम भी जाएगा। तो इसलिए मैं वहां जाके जब तक एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता था, मैं सेंटर्स पे कैंडिडेट से बहुत ज्यादा बात इंडल्ज नहीं होती थी कॉन्वर्जेशन में, और जब रूम में भी जाती थी तो ऐसे नहीं आगे पीछे बैठ के बात करने लगी कि कैसी तैयारी है, डर लग रहा है, बहुत ये सब नहीं करती थी मैं, अपना आराम से बैठी रहती थी। कुछ नहीं तो मैं यही करती थी कि अच्छा कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज, टीचर कौन है, कुछ भी बाहर से अपने कौन निकल रहा है, उसको डिविएट करने के लिए, कि या फिर वो नहीं सोचना बस है, चलो पढ़ाई पर की बातें नहीं सोचनी है, कोई हाँ गाना रैंडम गुनगुना रहे हैं, कुछ नहीं तो यही सोच रहे कि अच्छा 2 दिन बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा क्या तो क्या करूंगी, अरे बहुत करेंगे, सोएंगे, अरे ये वेब सीरीज देखेंगे। हाँ तो इन सब से मैं अपने माइंड को उन थॉट से दूर बचाना रखती है। थी कि रिजल्ट वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, तो पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपका आता हुआ भी आप नहीं अच्छे से गलत लिख कर पाओगे। दोगे। तो थोड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पे अपने आपको ऐसे थॉट से दूर रखना, बट ये समझिए कि कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल आपको ही करना है, आप कोई बिल्कुल आपको एंड मोमेंट पे आके नहीं समझाएगा, और उस टाइम पे कोई दूसरा समझाएगा तो भले ही आपको गुस्सा आ जाए कि तुम समझ नहीं रहे हो कि मुझे कितनी नर्वसनेस है या मैं किस प्रेशर में हूँ, आप तो वो चीज सिचुएशन जब वो समझ आप हाँ नहीं आपके अंदर से वो चीज आएगी ना कि रहे। आपको आपको लाइट थॉट्स लाने अपने दिमाग में, तो आप आई गेस वो प्रेशर को आप बिल्कुल अच्छे से डील कर बिल्कुल पाएंगे।
तो आखिरी एक मैसेज जो आप जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए आप जो आखिरी एक मैसेज है वो आप देना चाहें अपने जी वर्ड्स में। बिल्कुल। तो एक मेरा मैसेज ये है, सबसे जैसा मैंने अभी बोला कि कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, अपनी प्रिपरेशन पे, एट द सेम टाइम लॉयल रहिए प्रिपरेशन से, ऑनेस्ट रहिए अपने टुवर्ड्स कि आपके एंड पे कोई कमी ना हो। मतलब आप ऐसे समझिए कि कल को अगर आपका रिजल्ट में आता है, नाम नहीं भी आता है, आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आपको दुनिया चाहे जो भी बोले, आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए था कि हाँ सच में मेरे एंड पे कोई कमी थी। जैसे जब मैं बताऊं, जब मैंने राजस्थान का एग्जाम दिया था, रिजल्ट में मेरा नहीं हुआ प्री क्वालिफाई, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट एट द सेम टाइम ये चीज मुझे भी पता थी कि देयर वाज अ लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑन माय पार्ट, और मुझे पता था कि अभी मेरी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। तो जब इस फीलिंग को, इस थॉट को आप एलिमिनेट कर दोगे, तो चाहे आपका क्वालिफाई हो एग्जाम या नहीं हो, आप डिमोटिवेट उस हद तक नहीं होंगे कि आप उस प्रिपरेशन को ही छोड़ दें। आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। और एक बात जो सोमेश, मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगी, ये मैंने एक बुक में पढ़ी थी, और जो भी मैं रैंडम भी अगर इंटरव्यूज देखती थी तो मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मैनिफेस्ट करना चीज सीखिए उस चीज को, कि जैसे मान लीजिए आपको जज बनना है, तो आप भले ही अभी जज नहीं भी बने, आप एक एस्पिरेंट हैं, आप अपना थॉट प्रोसेस, अपनी जो आपका लाइफस्टाइल है उसको ऐसी समझिए कि जैसे आप जज होंगे तो आप क्या करेंगे, जज होंगे तो आप किसी चीज को कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। वैसे उस लाइफस्टाइल को जीना सीखिए। हो सकता है एट टाइम्स आपको लगे भी कि अभी तो मैं बना नहीं हूं, तो मैं ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, बट जब आप हर, वो होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप उन चीजों को अपनी डेली लाइफ में करना स्टार्ट कर देंगे, आप वैसा रहना चालू कर देंगे, वैसा सोचना चालू कर देंगे, वैसा बोलना चालू कर देंगे, तो इवेंचुअली वो चीजें आपके अराउंड होती जाएंगी। और ये भी होता है कि वो चीजें हमेशा से हो रही होती हैं, बट जब आप उसके बारे में एक्टिवली सोचते हैं तो वो चीजें आप नोटिस करते हैं, तब आपको लगता है कि अच्छा मैंने सोचा था तो ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई। और दूसरा कि पॉजिटिव बोलिए हमेशा, ये चीज मैंने अपने प्रिपरेशन में सीखी है। जैसे बड़े लोग हमेशा बोलते हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कब कौन सी बात आपकी बोली हुई सच हो जाए। तो आप हमेशा, आप डिमोटिवेटेड भी है तो भी ये बोली कि कोई बात नहीं, मेरा हो सिलेक्शन जाएगा। होगा, कोई बात नहीं, मुझे आज बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत, आप सैचुरेट हो चुके पढ़ते पढ़ते, ले लीजिए एक दिन का ब्रेक, दिन भर सोइए, दिन भर यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखिए, रील्स देखिए, जो कर रहे हैं, बट एक दिन के बाद आप उसी एनर्जी के साथ वापस आइए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। तो मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव चीजें बोलिए अपने बारे में, क्योंकि जो आप बोलते हैं आपकी बॉडी उस एनर्जी को लेती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आई गेस ये दोनों चीजें बहुत तो एक हेल्पफुल रूमी जो ऑथर है उनकी बात है कि होंगी। व्हाट यू आर थिंकिंग इज सीकिंग यू, हाँ है ना। तो बिल्कुल। इसी बात के, इसी नोट के साथ, इस बात के साथ इस इंटरव्यू का समापन करते हैं, इसका एंड करते हैं। तो हमने ढेर सारी बातें की दृतिका के साथ, उनकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड जो बातें थी, है ना, उनकी प्रिपरेशन कैसी रही, क्या उनके ऑब्स्टेकल्स से कैसे उनको ओवरकम किया, ये सारी बातें हम इस इंटरव्यू में समझी। तो थैंक यू सो मच दृतिका फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वॉज अ प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू।
हूँ।